चौवालीस पैंतालीस मिनट की हमने क्लास ली और उसके अंदर कंप्लीट फिनिश कर दिया उसको और इसी प्रकार से आज इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और स्टार्टिंग से लेके बिल्कुल इसकी जड़ को पकड़ते हुए बिल्कुल हाई लेवल तक चलेंगे और इसको फिनिश कर देंगे सभी लोग रेडी हैं फटाफट -फड़ से थम्स अप कर दीजिए दोस्तों थोड़ी सी क्षमा चाहूंगा मैं आप सभी लोगों से थोड़े से डिले के लिए ठीक है ना क्योंकि अच्छे कंटेंट बनाने में दोस्तों समय तो लगता है आप सभी लोग जानते हो ठीक है तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझेंगे इस चीज़ को क्या हाल चाल है दोस्तों आप लोग के रेडी हैं सभी लोग फटाफट से थम्सअप कर देंगे यस सर बिल्कुल रेडी है अरे भैया जोश और जुनून है या नहीं है हाँ जोश और जुनून नहीं है तो जीवन व्यर्थ है इसलिए हमेशा अपने जोश और जुनून को बनाए रखना है स्टार्ट करते हैं आरआरबी आर टेक रीजनिंग संपूर्ण क्लोक एक की वीडियो में समाप्त तीन घंटे लगातार चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोर्ट से आज के सेशन को ठीक है अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा ये महात्मा गांधी जी ने बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में समझाया ठीक है थीके? अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम होगा ही नहीं बात समझ में आ रही? आप सक्सेस होंगे या फिर आप सक्सेसफुल आप नहीं होंगे ये कब डिसाइड होगा जब आप कुछ करेंगे सीधी सी बात है। यानी आपके पास कुछ न कुछ रिजल्ट के तौर पर जरूर मिलेगा अब आप जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा आप जितने रिजल्ट में दोस्तों आप जितनी अपनी मेहनत में लापरवाही करेंगे उतना ही दोस्तों आपको भी नुकसान होगा ये आप सभी लोगों को पता है क्लियर है चलिए वेरी गुड गाइस सभी लोग आ गए हैं क्या बात है भाई जल्दी से आ जाइए फटाफट से जुड़ जाइए इतनी बेहतरीन और लाजवाब चीजें आप सीखोगे ना आज ठीक है आपको मजा आ जाएगा आप कहोगे कि वास्तव में सीखा ही है ठीक है इतना आप बोल दोगे चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग में सुबह दस बजे दोस्तों आप लोगों के लिए एल पी टेक्नीशियन के पेपर सेट स्टार्ट हो गए हैं टारगेट हमारा बिल्कुल क्लियर है शाम को हम लोग थ्योरी कवर कर रहे हैं मॉर्निंग में दोस्तों हम लोग जो हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पेपर सेट कवर कर रहे हैं ठीक है बहुत मज़ा आ रहा है इनके अंदर और कंप्लीट सिलेबस दोस्तों आप सभी लोगों को पता है ठीक है एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ये सभी टॉपिक्स डिटेल में एक एक करके एक एक चीजों के साथ में आपको कराया जाएगा चाहे वो नया पैटर्न हो या फिर पैटर्न्स में चेंजेस हुए हों अपडेटेड बिल्कुल रूल और कंसेप्ट के साथ में ठीक है गाइस ये पूरे पचास प्लस टॉपिक्स आप लोगों को दोस्तों मिल जाएंगे साथ ही साथ अपनी रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर ऐप को भी दोस्तों डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि मेरी इस ऐप पर दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत कुछ है ठीक है ये सिलेबस तो आप लोग मिल ही जाएगा आपको सिलेबस वाले सेक्शन में जाकर साथ ही साथ आप लोगों के लिए क्विजेस पीडीएफ्स ठीक है चैप्टर वाइज दस दस रुपए में बहुत सारी पीडीएफ डी एफ सौ सौ क्वेश्चन की पीडीएफ डाल दिए आप लोग जाइए जाकर मज़ा आएगा टेस्ट सीरीज लगाइए उसमें और ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको क्लियर है इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेलाइकन को प्रेस ज़रूर कर लें टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा मॉर्निंग वाली कल वाली और अभी आज वाली ये जो पी है रात को 12 बजे से पहले दोस्तों आपके पास में अपडेट हो जाएगी आप आराम से इन पी को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से टेलीग्राम चैनल का नाम है रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर चैनल जिसका लिंक है टी डॉट मी स्लैश रीजनिंग लाइफ बाय दीपक सर चैनल लिंक भी देख लें और नाम भी देख लें ठीक है क्लियर है इसके अलावा नए पैटर्न पर आधारित अपना ये फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है जीरो टू हीरो फाउंडेशन बैच बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड ठीक है डी टेन कोर्ड लगाकर टेन परसेंट का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा नाइन सिक्स जीरो टू फाइव वन फोर डबल थ्री टू अपना टेलीकॉलिंग नंबर है वन ईयर की वैलिडिटी इसके अंदर अवेलेबल है साथ ही साथ न्यू ए टू जेड रीजनिंग फाउंडेशन बैच जो ऑलरेडी पहले ही स्टार्ट हो चुका है ठीक है यह खत्म होने की कगार पर है तो आप लोग अब इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो क्लियर है बात समझ में आ रही है पूरा बैच आपको एक साथ मिल जाएगा सभी टॉपिक्स के साथ में इसके अलावा रीजनिंग थ्री पॉइंट जीरो रेलवे स्पेशल बैच जिसके अंदर सभी आपको जितने भी एग्जाम्स होते हैं रेलवे के उनसे संबंधित रीजनिंग अगर आपको पढ़नी है तो आप इस बैच की तरफ जा सकते हो वन ईयर की वैलिडिटी इस बैच में है 799 इस बैच का प्राइस है यूज कोड डी टेन एंड गेट टेन परसेंट ऑफ नाइन सिक्स जीरो अपना टेलीकोलिंग नंबर यही बैच अगर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहिए तो बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग पूरा सिलेबस अपने हिसाब से एक मंथ के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हो सेम टू सेम मैथ्स के लिए भी बैचेस दोस्तों आपके पास में अवेलेबल हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का बैच अवेलेबल है और अगर पूरा आपको अगर कॉम्बो बैच चाहिए दोस्तों तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है एक्सप्रेस बैच के रूप में क्योंकि तैयारी तो भाई साहब सभी सब्जेक्ट की करोगे तभी सलेक्शन होगा ना तो कंप्लीट मैथ्स रीजनिंग साइंस स्टडी जी के कंप्लीट टेस्ट सीरीज वन ईयर की वैलिडिटी सारी आपको मिल रही है इस एक्सप्रेस बैच के माध्यम से टेन का ऑफ है तो सत्रह में सारे सब्जेक्ट मिल जाएँ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाए टेस्ट सीरीज भी मिल जाए ए की फुल लेंथ वाली तो मज़ा ही आ जाए दोस्तों ठीक है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं सभी टीचर्स की सभी क्लासेस इसके अंदर मिल जाएगी अगर अलग से किसी को टेस्ट सीरीज़ लेनी है तो वो ए टेक्नीशियन की ये टेस्ट सीरीज जो है 100 सुपर फुल लेंथ मॉक टेस्ट हमने दोस्तों बना दिए थे आप सभी लोगों को पता है वन नाइनटी में फुल लेंथ 75 क्वेश्चन वाली सी बी वन के लिए ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है इसको लगा लीजिए आपको कुछ और कवश्य करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ठीक है प्रैक्टिस के लिए 200 सौ टेस्ट रीजनिंग के अवेलेबल है वन ट्वेंटी में डेढ़ सौ टेस्ट नाइन्टी में एंड हंड्रेड मोक्टेस सेवेंटी फाइव में आपके पास अवेलेबल है 15 फरवरी को अपनी बुक लॉन्च होने वाली है लेकिन प्री बुकिंग उसकी स्टार्ट है क्योंकि 15 फरवरी के बाद बुक की प्राइस थ्री फोर्टी होगी लेकिन बिफोर 15 फरवरी से पहले पहले इस बुक की प्राइस ओनली टू फोर्टी है ये एक चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर पेपर की सोल्यूशंस के साथ डिटेल सोल्यूशंस और शॉर्ट ट्रिक के साथ में ये बुक है ठीक है चैप्टर वाइज बिल्कुल तैयार रहिएगा कोई भी समस्या हो तो नाइन सिक्स जीरो टू फाइव वन फोर डबल थ्री टू पर आप लोग कॉल कर सकते हो ये हमारा कल टॉपिक हो गया था पहला टॉपिक आज सेकंड टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है ये सारी चीज़ें अपनी हो चुकी हैं ये आप सभी लोगों को पता है ये सारा सब कुछ हमने कल कर लिया था ठीक है तो जिसको नहीं पता है भाई साहब वो देख सकता है जाकर ये कंप्लीट सारी चीज़ें आप लोग कर चुके हो आज आप करने वाले हो धमाकेदार क्लॉक टॉपिक को स्टार्ट तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्लॉक टॉपिक को पर उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक कंसेप्ट के साथ में चीज़ें करवाना चाहता हूँ ठीक है पूरा फोकस यहाँ पर रखिएगा क्योंकि लंबी क्लास होगी बहुत डिटेल में क्लास होगी और मुझे भी नहीं पता कितना समय लगेगा सारे कंसेप्ट्स बताने में पर जब तक गला साथ देगा आप लोग रेस्पॉन्स करते रहोगे तब तक सारी चीज़ें बढ़िया से चलें ठीक है चलिए गाइस आप लोगों के जो भी सवाल हो थोड़ी देर बाद पूछ लीजिएगा स्टार्ट कर तो मेरे भाई स्वागत है आप सभी लोगों का क्लॉक टॉपिक के अंदर एक ही सेशन कोशिश पूरी रहेगी कि खत्म कर देंगे ठीक है दोस्तों आप सभी लोग यहां पर इस टॉपिक को जब आप पढ़ोगे क्लॉक टॉपिक को तो ऑब्बियस ही बातें नाम से ही पता लग रहा है कि हम घड़ी के बारे में पढ़ने वाले हैं ठीक है करेक्ट है, लेकिन सबसे पहले घड़ी के अंदर हम लोग कंसेप्ट को पढ़ेंगे और कंसेप्ट दोस्तों जितने भी होंगे ठीक है वो एनालॉग क्लॉक पर बेस्ड होंगे और डिजिटल क्लॉक पर भी होंगे पर फिलहाल एनालॉग क्लॉक में आप लोग देखेंगे ये हमारी घड़ी है दोस्तों ठीक है अब आप सभी लोगों को पता है कि इस घड़ी के अंदर मोस्ट प्रोबेबली सभी व्यक्तियों ने ये चीज़ जरूर देखी होगी कि घड़ी में तीन सुइयाँ होती हैं एक छोटी वाली सुई और एक बड़ी वाली सुई और एक सुई होती है जो उससे भी बड़ी होती है और सबसे तेज चलती है ठीक है गाइस क्लियर है तो जो सबसे छोटी वाली सुई होती है जो सबसे धीमा चलती है उसको अपन बोलते हैं सेकंड वाली सुई ठीक है ना उसको आप बोलते हो सेकंड वाली सुई सेकंड हैंड जो थोड़ी उससे तेज चलती है ठीक है करेक्ट है उसको आप बोलते हो मिनट वाली सुई मिनट हैंड करेक्ट है और जो सबसे तेज चलती है सुई उसको आप बोलते हो सॉरी गड़बड़ होगी जो सबसे धीमा चलती है दोस्तों वो होती है हमारी घंटे वाली सुई ठीक है करेक्ट है, जो सबसे तेज चलती है वो होती है हमारी सेकंड वाली सुई करेक्ट ये आपको बचपन से ही सारी चीजें आपने देखी हैं जिसको टाइम देखना आता है उसको ये सारी चीजों के बारे में पता है करेक्ट है कि नहीं है बात समझ में आ गई सभी लोग फटाफट से बता दो जल्दी से बता देंगे फटाफट से ठीक है ये घड़ी सभी ने देखी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ठीक है ये घड़ी है हमारी इस घड़ी में तीन सुइयां होती हैं ये सभी को पता है लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि एग्जाम में थोड़ी ना पूछेगा घड़ी बनाओ और तीन सु बताओ मैथ तो प्रोबेबली हमें कंसेप्ट को समझना है ठीक है सबसे पहला कंसेप्ट दोस्तों आज का सबसे पहला ये जो बारह खंड आपको देख रहे हैं ये बारह खंड मिलाकर पूरा एक सर्किल बना रहे हैं दोस्तों और आपने बचपन से पढ़ा है कि एक पूरा सर्किल जो होता है ना वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है अर्थात 360 डिग्री का कोण बनाता है भाई साहब यानी कि ये 12 भाग ये जो 12 खंड हैं, जिनको आप कह सकते हो 12 पोर्शन मिलकर ये 12 भाग मिलकर 360 डिग्री का कोण बनाते हैं 360 डिग्री का एंगल बनाते हैं सही है करेक्ट है तो एक बात बताओ दो नंबर्स के बीच का जो एक भाग होगा वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा कौन बताएगा जल्दी से बता दो तीन सौ साठ बटा बारह ठीक है आप भाग लगाओगे कितना आया तीस डिग्री का कोण यानी एक भाग मिलकर तीस डिग्री का कोण बनता है क्या यहां तक क्लियर है क्या बनाइए दोस्तों बताइए सही नहीं है आप सभी को पता है कि ये टोटल ट्वेल्व पोर्शन है और ये वो पोर्शन है जो एक पोर्शन बनाएगा करेक्ट है गाइस सभी लोगों को समझ में आ गया ये एक भाग है दूसरा भाग ये तीसरा भाग दो नंबर के बीच में ये अपन बोलेंगे इसको एक भाग एक पोर्शन तो ये दो नंबर के बीच में जो एक पोर्शन होगा ठीक है वो कितने का डिफरेंस होगा वो कितने का अंतर होगा तीस डिग्री का कोण होगा यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति है मुझे नहीं लगता कि भाई साहब किसी को आपत्ति होगी अब आप खुद सोच सकते हो कि तीस 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 ऐसे सब मिल के बारह इंटू तीस तीन सौ साठ डिग्री का कोण बनाते हैं अब आप लोग एक एक करके जो सुइयां हैं ना हमारी उनसे रिलेटेड कंसेप्ट को सीखेंगे फटाफट से सबसे पहले हम कंसेप्ट सीखते हैं दोस्तों मिनट वाली सुई के लिए ठीक है मिनट हैंड यानी कि घड़ी की मिनट वाली सुई करेक्ट जल्दी से बता दो एक मिनट वाली जो सुई होती है वो एक चक्कर कितने टाइम में लगाती मिनट वाली सुई घड़ी के अंदर एक पूरा चक्कर कितने टाइम में लगाती कौन बताए देखते हैं आप में से कितने बच्चे बताते हो ये मिनट वाली जो सुई है जो अभी देखिए छोटी वाली सुई तीन पर है बड़ी वाली सुई बारह पर है मिनट वाली ये मिनट वाली सुई को दोबारा से बारह पर अगर लेके आना है मुझे ऐसे ठीक है करेक्ट है तो कितने टाइम में आएगी एक पूरा चक्कर कितने टाइम में लगाएगी आप जानते हो हर एक घंटे में मिनट वाली सुई घूम जाती यानी मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर एक पूरा राउंड एक कंप्लीट राउंड जो होती है एक पूरा चक्कर लगाती है कितनी देर में बताओ एक घंटे में एक घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है? सही है एक पूरा चक्कर सही है एक घंटे में लगाएगी जल जल्दी से बताओ फटाफट से करेक्ट है एक पूरा चक्कर सही है अब आप एक बात बता दो एक घंटे में अगर एक पूरा चक्कर लगा रही है अर्थात एक घंटे में कितने मिनट होते हैं साठ मिनट यानी साठ मिनट में भाई साहब तीन सौ साठ डिग्री का कोण बनाती है ये कह सकता हूं क्या मैं क्या मैं ये कह सकता हूं अरे एक पूरा चक्कर लगा रही है भाई साहब घड़ी की मिनट वाली सुई एक पूरा चक्कर एक घंटे में लगा रही है तो मैं सीधा सीधा ये कह सकता हूँ ना इसका मतलब कि 60 मिनट में पूरा 360 डिग्री का कोण बना रही अगर 60 मिनट में पूरा 360 डिग्री का कोण बना रही है तो इसका मतलब एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी 360 डिग्री डिवाइड बाय 60 सही है नहीं है यानी मिनट वाली सुई एक मिनट के अंदर जल्दी से बता देना दोस्तों छः डिग्री का कोण बनाएगी क्या ये कंसेप्ट क्लियर है क्या सभी लोगों का फटाफट से थम सब बताओ भाई साहब जल्दी जल्दी से बताएंगे तुरंत प्रभाव से कि यस सर बिल्कुल क्लियर है मिनट वाली सुई एक मिनट में छः डिग्री का कोण बनाएगी करेक्ट है तो मुझे जल्दी से बता दो पंद्रह मिनट के अंदर पंद्रह मिनट के अंदर मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी मेरा क्वेश्चन ये है कि पंद्रह मिनट के अंदर मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी सही है दो घंटे के अंदर अगला क्वेश्चन ये है ठीक है दो घंटे तो नहीं चलो मैं ले लेता हूँ आपको चौबीस मिनट चौबीस मिनट के अंदर मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कौन बनाएगी ठीक है तीसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि भाई साहब मुझे जल्दी से बता दो कि चालीस मिनट के अंदर मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कौन बनाएगी ये तीन क्वेश्चन है जल्दी जल्दी से जवाब दे दो तुरंत प्रभाव से एकदम गोली की स्पीड से अगर मिनट वाली सुई एक मिनट में छः डिग्री का कोण बना रही है तो पंद्रह मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी क्या करेंगे पंद्रह इंटू छ कितना आएगा नब्बे डिग्री का कोण बनाएगी अगर एक मिनट में छः डिग्री का कोण बना रही है तो चौबीस मिनट में क्या करेंगे चौबीस इंटू छः सही है करेक्ट चौबीस इंटू छः कर दो बीस छिंग एक सौ बीस और छः चौका चौबीस कितना हो गया एक सौ चौवालीस डिग्री चालीस मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी तो क्या करेंगे चालीस इंटू छ कर देंगे कितना हो गया दो सौ चालीस डिग्री का कोण बनेगा क्या यहाँ तक क्लियर है क्या पिक्चर सभी लोगों की सभी बच्चे थम्सअप करके बता दें कि सर क्लियर है जीवन में नहीं भूलेंगे कि मिनट वाली सुई एक मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी तो भाई साहब मिनट वाली सुई एक मिनट में छः डिग्री का कोण बनाएगी वेरी गुड चलिए भाई साहब फटाफट से अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं बनाइएगा जल्दी से हमारी आवर एंड जो है घंटे वाली सुई हावर एंड हमारी कितने मिनट का कोण बनाएगी बताइए सबसे पहले तो ये निकालो कि घंटे वाली सुई जो है वो एक पूरा चक्कर कितनी देर में पूरा करेगी जल्दी बताओ घंटे वाली सुई एक पूरा चक्कर कितनी देर में पूरा करेगी आप बताओ भाई मिनट वाली सुई अभी बारह पर है तो एक घंटे बाद फिर से बारह पे आ जाएगी लेकिन घंटे वाली सुई एक घंटे बाद तो चार पे होगी दो घंटे बाद पाँच पे होगी तीन घंटे बाद छः पे होगी चार घंटे बाद सात पे होगी घंटे वाली सुई पाँच घंटे बाद आठ पे होगी और ऐसे पूरा अगर चक्कर लगाना है तो बारह घंटे बाद आएगी कोई भी समय बारह घंटे में एक बार बजता है ना तो एक बार बताओ अगर तीन बजे मैं बोल रहा हूँ दोपहर के तीन हो रहे हैं अभी ठीक है तो दोबारा तीन कब बजेंगे बारह घंटे बाद रात के तीन सही है नहीं है करेक्ट है कि नहीं है तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या बना यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सिंपल भाषा में कि घंटे वाली जो सुई होती है वो 12 घंटे में कितने में 12 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती अगर भाई साहब घंटे वाली सुई 12 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है, लगाती है तो आसान भाषा में मैं क्या कह सकता हूँ एक घंटे में होते हैं साठ मिनट तो इसको गुणा कर दो बारह इंटू से यानी बारह इंटू अच्छा एक चीज़ मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आपको अगर मैं कहीं पर पाँच के बाद ऐसे सिंगल डैश लिख दूँ ना तो इसका मतलब पता है क्या होगा इसका मतलब होगा कि पाँच मिनट को मैं बता रहा हूँ अगर मैं पाँच के बाद मान लो ऐसे डबल डैश कर दूँ तो इसका मतलब होगा दोस्तों कि मैं सेकेंड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ठीक है करेक्ट है बात समझ में आ गई सिंगल डैश वो मिनट को रिप्रेजेंट करेगा डबल डैश वो सेकंड को रिप्रेजेंट करता है तो कन्फ्यूज मत होना ना एक घंटे में होते हैं साठ मिनट तो बारह इंटू साठ मिनट के अंदर कितने डिग्री का तीन सौ साठ डिग्री का कोण बनेगा सही है ये हो गया बारह छिंग बहत्तर यानी कि भाई साहब 720 मिनट 720 मिनट के अंदर 360 डिग्री का कोण बन रहा है तो जल्दी से बता दो एक मिनट के अंदर कितने डिग्री का कोण बना 360 बटा 720 कट जाएगा 360 से 720 नीचे कितना आ गया एक बटा दो डिग्री का तो भैया कंसेप्ट नोट कर लेना कि घंटे वाली सुई एक मिनट के अंदर कितने का आधे डिग्री का कोण बनाती है मिनट वाली सुई तो एक मिनट के अंदर छः डिग्री का कोण बनाती है लेकिन भाई साहब घंटे वाली सुई एक मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है अब अगर एक मिनट में आधे डिग्री का कोण बना रही है तो मेरा क्वेश्चन यह है कि भाई साहब साठ मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाए बता दो साठ मिनट यानी कि एक घंटे अगर एक मिनट में आधी डिग्री का बना रही है तो साठ मिनट में कितना बनाएगी साठ इंटू हाफ कर देंगे कितना आ गया तीस डिग्री तो इसका मतलब क्या सही है क्या ये कंसेप्ट क्या सही है क्या बिल्कुल सही है ये मान लो एक घंटे बाद आपको भी पता है कि एक घंटे बाद अगर छोटी वाली सुई अभी तीन पर है तो एक घंटे बाद कहाँ पर आएगी चार पे यानी कि एक घंटे बाद इसके बीच में कितने का अंतर आया तीस डिग्री के कोण का अंतर आया कि नहीं आया ये बता दो फटाफट पड़ से सही है नहीं घंटे वाली सुई एक मिनट में अगर आधा डिग्री चलेगी तभी तो भाई साहब साठ मिनट यानी एक घंटे के अंदर कितना चलेगी तीस डिग्री चलेगी करेक्ट है। सही है कि नहीं है दोस्तों करेक्ट है सभी लोगों का क्लियर है सभी बच्चे एक बार थम्सअप करके दिल से लाइक करके बता दो कि यस सर बिल्कुल क्लियर है अभी तक मिनट वाली सुई के लिए भी क्लियर है घंटे वाली सुई के लिए भी क्लियर है अब कौन बताएगा मुझे तीसरा कंसेप्ट सेकंड सेकेंड वाली सुई के लिए कंसेप्ट कौन बताएगा सेकेंड वाली सुई के लिए बताओ भाई साहब सेकेंड वाली सुई एक पूरा चक्कर कितने टाइम में करती है अरे भैया सेकेंड वाली सुई तो सबसे तेज चलती है वो तो एक मिनट में ही पूरा चक्कर लगा लेती है आपको पता है? सेकेंड वाली सुई क्या करती है सेकेंड वाली सुई तो एक मिनट में ही एक पूरा चक्कर लगा लेती है। सही है नहीं एक पूरा चक्कर एक मिनट में ही लगा लेती और एक मिनट में होते हैं साठ सेकंड यानी कि भाई साहब साठ सेकंड के अंदर ही वो तो तीन सौ साठ डिग्री का कोण बना लेती है तो एक सेकंड का अगर निकालना होगा मुझे तो क्या करेंगे तीन सौ साठ बटा साठ यानी एक सेकंड के अंदर एक सेकंड के अंदर सेकंड वाली स्वीप छः छंग छत्तीस सही है नहीं है छः डिग्री का कोण बना ले तीनों कंसेप्ट याद रख लेना डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेते हैं ठीक है करेक्ट बात समझ में आ रही ठीक है ये कंसेप्ट हमारा निकल के आ गए तीनों कंसेप्ट निकल के आ गए कि मिनट वाली सुई एक मिनट में छः डिग्री का कोण बनाती है घंटे वाली सुई एक मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है और भाई साहब सेकंड वाली सुई एक सेकंड में ही छः डिग्री का कोण बना लेती है क्या यहां तक किसी को आपत्ति है क्या आपत्ति है जल्दी से बता दो फटाफट से कि यस सर क्लियर है ठीक है अब चलते हैं इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की तरफ ठीक है ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गए ये तो हमारे वो कंसेप्ट हैं जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हैं ठीक है ठीके? अब इंपॉर्टेंट चीज़ कहां से चलेगी यहां से चलेगी भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज यू समझ लो आपका टाइप यहां से चलेगा सबसे पहला टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं अब यहां से ये तो बेसिक कंसेप्ट है जो आपको घड़ी के बारे में पता होने चाहिए क्लॉक का टाइप नंबर वन ठीक है एंगल बिटवीन एंड मिनट हैंड ठीक है हमारा टॉपिक ये है घंटे व मिनट की सुई घंटे व मिनट की सुई के बीच कौन ज्ञात करना घंटे व मिनट की सुई के बीच कौन ज्ञात करना या यूं कह सकते हैं दो सुइयों के बीच कौन ज्ञात करना यह है और यही एग्जाम के अंदर आता है ठीक है यही आपका सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर आता है दोस्तों दो सुइयों के बीच में कौन ज्ञात करना करेक्ट मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं ठीक है ध्यान से सुनिएगा मैं आपको बोल रहा हूं कि पांच बजकर ठीक है पांच बजकर दस मिनट पर ठीक है क्या बोल रहा हूं मैं पांच बजकर दस मिनट करेक्ट कोई बढ़िया पहले चलो ठीक है फॉर्मूला बता दो बहुत सारे लोगों ने पढ़ रखा है इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं ठीक है टाइमिंग इस प्रकार से आएगा मान लो लिख ही देते हैं ना क्वेश्चन लिखने में क्या आरजे यार लिख देते हैं क्वेश्चन जैसे मान लो लिख देते हैं आप कुछ भी लिख दो यार तीन बजकर ले लो पंद्रह मिनट ले लो यार या तीन बजकर बीस मिनट ले लो ये ले लिख ले लेता हूँ ठीक है तीन बजकर बीस मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कोण क्या होगा? तीन बजकर बीस मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां दोनों सुइयां कौन सी ले रहा हूं मैं मिनट एंड और आवर एंड दोनों सुइयों के बीच में कोण ज्ञात किया करेक्ट है ये फॉर्मूला तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं अगर दो सुइयों के बीच में आपको कोण निकालना ठीक है? है तो कोण कैसे निकालते हैं फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कोण बराबर या थीटा बराबर कह सकते हैं ग्यारह बटा दो इंटू मिनट ग्यारह बटा दो इंटू मिनट माइनस थर्टी इंटू आवर या फिर घंटे वाला समय आप इसको लिख लो कोई दिक्कत नहीं इस फॉर्मूले को लिख लो आप ठीक है इस फॉर्मूले को आप लोग लिख लें कि दो सुइयों के बीच में कौन ज्ञात करने का ये फॉर्मूला होता है ठीक है कौन बराबर ग्यारह बटा दो इंटू मिनट कौन बराबर क्या होता है ग्यारह बटा दो इंटू मिनट माइनस थर्टी इंटू आवर बात समझ में आ रही है सभी बच्चे फटाफट फड़ से थमसअप करके बता दें कि ये सर बिल्कुल क्लियर है कोई इशू नहीं निकाल लेंगे यहाँ से ठीक सही है बोल रहा हूँ मैं आपको देखना थीटा बराबर एलेवन बाय टू इन टू अब मिनट की वैल्यू क्या है यहाँ पर ये घंटे वाला समय होता है आगे वाला ये पीछे वाला मिनट वाला समय होता है ठीक है यहाँ पे लिख दिया मैंने बीस माइनस थर्टी इंटू आवर आवर की वैल्यू कितनी है थ्री चलो सॉल्व कर लो दो से तुमने बीस को काट दिया गाइस कितनी बार दस बार तो ग्यारह इंटू दस कितना हो गया जल्दी से बताइए देखिए ग्यारह बटा दो इंटू मिनट तो बीस काट गया दस बार दस इंटू ग्यारह एक सौ दस माइनस हो गया नब्बे तो कितना आया दोस्तों बीस डी कितना आया बीस डी कि तीन बजकर बीस मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में बीस डिग्री का कोण ठीक है लेकिन अब आप मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें समझाना भी चाहता हूँ दोस्तों एक चीज आपको समझनी पड़ेगी यहां पर ठीक है फॉर्मूला आपने पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है लेकिन मेरे भाइयों आपको एक चीज समझनी पड़ेगी देखिएगा देखिएगा समझना भाई दे ये घड़ी है हमारी और इस घड़ी के अंदर मैंने ये कर दिया बारह छ तीन नौ दस ग्यारह एक दो चार पाँच सात आठ ठीक करेक्ट है तीन बजकर बीस मिनट बना रहा हूँ मैं देख ध्यान से देखना यह बजी है अभी फिक्स तीन हुई है ये अभी फिक्स तीन बजे का समय है जब बड़ी वाली सुई चलेगी बड़ी वाली सुई चलकर कर कहाँ पर आ गई चार पे आ गई तो क्या छोटी वाली सुई यहीं रहेगी क्या अरे भाई वो भी तो जब बड़ी वाली सुई चलेगी तो छोटी वाली सुई भी थोड़ा तो चलेगी ना मान लेते हैं छोटी वाली सुई यहाँ पर चलेगी सही है नहीं इनको हटा देता हूँ मैं ये हमारा हो गया एग्जैक्ट तीन बजकर बीस मिनट हमारा कोण निकल कर आ गया है कि इन दोनों के बीच में ये जो कोण निकल कर आया है ये कितने डिग्री का कोण निकल के आया बीस डिग्री का ये जो 20 डिग्री का कोण निकल के आया ना दोस्तों ठीक है इसको अपन बोलते हैं इंटरनल एंगल क्या बोलते हैं इंटरनल एंगल जिसको अपन हिंदी में कह सकते हैं आंतरिक कोण क्या कहेंगे दोस्तों इसको इसको कहेंगे आप आंतरिक कोण। कि यहां पर तीन बजकर बीस मिनट पर जो कोण बना है यह आंतरिक कोण है पर एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन सिर्फ पूछा था कि तीन बजकर बीस मिनट पर कोण ज्ञात कीजिए तो एक बात आपको मैं क्लियरली बता दूं कि जो कोण होते हैं वो दो बनते हैं एक होता है आंतरिक कोण और भाई सब ये बाहर वाला भी तो कोण है इस बाहर वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं इस बाहर वाले कोण को कहते हैं रिफ्लेक्स इंटरनल एक्सटर्नल भी बोल सकते हो या रिफ्लेक्स एंगल इंग्लिश में लिखा हुआ आता है रिफ्लेक्स एंगल कोण कौन।, कौन सा कोण कोण ठीक है अब आपको पता है कि ये पूरा जो है ये थीटा वन की वैल्यू आई है आपके पास कितना बीस डिग्री अब अगर उसने मान लो ऑप्शन के अंदर बीस डिग्री नहीं दे रखा तो इसके अलावा कौन सा ऑप्शन दे सकता है वो पूरा कोण होता है तीन का तो अगर तीन डिग्री में से हम लोग ये अंदर वाला बीस डिग्री हटा दें तो ये जो 340 डिग्री निकल कर आया है ना इसी को कहेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल यानी थीटा टू ठीक है तो दूसरा एंगल कौन सा बना दो कोण बनते हैं हमेशा याद रहें जब घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में आप कौण ज्ञात करोगे तो कोण दो बनेंगे एक बनेगा आपका इंटरनल एंगल जिसको आप बोलोगे आंतरिक कोण दूसरा बनेगा रिफ्लेक्स एंगल बाह्य कोण और बाह्य कोण हमेशा कैसे निकालेंगे 360 डिग्री में से माइनस करके ये यहां तक क्लियर है क्या सभी बच्चे एक बार थम्सअप करके बता दो तो कि यस सर बिल्कुल क्लियर है बहुत मज़ा आ गया ठीक है मज़ा अभी नहीं आया मज़ा अब आएगा एग्जाम के अंदर दोस्तों क्वेश्चन आता है ध्यानपूर्वक सुनिएगा ध्यानपुर अच्छे से मैं आपसे क्वेश्चन कह रहा हूं कि छह बजकर तीस मिनट पर दोनों सुइयों के बीच कौन बताओ फाइंड बोथ बोध दीडल्स एट सिक्स थर्टी दोनों सुइयों के बीच कौन बताइए बताइए भाई साहब मैंने आपको बोला कि छह बजकर तीस मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कोण ज्ञात कीजिए फटाफट फड़ से बताइएगा बताएं दोस्तों फटाफट फड़ से बताइए आपने निकाला थीटा बराबर ग्यारह बटा दो इंटू मिनट माइनस थर्टी इंटू आवर करेक्ट है सही है आपने निकाला थीटा की वैल्यू रखी ग्यारह बटा दो दोस्तों मिनट की वैल्यू रखी आपने तीस माइनस थर्टी इंटू आवर की वैल्यू रखी आपने सिक्स करेक्ट दो से आपने इस तीस को काट दिया कितनी बार कटेगा दोस्तों पंद्रह बार पंद्रह इंटू ग्यारह ये हो गया एक सौ पैंसठ एक सौ पैंसठ माइनस कितना हो गया दोस्तों एक सौ अस्सी डिग्री करेक्ट देख लो आप खुद ही सही है ये थीटा वन है तो थीटा वन बराबर हमारे पास कितना आया माइनस का पंद्रह डिग्री ये माइनस में आया दोस्तों सही है करेक्ट है फिर ऐसे ही अगर मान लो आपका मन कर गया रिफ्लेक्स एंगल निकालना है रिफ्लेक्स एंगल जिसको आप कहोगे बाह्य कोण तो बाह्य कोण कैसे निकालते हैं भाई साहब आपको पता है 360 डिग्री माइनस पंद्रह डिग्री अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा कि सर ये तो माइनस का पंद्रह आया है ना अब ये माइनस का पंद्रह आया है तो तीन सौ साठ में से क्या माइनस का पंद्रह माइनस करूँगा क्या क्या ऐसा करूँगा सर मैं हाँ क्या थीटा टू जो है माइनस माइनस प्लस हो के तीन सौ डिग्री बनाएगा क्या तो मैं आपको बता दूँ नहीं जी नहीं बिल्कुल नहीं आपने जब फॉर्मूले से आपने चीज़ों को देखा जब फॉर्मूले से चीज़ों को देखा तो आपका माइनस का चिन्ह आया मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ सिर्फ यही समझाना चाह रहा हूँ कि कभी आपका आंसर माइनस में आएगा पर आपको इस माइनस से कोई मतलब नहीं इस माइनस का प्रयोजन क्या है ये माइनस क्यों आया इस चीज़ को समझने की कोशिश करना ठीक है देखिएगा प्रैक्टिकली समझाता हूँ आपको मैं आपको पता है कि हर चीज़ एक बार पहले प्रैक्टिकली समझाता हूँ ताकि जीवन में रटना किसी चीज़ को ना पड़े हर चीज़ हमें पता हो कि क्यों आइए और किस प्रकार आइए ठीक है ना क्यों आइए और किस प्रकार आइए अगर एक बार में अगर आप सीखना चाहते हो ना परमानेंटली बिना बिना परेशानी के अगर आप कॉन्सेप्ट्स को सीखना चाहते हो तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप लोग बिल्कुल सही जगह पर हो और आपको मैं बताता हूँ पहला हमने टाइम लिया था तीन बजकर बीस मिनट दूसरा हमने टाइम लिया दोस्तों छ बजकर तीस मिनट यहाँ पर जो इंटरनल एंगल मिला यहाँ पर पॉजिटिव एंगल मिला था यहाँ पर इंटरनल एंगल मिला यहाँ पर हमें नेगेटिव एंगल मिला दोनों टाइम्स को हम लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे तीन बजकर जब बीस मिनट का टाइम हो रहा था तो आपको पता है कुछ इस प्रकार से था और जब छ बजकर तीस मिनट होगा तो बड़ी वाली सुई तो छः पर होगी पर छोटी वाली सुई चल चुकी होगी ना ये होगा साढ़े छ बजकर तीस मिनट क्या सही है मैंने सही बनाया बताएं दोस्तों फटाफट से बताइए जल्दी बताएं फटाफट से करेक्ट है सही है कि नहीं है देखो ध्यान से है ना अब यहां पर जब आप देखोगे ये मिनट वाली सुई को आप देखोगे ना तीन ये देखो माइनस और प्लस का खेल क्या है बस ये समझना आपको जब फिक्स तीन बजे का टाइम था जब मिनट वाली सुई ने चलना प्रारंभ किया तो मिनट वाली सुई छोटी वाली सुई को क्रॉस कर चुकी है यहां पे पॉजिटिव एंगल बन रहा है कितने का बीस डिग्री का है ना बीस डिग्री का एंगल बना था पॉजिटिव आया था आंसर पॉजिटिव क्यों आया था क्योंकि भाई साहब मिनट सुई ने मिनट वाली सुई ने यहां पर मिनट वाली सुई ने जब जब मिनट वाली सुई मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस कर चुकी है घंटे वाली सुई को क्रॉस कर चुकी है भाई साहब क्रॉस कर चुकी है यहाँ पर मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस कर चुकी है जबकि यहाँ पर चलना प्रारंभ किया अभी क्रॉस नहीं किया अभी उससे पहले ही एंगल बन गया यहाँ पर जो एंगल बना है ना दोस्तों ये ये जो एंगल बना है आपके सामने जो निकल कर आया सही है नहीं करेक्ट है ये जो पंद्रह डिग्री का निकल कर आया है ना पंद्रह डिग्री का एंगल निकला है लेकिन क्या नेगेटिव में सही है यहाँ पर क्रॉस नहीं किया यहाँ पर मिनट वाली सुई ने क्रॉस नहीं किया मिनट वाली सुई ने बात समझ में आई कि नहीं मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस नहीं किया तो यानी इसका मतलब जब घड़ी के अंदर काटे चलेंगे तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम कभी ये थोड़ी बोलते हैं दोस्तों आप एक बात बताओ सुनना क्या आप कभी ये बोलते हो क्या टाइम माइनस के तीन बजकर पंद्रह मिनट हो रहे हैं है? या माइनस के साढ़े छः बजिए या कभी आप लेंथ को जब आप ऊंचाई या दूरी नापते हो एरिया नापते हो तो कभी नेगेटिव में नापते हो क्या मेरी हाइट माइनस फुट नौ इंच है ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कभी भी भाई साहब आप करेक्ट है कि नहीं नहीं बोलोगे ना तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है समझने की कोशिश करना इस पॉजिटिव और नेगेटिव का खेल सिर्फ इतना सा है कि पॉजिटिव भाई साहब एंगल तब आता है जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस कर लेती है मिनट वाली सुई जब घंटे वाली सुई को क्रॉस कर ले तो पॉजिटिव एंगल आएगा और मिनट वाली सुई अगर घंटे वाली सुई को क्रॉस ना करे पहले ही एंगल बना ले तो वो नेगेटिव आएगा बात समझ में आ रही है क्लियर है अब यहां पर देखना ये जो माइनस पंद्रह आया ना तो इस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है माइनस सिर्फ बस ये दर्शाता है कि मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस किया है या नहीं किया है जब आप रिफ्लेक्स एंगल निकालोगे तो आप हमेशा पॉजिटिव वाले को ही माइनस करोगे कभी भी नेगेटिव वाले को माइनस नहीं करोगे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही ये जो है ना ये 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 भाई साहब हटा दोगे इसको तो कुल मिला के तीन सौ साठ माइनस पंद्रह ही करोगे आप 360 माइनस पंद्रह यानी कि भाई साहब जो आपका आंसर निकल कर आएगा जल्दी से बता दो फटाफट से कितना निकल कर आएगा 345 डिग्री क्लियर है कि नहीं है रिफ्लेक्स एंगल दूसरा एंगल क्या होगा दूसरा एंगल 345 डिग्री होगा क्लियर है यहां तक अब दोस्तों एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं आपको प्लस और माइनस का मतलब समझ में आ गया ठीक है अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रख रहा हूं धड़ाधड़ ठीक है ध्यान पूर्वक बस देखते जाइएगा मैं आपको दे रहा हूं सात बजकर या ले लेते हैं आठ बजकर ठीक है आठ बजकर चालीस मिनट पर बनाइए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर एक आठ बजकर चालीस मिनट पर कितना कोण बनेगा आठ बजकर चालीस मिनट पर कितना कोण बनेगा जल्दी से बता दो। आठ बजकर चालीस मिनट पर कितना कोण बनेगा ठीक है जल्दी बता दें या फिर आपको मैं दे दूं? सात बजकर बयालीस मिनट पर क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर टू कि सात बजकर बयालीस मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा से बता दो ठीक है फटाफट से एक एक करके याद करते जाना तुरंत प्रभाव से आंसर दो कितना आएगा अच्छा एक चीज याद रख लो दोस्तों हमें बार बार एग्जा अगर कुछ रेशो अगर आप याद रख लो तो कुछ चीजें आप आसानी से कर सकते हो बार बार फॉर्मूले की यूज करने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला आपको याद हो गया बहुत अच्छी बात है ठीठा बराबर है ना ये बहुत अच्छी बात है पर यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो रेशो बन रहा है वन रेशो फाइव अगर जब भी आपके पास घंटे और मिनट का रेशो वन रेशो फाइव में हो ना तो याद रखिएगा इंटरनल जो एंगल होता है थीटा वन की जो वैल्यू होती है ना वो हमेशा आपको याद कर सकते हो आप थीटा वन की वैल्यू होती है मिनट डिवाइड बाय टू माइनस से कोई मतलब ही नहीं है फिलहाल हमें ठीक है जब हम कोण निकाल रहे होंगे तब हमें माइनस से मतलब नहीं आप सीधा मिनट डिवाइड बाय टू ये फॉर्मूला याद कर सकते हो यानी कि थीटा का डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हो सीधा क्या करोगे चालीस बटा दो चालीस बटा दो कितना आ गया बीस डिग्री सही है नहीं क्लियर है आप थीटा टू यहाँ से निकाल सकते हो थीटा टू कैसे निकालेंगे भाई एंगल रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालेंगे तीन सौ साठ माइनस बीस तो यहाँ से थीटा टू की वैल्यू आ गई दोस्तों तीन सौ चालीस डिग्री करेक्ट है यहाँ पर भी आपने देखा फटाफट पड़ से यहाँ पर भी जब आपने देखा नौ पैंतालीस यानी कि वन रेशो फाइव बन रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है थीटा वन सीधा निकालेंगे क्या फॉर्मूला होता है मिनट डिवाइड बाई टू आप इसको याद रख लो सीधा आपने क्या किया थीटा वन की वैल्यू निकाली पैंतालीस बटा दो पैंतालीस बटा दो यानी कि भाई साहब आपके पास में सीधा आ गया साढ़े बाईस डिग्री कितना आ गया साढ़े बाईस डिग्री थीटा टू यहाँ पे कैसे निकालेंगे आप तीन सौ साठ माइनस साढ़े बाईस डिग्री करेक्ट है तो थीटा टू की वैल्यू आपके पास में कितनी निकल कर आ जाएगी दोस्तों ये आ जाएगी तीन सौ सैंतीस पॉइंट पाँच डिग्री ये आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अगर दोस्तों मैं आपको यह देता हूं ठीक है सात बजकर कितना सात बजकर बयालीस मिनट पर सात बजकर बयालीस मिनट पर कौन बताइए मेरा प्रश्न ये क्या बोला मैंने सात बजकर बयालीस मिनट पर कौन बताइए ठीक अगला मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ इसके अंदर क्वेश्चन नंबर वन ले लो इसके लिए फिर भी क्वेश्चन नंबर टू ले लो और मैं आपको दे रहा हूँ पाँच बजकर तीस मिनट पर कौन की ठीक है अब यहाँ पर दोस्तों ध्यानपूर्वक देख लें यहाँ पर आपको कुछ रेशो याद रख लीजिए जिससे आपका आंसर जल्दी आ जाएगा अगर वन रेशो सिक्स आपको दे है घंटे और मिनट का जो रेशो है वन रेशो सिक्स दे रखा है तो आप थीटा वन की वैल्यू डायरेक्ट फिर से आप ऐसे ही निकाल लेंगे मिनट डिवाइड बाय टू क्या आएगा मिनट डिवाइड बाय टू बस फर्क इतना सा है कि ये वैसे माइनस में आता है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा ये डायरेक्टली प्लस में ही आता है लेकिन हम लेते माइनस प्लस का रोल ही नहीं है यहाँ पर दो नम है ना घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कोण निकाल रहे हैं तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हो यहाँ पर डायरेक्टली ठीक है थीटा वन की वैल्यू यहाँ पर सीधी आ जाएगी क्या करोगे बयालीस बटा दो बराबर कितना आ गया दोस्तों 21 डिग्री ठीक है थीटा वन की वैल्यू 21 डिग्री आ गई अब थीटा टू की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करूँगा बाय कोण कैसे निकालते हैं 360 में से माइनस करते हैं 360 सौ साठ माइनस इक्कीस डिग्री जल्दी से बता दो दोस्तों क्या आंसर आएगा तीन में से इक्कीस जाएगा तो तीन डिग्री ये दूसरा कौन आ गया कितना आ गया दूसरा कौन आ गया चलो जल्दी से बता दो इसका ठीक है थीटा वन की वैल्यू क्या आएगी मिनट डिवाइड बाई टू रेशो क्या है क्योंकि वन रेशो सिक्स अनुपात अगर ये वन रेशो सिक्स में एक अनुपात छः में दे रखा है तो ये फॉर्मूला आप लोग सीधा अप्लाई करेंगे यानी थीटा वन की वैल्यू आएगी तीस बटा दो बराबर पंद्रह डिग्री और थीटा टू यहाँ से निकाल लोगे कितना तीन सौ साठ माइनस पंद्रह करोगे कितना आएगा दोस्तों तीन सौ पैंतालीस डिग्री क्या क्लियर है क्या क्या कर लोगे वन रेशो फाइव वन रेशो सिक्स जल्दी बता दो फटाफट से वन रेशो फाइव वन रेशो सिक्स कर लोगे क्या कर लोगे चलो तो फिर बहुत बढ़िया अब एक प्रश्न करके बता दो ठीक है मैं आपसे बोल रहा हूं कि दो बजकर बीस मिनट पर कौन बताइए दो बजकर बीस मिनट पर कौन बताइए ये वो प्रश्न है जो सीधे सीधे एग्जाम के अंदर आते हैं ठीक है क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको पांच बजकर पचास मिनट पर बताइए पांच बजकर पचास मिनट पर कौन बताइए जल्दी से बताइए देखते हैं कितने का आता है। सही है नहीं जल्दी से बताइए दो बजकर बीस मिनट पर कौन क्या होगा कौन बताएगा भाई साहब जल्दी बता दो तो फटाफट से तुरंत प्रभाव से बता दो तो दोस्तों नहीं करेंगे हम मैं आपको कुछ चीज़ें याद करवाऊँगा ठीक है ना कुछ रेशो आपको याद रखने पड़ेंगे जैसे रेशो आप याद रख लो ठीक है पहला अगर वन रेशो फाइव है या वन रेशो सिक्स है तो सीधा याद रख लो मेरे भाई आपको सीधा क्या करना है थीटा वन की वैल्यू निकालने के लिए ठीक है थीटा वन की वैल्यू कैसे निकालोगे आप सीधा मिनट डिवाइड बाय टू याद हो गया करेक्ट दूसरा याद रख लोगे आप वन रेशो टेन वन रेशो टेन अगर आपको दे रखा होगा तो सीधा आपको याद रखना है मिनट मल्टीप्लाई बाय टू पॉइंट फाइव आपके एग्ज़ाम में समय बहुत बचेगा भाई साहब नहीं तो बेसिक मेथड तो है ही सही आगे चलो आगे बताएंगे पहले फ़िलहाल इसको कर लेते हैं अब देखो यहाँ पर रेशो क्या था रेशो क्या था भाई साहब रेशो है वन रेशो टेन अगर एक अनुपात दस में अगर आपको मिनट और घंटे का समय दे रखा है ठीक है तो ठीटा वन बराबर कैसे निकालोगे कैसे निकालोगे जल्दी बता दो मिनट का ढाई गुना क्या करोगे मिनट का ढाई गुना जल्दी से बता दो फटाफट से क्या आएगा बीस का ढाई गुना कितना होता है जल्दी बता दो बीस का ढाई गुना बीस का ढाई गुना कितना हो गया दोस्तों पचास डिग्री सही है ठीटा टू निकाल लो जल्दी से कितना आएगा 360 माइनस पचास डिग्री 360 माइनस पचास डिग्री दोस्तों कितना हो जाएगा 310 डिग्री ये दे रखा है तो ये आंसर ये दे रखा है तो ये आंसर करेक्ट है कि नहीं है ठीक है दुगुना कर रहा है ये विशाल <laughs> देखिएगा इधर करेक्ट है यहां से निकाल लोगे थीटा वन बराबर वही अगर भाई साहब वन रेशो टेन में दे रखा है कलर चेंज कर देता हूँ दोस्तों वही वन रेशो अगर टेन दे रखा है भाई साहब तो सीधा आप क्या करोगे थीटा वन बराबर कैसे निकालोगे मिनट का का ढाई गुना मिनट का ढाई गुना अर्थात पचास का ढाई गुना कितना आया एक सौ पच्चीस डिग्री ठीक है थीटा टू बराबर कितना आएगा तीन सौ साठ डिग्री माइनस एक सौ पच्चीस कर लो थीटा टू की वैल्यू कितनी आ गई बता दो भाई साहब पच्चीस चला गया अब कितना बचेगा पैंतीस एक सॉरी दो सौ पैंतीस डिग्री ठीक है ये आपका आंसर है कितना आ गया दो सौ पैंतीस डिग्री दूसरा कौन ठीक है अच्छा एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया जो रिफ्लेक्स एंगल होता है ना जो भाए कौन होता है ठीक है यहाँ पर एक बार देख लें ये जो रिफ्लेक्स एंगल है भाए कौन इसका मान हमेशा 180 डिग्री से ज़्यादा होता है अगर 180 डिग्री से कम है ना भाई साहब तो फिर वो बाह्य कोण नहीं है रिफ्लेक्स एंगल का मान हमेशा याद रख लेना 180 डिग्री से ज़्यादा होता है ये बात ध्यान रख लेना कि रिफ्लेक्स एंगल जो होता है जो बाह्य कोण होता है ना उसका मान कितना होना चाहिए एक डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए तभी वो रिफ्लेक्स एंगल है वन्य अन्यथा फिर वो आंतरिक कोण हो जाएगा ठीक है करेक्ट है बात समझ में आ गई तो वन रेशो फाइव और वन रेशो सिक्स आपको समझ में आ गया है ना ये आपने लिख भी दिया वन रेशो टेन भी आपको समझ में आ गया करेक्ट है अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं बढ़िया से देखते हैं आप कितनी देर में कर पाते हो क्वेश्चन मैंने आपको दिया ठीक है चार बजकर कितना दिया मैंने आपको चार बजकर बत्तीस मिनट पर चार बजकर बत्तीस मिनट पर कौन बता दो जल्दी से चार बजकर बत्तीस मिनट पर कौन बता दो कौन बताएगा चार बजकर बत्तीस मिनट पर कौन बता दो देखते हैं किसका आंसर आता है बात यह नहीं है कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं भाई सब याद करनी पड़ेगी चीजें नहीं तो सदाबार चीजें तो है ही सर ठीक है चार बजकर बत्तीस मिनट पर अगर जिस व्यक्ति को नहीं आता है वो क्या करेगा वो क्या करेगा फॉर्मूला लगाएगा थीटा इंटू मिनट माइनस थर्टी इंटू आवर वो यही लगाएगा ठीक है अब वो सॉल्व करेगा थीटा वन बराबर ग्यारह बटा दो इंटू बत्तीस माइनस थर्टी इंटू आवर की वैल्यू करेगा भाई साहब चार दो से बत्तीस को काटेगा सोलह 16 बार 160 16, आ, एक सौ साठ और सोलह एक सौ छिहत्तर एक सौ छिहत्तर डिग्री माइनस तीन चौक बारह एक सौ बीस डिग्री यहाँ से वो निकालेगा फिर थीटा वन की वैल्यू थीटा वन बराबर कितना आ गया छप्पन ठीक है एक सौ छप्पन डिग्री आ गया फिर थीटा टू निकालेगा तीन सौ साठ माइनस एक सौ छप्पन डिग्री सही है नहीं क्लियर है सौ अगर माइनस होता एक सौ साठ माइनस होता तो सिर्फ दो सौ होता सही है लेकिन ये आएगा दो सौ चार टिकट ये रिफ्लेक्स एंगल ये इंटरनल है करेगा वो ऐसे सही है कि नहीं सॉरी क्या कर दिया है मैंने यार इधर चला गया ठीक है कहने का मतलब ये आया चार डिग्री और अन्य था भाई साहब वो अगर जिसको स्पीड से करना है वो देखेगा भैया रेशो रेशो कितना दे रखा है चारो अट्ठे बत्तीस वन रेशो एट अगर वन रेशो एट दे रखा है ना तो दोनों का अंतर कर देंगे भाई साहब क्या कर देंगे दोनों का वन रेशो एट अगर आपको दे रखा है दोनों का कर दो आप अंतर कर दो अंतर फटाफट पड़ से कितना आया दोनों का अंतर कर दो अगर ऐसा आता है तो ठीटा वन निकालना बहुत ही आसान है आप क्या करोगे मिनट माइनस आवर मल्टीप्लाई बाय टू बस खत्म पिक्चर इतना सा करोगे आप वन रेशो एट दे रखा है तो दोनों का अंतर करोगे अंतर कितना है बत्तीस माइनस चार इंटू क्या कर देंगे दो कर देंगे बस सिंपल सा। बत्तीस में से चार गया तो अट्ठाइस अट्ठाईस आप करोगे इंटू दो ये आ गया छप्पन डिग्री थीटा वन की वैल्यू थीटा टू निकाल लोगे सही है नहीं क्लियर है कि नहीं याद कर सकते हो चाहो तो आप वन रेशो एट अगर दे रखा है तो आप ये कर सकते हो ठीक है करेक्ट है अरे क्लियर है क्या भाई साहब जल्दी से बता दो समझ में आ रही है क्या चीज़ें हैं मैं चाहूँ तो इस, इस वाले पोर्शन को स्किप करके आगे जा सकता हूँ पर मुझे लगता है कि दोस्तों सारा खेल यार समय बचाने का ही तो है बता देते हैं बच्चों को ठीक है अगर आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है याद नहीं रहता है तो थीटा बराबर ग्यारह बटा दो इन मिनट माइन वाला फॉर्मूला लेकिन डेफिनेटली आपका कम से कम पचास से पचपन सेकंड बचेंगे आपके पचास से पचपन सेकंड बचेंगे भाई साहब ये मैं हंड्रेड परसेंट बोल रहा हूँ ठीक है करेक्ट है मान लीजिए दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ दो बजकर सोलह मिनट पर कौन कितना बनेगा सपोज करिए ये मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया आपने तुरंत देखा भाई साहब क्या देखा रेशो कितना दे रखा है वन रेशो एट अगर भाई साहब वन रेशो एट दे रखा है ठीक है वन रेशो एट दे रखा है सीधा थीटा वन की वैल्यू निकालेंगे आप थीटा वन की वैल्यू क्या दोनों का अंतर मिनट माइनस आवर इन क्या कर दोगे सीधा टू कर दोगे क्या करोगे जल्दी से बता दो फटाफट से जल्दी करो क्या आएगा सोलह माइनस दो चौदह इंटू दो तो थीटा वन की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई भाई साहब अट्ठाइस डिग्री ये आपका खत्म पिक्चर ये आपका आंसर खत्म कर लोगे कि नहीं कर लोगे कर लोगे मुझे पता है आप लोग कर लोगे कोई दिक्कत नहीं मैं हंड्रेड परसेंट श्योर हूँ कि भाई साहब आप लोग कर लोगे कोई दिक्कत नहीं ठीक है चलो छ बजकर चौबीस मिनट छह बजकर चौबीस मिनट पर कौन बता दो छह बजकर चौबीस मिनट पर कौन बता दो तुरंत प्रभाव से छह बजकर चौबीस मिनट पर कौन बता दो बताओ एक क्वेश्चन और लिख दो छह बजकर चौबीस मिनट पर कौन बता दो और तीन बजकर बारह मिनट पर कौन बता दो भाई सर तीन बजकर बारह मिनट पर कौन बता दो दोस्तों फॉर्मूला तो है ही हमारे पास पर हम रेशो याद रखेंगे वन रेशो फोर क्या करेंगे वन रेशो फोर अगर घंटे और मिनट का रेशो वन रेशो फोर दे रखा है तो सीधा थीटा वन की जो वैल्यू निकालेंगे वो कैसे निकलेगी मिनट मल्टीप्लाई बाय टू वन रेशो फाइव और वन रेशो सिक्स में तो आपको याद है दोस्तों देखिए ये तो याद हो गया आपको वन रेशो फाइव और वन रेशो सिक्स में तो याद है मिनट का आधा करते हैं एक काम करते हैं इसी के ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा है ना यहाँ पे लिख देता हूँ अगर भाई साहब वन रेशो फोर दे रखा है वन रेशो फोर दे रखा है तो आप लोग याद रख लो थीटा वन कैसे निकलेगा मिनट मल्टीप्लाई बाय टू ठीक है अगर वन रेशो फोर है तो मिनट मल्टीप्लाई बाय टू वन रेशो फाइव या वन रेशो सिक्स है तो मिनट का आधा वन रेशो टेन है तो मिनट का ढाई गुना ये तो सबसे सिंपल सिंपल है एक मैंने आपको बताया वन रेशो एट वन रेशो एट में क्या करते हैं मिनट माइनस आवर मल्टीप्लाई बाय टू ठीक है एक और मैं आपको बताऊंगा दोस्तों वन रेशो थ्री भी बताऊंगा आपको ये बस ये चार पांच याद रख लो ये डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं ठीक है नहीं याद रहता है तो फॉर्मूला ही से तो भैया जल्दी से करके बताओ तो यहाँ से ठीटा वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्या करोगे चौबीस मल्टीप्लाई बाय दो अड़तालीस डिग्री यहाँ पर कितना है जल्दी से देखा आपने वन रेशो फोर बन रहा है भाई साहब सही है वन रेशो फोर तो थीटा वन की वैल्यू क्या होती है मिनट मल्टीप्लाई बाय टू लगाओ भाई साहब थीटा वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी बारह इंटू दो बराबर चौबीस डिग्री तो दोस्तों कितना समय बच रहा है समय बच रहा है कि नहीं जल्दी से बता दो फटाफट से कि यस सर क्लियर है ट्रिक याद नहीं करना है पर देखिए करने वाला तो करेगा ही जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगा जिसको करना है वो करेगा भाई ठीक है तो अपना फर्ज है कि अपन बता दें फटाफट फड़ से शॉर्ट में अब दोस्तों वन रेशो थ्री की भी बात कर लेते हैं ठीक है मान लीजिए मैंने आपको दे दिया पाँच बजकर ठीक है छ बजकर अठारह मिनट दे दिए मान लो ये छ बजकर अठारह मिनट पर कौन कौन फास्ट करता है देखते हैं आप फॉर्मूले से फास्ट करते हो या हम रेशो से फास्ट करते हैं घंटे और मिनट की वैल्यू देखते हैं करो आप लोग ट्राई कर लो एक बार पहले निकाल लो कि आप लोग कौन से निकाल पा रहे हो कि नहीं हुँ? आप फॉर्मूला लगाओगे थीटा वन बराबर ग्यारह बटा दो इंटू मिनट माइनस थर्टी इंटू आवर ये फॉर्मूला लगाओगे थीटा वन की वैल्यू ग्यारह बटा दो इंटू मिनट की वैल्यू आप अठारह लोगे थर्टी इंटू आवर की वैल्यू सिक्स लोगे दो से अठारह काट दोगे नौ बार ये आएगा निन्यानवे नन्यानवे माइनस छत्तीस अठारह एक सौ अस्सी करेक्ट है तो यहाँ से थीटा वन की वैल्यू आपके पास निकल कर आ जाएगी दोस्तों एटी वन डिग्री करेक्ट है सही है अब भाई साहब यहाँ पे आप सीधा कर सकते हो मिनट मल्टीप्लाई बाय फोर पॉइंट फाइव जो मिनट आपको दे रखा है उसका साढ़े चार गुना बस थीटा वन बराबर कितना मिनट अठारह इंटू साढ़े चार अठारह चौक बहत्तर बहत्तर में नौ जोड़ोगे कितना आएगा इक्यासी डिग्री तो आप लास्ट ये याद करना चाहो तो कर लेना मिनट मल्टीप्लाई बाय साढ़े चार नहीं तो आवश्यकता नहीं है सदा बाहर फॉर्मूला कौन निकालने का जो मैं आपको बता चुका हूँ टीटा बराबर ग्यारह बटा दो ठीक है इंटू मिनट माइनस थर्टी इंटू आवर इससे ऑल ठीक है हमेशा घंटे और मिनट का अगर दे रखा है आपको तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो अदरवाइज ये रेशो आप लोग याद कर सकते हो करेक्ट है बात समझ में आ रही है कि जल्दी से बता दो फटाफट से कि यस सर क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी सब लोग कर लेंगे कर लेंगे भैया ठीक है मुझे पता है आप लोग कर लोगे कोई दिक्कत नहीं हम आगे अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं चलिए भैया नेक्स्ट अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों मजेदार देखिएगा ठीक चलो भैया मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं आप लोग मुझे कर कर बताइएगा ठीक है क्वेश्चन यह है सात बजकर बीस मिनट पर बाह्य कौन ज्ञात कीजिए सात बजकर बीस मिनट पर बाह्य कौन ज्ञात करें एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है हंड्रेड हंड्रेड एंड ट्वेंटी सी ऑप्शन है आपके पास एक सौ साठ और डी ऑप्शन है दो सौ साठ चलिए बता दीजिए ये एग्जाम का आया वन रेशो थ्री में करते हैं साढ़े चार गुना मिनट का साढ़े चार गुना ठीक है चलो बताओ सात बजकर बीस मिनट पर बाहे कौन निकालो क्या आएगा आर सेवनटीन स्टूडियो का आंसर सो आ रहा है अमित का जो आंसर है वो टू सिक्सटी आ रहा है ठीक है केशव का भी टू सिक्सटी शिवम का हंड्रेड आ रहा है ये जितने भी हंड्रेड वाले हैं जिनको शतक लगाने में बड़ा ही आनंद आ रहा है ये जीवन के सबसे बड़े मूर्ख हैं क्या है मित्रों ये मूर्ख हैं यहाँ पे कोई रेशो बन रहा है क्या पहली बात तो ये सात क्या बीस से कटता है क्या ये कोई रेशो बन रहा है क्या ये हैं ये रेशो बन लोगों ने रेशो बना दिया भाई साहब अपने हिसाब से अरे मूर्ख प्राणियों अभी अभी मैंने आपको एक चीज सिखाई थी आप नो पेपर इस क्वेश्चन में पेन ही यूज नहीं करना नो पेन नो पेपर आप अपना एक मिनट बचाओगे एग्जाम में मैंने आपको बोला था कि जो रिफ्लेक्स एंगल होता है जो बाह्य कोण होता है आपको अगर ये बात याद रही कि भाई साहब बाह्य कोण का जो मान होता है ना वो 180 डिग्री से ज़्यादा होता है एक डिग्री से क्या होता है ज़्यादा ग्रेटर देन वन डिग्री होता है तो अगर 180 डिग्री से ज़्यादा होता है बाह्य कोण का मान तो एक ही तो ऑप्शन था आपके पास में आपके पास ए ही तो ऑप्शन था भैया आपको सोल्व करने की ज़रूरत कहाँ थोड़ा ऑप्शन पे तो नज़र डाल लो जीवन में आपसे बोला गया बाह्य कोण रिफ्लेक्स एंगल निकालो ठीक है अरे भाई साहब रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो रिफ्लेक्स एंगल निकालना बड़ा ही आसान है यार सही नहीं नहीं आपको पता है एक डिग्री से ज़्यादा होता है एक डिग्री से भाई साहब अगर आपको कम दे रखें तो सारे ऑप्शन हट जाएंगे आपका सीधा आंसर आ जाएगा सही नहीं मज़ा आया कि नहीं आया सभी बच्चे पहले थम्सअप कर दो अन्यथा फिर आप लोग लगाएंगे देसी तरीका टीटा वन बराबर ग्यारह बटा दो माइनस आवर सही नहीं है पहले टीटा वन निकालोगे ग्यारह बटा दो मिनट की वैल्यू रखोगे बीस माइनस थर्टी इंटू आवर की वैल्यू रखोगे सात ये दस या आया आपका एक सौ दस माइनस सात या इक्कीस दो सौ दस सही है नहीं करेक्ट है फिर थीटा वन की वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी सो थीटा वन की वैल्यू सो निकलेगी फिर रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे तीन सौ साठ माइनस सौ दो सौ साठ नहीं तो ये करोगे आप तो आपको ये करने में भी तो समय लगेगा आपने 30, 40, 50 सेकंड बर्बाद कर दिए और अगर आप में थोड़ी सी बुद्धि थी तो आप सट आसठ सट आसठ तीन ऑप्शन कट के खड़क आपने आंसर किया है कि नहीं करेक्ट है सही है मजा आया तो भैया टाइप वन का कंसेप्ट आपने पढ़ा अब हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप नंबर टू पर टाइप वन का कंसेप्ट आपको उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा दो सुइयों के बीच में कौन निकालना सभी ने सीख लिया हो सही है कि नहीं एंगल बिटवीन टू नीडल्स ठीक है घंटे व मिनट की सुई के बीच में कौन निकालना फॉर्मूला आपको पता है थीटा बराबर ग्यारह बटा दो इंटू मिनट माइनस थर्टी इंटू आर ठीक है और इसके अलावा रेशोज भी इतने भी हार्ड नहीं है जो आपको याद न रहे वन रेशो फोर मल्टीप्लाई बाय टू वन रेशो फाइव और वन रेशो सिक्स दे रखा है तो मिनट का डिवाइड बाय टू कर देंगे और भाई साहब वन रेशो टेन दे रखा है तो मल्टीप्लाई बाय ढाई और भाई साहब वन रेशो आपको दे रखा है अगर एट सही है नहीं है वन रेशो एट तो दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय टू वन रेशो थ्री दे रखा है मिनट का साढ़े चार गुना वैसे याद हो जाते हैं कोई दिक्कत नहीं करेक्ट अब भाई साहब आगे चलते हैं अब इसका उल्टा कंसेप्ट पढ़ेंगे दोस्तों अभी आपने सीखा दो सुइयों के बीच में कोण यानी आपको टाइम गिवन था यानी इसकी सबसे बड़ी बात क्या थी दोस्तों आपको टाइम गिवन था और आप एंगल निकाल रहे थे तो यानी हम इस कंसेप्ट को यह भी कह सकते हैं कि आपने कोण तब निकाला ठीक है कोण आप तब निकाल पाए जब क्या गिवन था व्हेन टाइम इज गिवन वैन टाइम इज गिवन जब समय दिया था जब समय दिया था Osionfish. जब समय दिया था आपको समय दिया था ना भाई साहब समय दिया था तब जाके आपने कौन निकाला है आपको बकायदा समय दिया गया है तब जाके आपने भाई साहब कौन निकाला है आंखें खोल के देख लो सही है कि नहीं है अब इसका उल्टा अब आपको कौन दिया हुआ होगा और आपको क्या निकालना होगा टाइम निकालना होगा ठीक है अब आपको कौन दिया हुआ होगा और आपको टाइम निकालना होगा ठीक है फाइंड दी टाइम when एंगल इज गिवन अब उल्टा कंसेप्ट भाई साहब समय ज्ञात करना जब कोण दिया हो जब कोण दिया हो समय ज्ञात करना जब कौन दिया हो भाई साहब ठीक है मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ गया, ठीक है क्वेश्चन आ रहा है कि भाई साहब पांच व छ बजे के बीच पांच व छ बजे के बीच किस समय किस समय घड़ी की दोनों सुइयां घड़ी की दोनों सुइयां सत्तर डिग्री का कोण बनाए, सत्तर डिग्री का कोण बनाए, ये मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया ठीक है इन वॉट टाइम बोध द नीडल्स करो आप लोग ट्राई करो एक बार बोध दूडल्स मेक सेवेंटी डिग्री एंगल बिटवीन फाइव एंड सिक्स ये क्वेश्चन इन वॉट टाइम बोध द नीडल्स मेक राजदीप पॉल ऑलरेडी ए एल पी में भाई साहब जॉब कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि सर आपके सर आपका क्लास करके हमारा ए एल पी में सलेक्शन हुआ है फिर मिठाई विटाई तो आई नहीं है राजदीप शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है तीन चार साल हो गए जॉब करते हुए हैं अभी तक तो चारों अभी तक तो काफ़ी तो लाखों रुपए बटोर लिए होंगे ए एल पी तो वैसे ही तीन तीन चार चार गुना लोगों की सैलरियाँ उठा रहे हैं आए दिन तो भर में आता रहता है हैं आए दिन तो कोई ना कोई बोलता रहता है नहीं बोलता है क्या एक बात बताओ है? एक लाख बीस बीस तीस तीस हज़ार तो भाई सब सैलरी बन रही है दो दो तीन तीन लोगों का तो काम कर रहे हैं ट्रेन चलाते समय एक मिठाई का डब्बा नहीं लाया गया क्या देर से चलो सरकारी लेटेस्ट भैया इधर आ जा भैया अभी चलो इधर देखना अब आपको क्या दिया है इन वॉट टाइम बोथ द नडल्स मेक सेवेंटी डिग्री एंगल बिटवीन फाइव एंड सिक्स वहाँ पे आपको टाइम दिया था आपसे कौन पूछ रहा था अब आपको खुद ही बोल दिया कि भैया हमें पाँच व छः के बीच का वो टाइम बता दो जब दोनों सुइयों के बीच में सत्तर डिग्री का लगभग कोण बने सही है नहीं करेक्ट है इसको प्रैक्टिकली दोस्तों समझना पड़ेगा एक बार समझना चाहोगे आप देखिएगा इधर समझाता हूँ मैं आपको ठीक देखना इधर भैया ये घड़ी है हमारी थोड़ी टेढ़ी हो गई घड़ी कोशिश करते हैं हम सीधी अरे यार चलो यार अब जो भी है ठीक है ये बारह छ तीन नौ दस ग्यारह एक दो चार पाँच सात आठ ठीक है दो कंसेप्ट बनेंगे इसीलिए दो घड़ी बनानी अब आप कहोगे कि सर दो कंसेप्ट क्यों बनेंगे अभी समझाते हैं आपको क्यों बनेंगे दो कंसेप्ट बारह छ तीन नौ दस ग्यारह एक दो चार पाँच सात आठ ठीक है चलो भाई पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए मस्त तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार मगर रेस्पॉन्स करते रहो भाई साहब कि यस सर मज़ा आ रहा है आनंद आ रहा है बीच में अगर आपको ऐसा लगे ना कि भैया नहीं यार हैं कहीं और ही खो रहे हैं हम लोग या फिर आपको लगे कि नहीं भाई साहब यार है थोड़ा इंटरेस्ट कम हो रहा है तो दो चार बार ऐसे उठ के दो चार बार जंप मार लिया करो अपनी तरफ से है ना ताकि एनर्जी आ जाए वापस तुम्हारे अंदर चलो अभी इधर देख लो फटाफट से ये लिखा हुआ है भाई साहब आप लोगों के सामने है ना ठीक है करेक्ट इधर देख लेना भैया सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये पांच बजे का समय हो रहा है ठीक है ये अभी मान लो ये पांच बजे ठीक है ये पांच बजे का समय हो रहा है हमें सत्तर डिग्री का कोण निकालना है भैया ये लगभग पांच बजे का समय हो रहा है और हमें सत्तर डिग्री का कोण निकालना है क्या अभी इन दोनों सुइयों के बीच में है भाई साहब सत्तर डिग्री का कोण है क्या क्या अभी इन दोनों सुइयों के बीच में 70 डिग्री का कोण है क्या हमसे ये बोला गया है कि पाँच व छः बजे के बीच 70 डिग्री का कोण निकाल लो तुम अक्कल लगा के दोस्तों थोड़ी सी फोकस करके यहां पर बस इतना सा बता दो यार भाई कि ये जो दे रखा है ना आपको ये जो दे रखा है एक बच्चा बोल रहा है कि सर सबसे अच्छी रेलवे की रीजनिंग जो है वो दो में पढ़ाई हुई थी तो दो में हमने ही पढ़ाई थी ना भैया लेकिन 2019 और दो अगर आप वो वीडियोस देख रहे हो ना तो आज ही देखना बंद कर देना अगर आप 2019 वाले वीडियोस आप अभी 2024 वाली वेकेंसी के लिए देख रहे हैं ना तो आज ही देखना बंद कर देना देखने ही हैं तो 2024 वाले वीडियोस इस चैनल पे देखना चालू कर देना भैया जमीन आसमान का फर्क है जमीन आसमान ठीक है करेक्ट है ध्यान रख लेना वो हमें इक्कीस और बाईस से ही पता लग गया दो हज़ार इक्कीस दो हज़ार बाईस से ही पता लग गया हमें कि कैसे पेपर आए थे रेलवे में अब भाई साहब अभी आपको बोला गया कि सत्तर डिग्री का कोण निकालना है हमें पता है कि एक भाग जो होता है ना वो एक भाग एक पोर्शन दो नंबर के बीच का जो एक भाग होता है वो तीस डिग्री का कोण बनाता है तीस तीस साठ तीस तीस नब्बे ये हो गया तीस चौक एक सौ ठीक है और ये आगे तीनों यानी एक सौ पचास डिग्री अब इन दोनों सुइयों के बीच में 150 डिग्री का कोण है हमें चाहिए भाई साहब सत्तर डिग्री का कोण एक भाग अर्थात ये पाँच मिनट का जो अंतर होता है ना ये तीस डिग्री का कोण बनाता है ये एक भाग यानी पाँच मिनट का अंतर पाँच मिनट का अंतर तीस डिग्री का कोण बनाता है दो भाग फिर से तीस डिग्री तो साठ डिग्री तो यही हो गए अगर सत्तर डिग्री का कोण चाहिए ना हमें तो इस मिनट वाली सुई को थोड़ा सा इस इसको घंटे वाली सुई को भी सरकाएंगे और मिनट वाली सुई को भी सरकाएंगे लगभग इस जगह पे आकर लगभग इस जगह पर आकर दोस्तों सत्तर डिग्री का कोण बनेगा क्या कहते हो आप अंदाजे से अगर मैंने निकाला अंदाजे से निकल कर मेरे सामने कुछ इस प्रकार की चीज़ें आई क्योंकि तो ये छोटी वाली जो सुई है ना दोस्तों ओब्वियसली बात है ये भी पाँच पे थोड़ी ना रहेगी थोड़ी बहुत तो ये भी चलेगी यार सही है नहीं थोड़ी बहुत तो ये भी चलेगी तो लगभग अगर मैं बात करूँ क्योंकि ये चल चुकी होगी थोड़ी तो ये भी चली होगी यार थोड़ा तो आगे निकल गई होगी तो इस जगह पर सत्तर डिग्री का कोण बना अब ये जो सत्तर डिग्री का कोण यहाँ पर बना है मित्रों ठीक है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा बताना अगर मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को अगर क्रॉस नहीं किया है और पहले ही कोण बना लिया तो सत्तर डिग्री का कोण तो बनेगा पर भाई साहब जब अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना तो माइनस का सत्तर लेकर सोल्व करना पड़ेगा मैं ये क्यों बोल रहा हूं माइनस का सत्तर लेकर क्योंकि एक बार मिनट वाली सुई ने अभी घंटे वाली सुई को क्रॉस नहीं किया है पहले ही कोण बना लिया सही है नहीं है तो कोण सत्तर डिग्री का बनेगा लगभग टाइम आएगा पाँच बजकर और ये चौदह पंद्रह मिनट के आसपास का टाइम आएगा ठीक है इस समय सत्तर डिग्री के आसपास का कोण बनेगा और दूसरी बार भाई साहब सत्तर डिग्री का कोण तब बनेगा दूसरी बार सत्तर डिग्री का कोण जब बनेगा ना वो तब बनेगा जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस कर जाएगी जब मिनट वाली सुई ऐसे घंटे वाली सुई को क्रॉस कर जाएगी सही है नहीं मिनट वाली सुई इस घंटे वाली सुई को क्रॉस कर जाएगी भाई साहब तब भी भाई साहब दोनों के बीच में जो ये अंतर आएगा यहाँ पर ये वाला जो आएगा ये वाला जो कोण आएगा ध्यानपूर्वक देख एक तो पहले और एक बाद में ठीक है यहां पर भी सत्तर डिग्री का कोण बनेगा पर भाई साहब यहाँ पर पॉजिटिव लेकर हमको सोल्व करना पड़ेगा यानी दो टाइम आएंगे एक टाइम आया लगभग चार पाँच बजकर चौदह मिनट के आसपास एक टाइम आया हमारा पाँच बजकर दोस्तों चालीस मिनट के आसपास ये दो टाइम आएंगे निकल कर ये क्लियर है कि नहीं हमसे सिर्फ ये बोला गया है हमसे सिर्फ ये बोला गया है कि भाई साहब पाँच व छ बजे के बीच में किस समय सत्तर डिग्री का कोण बनेगा हमसे ये कहीं नहीं बोला कि हमें अगर प्रश्न में यह दे दे कि मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस नहीं किया है तो हम सिर्फ माइनस सत्तर लेकर सोल्व कर लेंगे अगर हमें प्रश्न में यह दे दे कि पांच व छह बजे के बीच में सत्तर डिग्री का कोण बनाना है परंतु मिनट वाली सुई ने अगर घंटे वाली सुई को क्रॉस कर लिया है तो हम एक ही टाइम निकालेंगे प्लस सत्तर डिग्री सोल्व करके फिलहाल हम लोग भाई साहब दोनों सोल्व करेंगे ठीक है हम माइनस लेकर भी सोल्व करेंगे हम प्लस लेकर भी सोल्व करेंगे क्योंकि हमें प्रश्न में सिर्फ दिया है कि व बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सत्तर डिग्री का कोण बनाएगी तो भाई साहब फॉर्मूला तो सबसे पहले बता दो आप ठीक है थीके? तो दो कंसेप्ट बनेंगे तो दो कॉलम में बना देता हूं सीधे सीधे से ठीक है यह ले लो भाई साहब दो कॉलम में बना लेता हूँ करेक्ट तो पहला कंसेप्ट दो कोण बनेंगे तो भैया पहला वाला तो क्या होगा जब जब मिनट वाली सुई जब मिनट वाली सुई ने किसको घंटे वाली सुई को जब मिनट वाली सुई ने जब मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को सुई को क्या किया है क्रॉस नहीं किया है। सुई को क्रॉस नहीं किया है। एक कंसेप्ट तो भाई साहब ये बनेगा सही है और दूसरा कंसेप्ट क्या बनेगा जब मिनट वाली सुई जब मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को जब मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस कर लिया है क्लियर है कि नहीं है भाई सब दोनों चीजें समझ में आ गई दो कंसेप्ट बनेंगे सिंपल सी चीजें ठीक है हमें बोला है, पांच व छह के बीच में सत्तर डिग्री का कोण बनाओ तो हमने ठीक लिया कि एक बार तो मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस नहीं किया है तो पहले ही कोण बना लिया वो कोण हमेशा नेगेटिव बनता है भाई साहब और जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस करके अगर सत्तर डिग्री का कोण बना दिए तो उस समय पॉजिटिव कोण बनता है सही है नहीं करेक्ट अब फॉर्मूला क्या होता है भाई फॉर्मूला तो हमने यही पढ़ा है ना अगर दो सुइयों के बीच में भाई साहब हमें कोण निकालना है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है ग्यारह बटा दो इन मिनट माइनस थर्टी इंटू आवर फॉर्मूला तो यही है ना हमारा अब इस फॉर्मूले में क्या क्या हमको दे रखा है इस फॉर्मूले में हमें दिया क्या है भाई साहब कौन हमें दे रखा है ठीक है थीटा की वैल्यू हमें खुद नहीं दे रखी है उसने हमें क्या क्या दे रखा है थीटा वन आंतरिक कौन की वैल्यू दे रखी है उसने अगर क्रॉस नहीं किया है तो माइनस सत्तर डिग्री हमको दे रखा है क्रॉस नहीं किया है तो यहाँ पर प्लस सत्तर डिग्री हमको दे रखा है भाई साहब कौन हमें दे रखा है अच्छा कौन के अलावा और क्या क्या दे रखा है हमें टाइम बताना है टाइम बताना है लेकिन घंटे वाला समय भी तो दे रखा है पाँच व छः बजे के बीच तो अगर टाइम निकालेंगे तो पाँच तो बजेगी बजेगी ना आप कैसे पढ़ोगे इसको इस टाइम को कैसे पढ़ोगे ये पाँच व छः के बीच में क्या पढ़ोगे कि भाई साहब घंटे वाला समय तो फिक्स है ना पाँच यहाँ भी फिक्स है पाँच यहाँ भी फ़िक्स है घंटे वाला समय तो फिक्स है पाँच बजकर कुछ मिनट ही तो होंगे पाँच बजकर चाहे पंद्रह मिनट हो चौदह मिनट हो या पाँच बजकर चालीस मिनट हो तो घंटे वाला समय तो फिक्स है पाँच सही है नहीं है तो क्या क्या हमें दिया है ठीठा की वैल्यू दे रखी है घंटे वाला समय ठीक है आवर आवर हमको दे रखा है भाई साहब फिक्स है पाँच व छः तो के बीच में है इसलिए घंटे वाला समय पाँच फिक्स है हमें तो मिनट की वैल्यू निकालनी है बस कि मिनट भाई साहब कितना होगा घंटे वाला समय तो फिक्स है पाँच बजेगी बजेगी हमें तो मिनट की वैल्यू निकालनी है कि मिनट क्या होगा सही है नहीं है तो चलो भैया सॉल्व करते हैं फॉर्मूला ये है सॉल्व करने का फॉर्मूला ये कहता है थीटा बराबर ग्यारह बटा दो इंटू मिनट माइनस थर्टी इंटू आवर चलो भाई रख दो रख दो भाई साहब चलो सॉल्व करते हैं चलो भाई साहब ठीक है थीटा वन थीटा वन की वैल्यू क्या दे रखी है जल्दी से बता दो क्या दे रखी है थीटा वन की वैल्यू माइनस सत्तर तो रख दिया हमने माइनस सत्तर बराबर ग्यारह बटा दो इंटू मिनट की वैल्यू तो हमें निकालनी है माइनस थर्टी इंटू आवर आवर की वैल्यू कितनी है आपके पास पाँच यानी तीस इंटू पाँच अब ये देखो इधर इधर लेके आओ इसको ये कितना हो जाएगा माइनस का डेढ़ सौ माइनस का डेढ़ सौ इधर आएगा तो प्लस का डेढ़ सौ तो प्लस का डेढ़ सौ डिग्री माइनस सत्तर डिग्री बराबर ग्यारह बटा दो इंटू मिनट सही सौर कर लो कितना आएगा अब ये ऊपर एक तरीके से ग्यारह एम बटा दो हो गया डेढ़ सौ में से सत्तर चले गए तो दोस्तों कितने बचेंगे अस्सी तो कुल मिला के आया आपके पास अस्सी बराबर ग्यारह एम बटा दो एम मतलब मिनट ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई साहब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा ग्यारह एम बराबर एक सौ साठ ठीक है तो एम बराबर कितना आ जाएगा एक सौ साठ बटा ग्यारह भाग लगा लो ग्यारह एकम एक ग्यारह ठीक है ग्यारह एकम एक ग्यारह बचा पचास फिर आएगा ग्यारह चौक चौवालीस ग्यारह चौक चौवालीस चौदह से छः बटा ग्यारह यह आया आपके पास यानी कि जो टाइम निकल कर आया एग्जैक्ट टाइम निकल कर वो क्या आया पाँच बजकर चौदह से छ बटा ग्यारह मिनट एक समय तो यहाँ पर बनेगा सत्तर डिग्री का कोण ये हमारा आंसर होगा ठीक है चलो दूसरे वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से ठीटा बराबर पता ही आप सभी को तो ठीटा की वैल्यू रख देंगे प्लस का सत्तर बराबर ग्यारह बटा दो इंटू मिनट की वैल्यू हमको निकालनी है माइनस थर्टी इंटू आवर की वैल्यू कितनी है दोस्तों पांच अब ये माइनस का डेढ़ सौ इधर आएगा तो प्लस का डेढ़ सौ प्लस सत्तर है ही सर पर बराबर ग्यारह एम बटा दो ये है ये कितना हो गया दोस्तों आपके पास में दो सौ बीस दो सौ बीस बराबर ग्यारह एम बटा दो भाई साहब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है कितना आ गया यह आपके पास आएगा ग्यारह एम बराबर ग्यारह एम बराबर चार सौ चालीस तो यहाँ से एम बराबर आ जाएगा कितना ग्यारह चौक चौवालीस चालीस मिनट एम बराबर आ गया चालीस मिनट ठीक है यानी कि दूसरा कौन निकल कर आया पाँच बजकर चालीस मिनट देखिए हुआ ना परफेक्ट है ना दोस्तों सही है क्लियर है सर पीछे सर आगे की चीज़ें तो मैं हम पढ़ते जा रहे हैं लेकिन पीछे वाली चीज़ें भूलते जा रहे हैं पीयूष जी का ये कहना है इसका मतलब बादाम आप नहीं खाते हैं रिवीजन आप नहीं करते हैं तभी ऐसा हो रहा है समय पर आपने चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तब भी ऐसा हो सकता है इसीलिए समय पर रिवीजन करते रहें चीज़ों का फटाफट फटाफट से क्लियर है क्लियर है एक एक टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर करेंगे एक एक टॉपिक के कल हमने रैंकिंग को पूरा फिनिश किया आज हम लोग क्लॉक को फिनिश कर रहे हैं मैंने बस आप लोगों से एक ही चीज़ बोली मैंने बस आप लोगों को ये बोला है कि अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है वास्तव में चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं और आप चाहते हैं जीवन में भाई साहब एक बार में ही हम ऐसा पढ़ें कि दोबारा बार बार पढ़ने की दिक्कत ना हो तो भाई साहब आप दिल से सेशन को लाइक कर दें क्योंकि वही मेरा मोटिवेशन है ठीक है करेक्ट है और शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों मित्रों के साथ क्योंकि ये परिवार आगे बढ़ेगा आप लोग आगे बढ़ेंगे मैं आगे बढ़ूंगा तो भाई साहब चीज़ें सब कुछ सुव्यवस्थित तरीके से चलती रहीं बात समझ में आ रही है क्लियर हैं आप कुछ समझदार हैं फटाफट पड़ से वंस मोर सर एक बार और जी बिल्कुल एक बार और क्या दो बार तीन बार बताएंगे यार बढ़िया से बताएंगे समझ में आ गया ठीक है हमें सिंपल सा ये बोला गया है कि पाँच व छः बजे के बीच में हमें सिंपल सा सत्तर डिग्री का दोस्तों कोण निकालना था 70 डिग्री का कोण निकालना था हमें पता है कि एक बार 70 डिग्री का कोण तब बनेगा जब मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस नहीं किया है जब मिनट वाली सुई घंटे घंटे वाली सुई को क्रॉस ना करे तो उस समय जो कोण बनता है ना वो नेगेटिव होता है तो आपको जो 70 डिग्री का कोण दे रखा है आप यहाँ सोल्व करेंगे समय निकालने के लिए आपको माइनस सत्तर यूज़ करना पड़ेगा और एक वो समय जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस कर जाएगी तब आपको प्लस सत्तर लेकर सोल्व करना पड़ेगा तो ये टाइम अलग आएगा तो दोनों टाइम हमने निकाल लिए कि पाँच व छः बजे के बीच में सत्तर डिग्री का कोण कब बना तो पाँच बजकर चौदह से ही छः बटा ग्यारह मिनट पर और एक बना पाँच बजकर चालीस मिनट पर बात एकदम क्लियर है सही है क्लियर है अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है ये जानना भी आपका बहुत ज़रूरी है कि आखिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या वो इसी प्रकार से आएगा देखिए अब एग्जाम में प्रश्न जरूरी नहीं है हर बार कोण में देगा आपको जो दे रखा है ना उसने जो बोला है ना कि सत्तर डिग्री का कौन कब बनेगा वो ये भी दे सकता है जैसे तीन व चार बजे के बीच कब मिनट की सुई और घंटे की सुई से चार मिनट पीछे होगी पीछे मतलब पहले ही कोण बना ली ठीक है प्रैक्टिकली समझिएगा आप इस प्रश्न को ये हमारी घड़ी है मित्रों ठीक देखना इस बार उसने क्या बोला इस बार उसने कहा कि भाई साहब आप जो है ना सत्तर उसने कौन वोण नहीं दिया उसने कभी कभार क्या होता है कौण की जगह सिर्फ इतनी सी चीज लिख कर दे देता है समझना तीन व चार बजे के बीच दो सुइयों के बीच में चार मिनट का अंतर बोल रखा है चार मिनट पीछे वो भी तो अब आप एक बात बताओ अगर मेरे को फिक्स तीन बजे का समय बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा छोटी वाली सुई यहां पर और बड़ी वाली सुई यहाँ पर अभी तो इन दोनों के बीच में नब्बे डिग्री का कोण है भाई साहब यानी पंद्रह मिनट का अंतर है हमें इन दोनों सुइयों के बीच में चार मिनट पीछे हो ये बोल रहा है ठीक है चार मिनट पीछे हो अर्थात छोटी वाली सुई यहाँ पे थोड़ी सी चलेगी और अगर चार मिनट का अंतर यानी कि यह वाला अंतर अर्थात मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस नहीं किया चार मिनट चार मिनट का अंतर अब आपको पता है कि ये जो मिनट वाली सुई होती है वो एक मिनट में छः डिग्री का कोण बनाती है मिनट वाली सुई एक मिनट में छः डिग्री का कोण बनाती है यानी कुल मिला के हमें क्या निकालना है कि भाई साहब चार मिनट का अंतर अर्थात चार इंटू छः बराबर चौबीस डिग्री का कोण दोनों सुइयों के बीच में हमें चौबीस डिग्री का कोण निकालना है परंतु वो पीछे है अर्थात पहले ही कोण बना लिया पहले ही कोण बना लिया तो थीटा की वैल्यू आप क्या लेंगे माइनस में लेंगे कि नहीं लेंगे हमें भैया क्रॉस करने वाला क्रॉस करके आगे निकल गई वो समय नहीं निकालना हमें यहाँ पर बोला है कि तीन व चार के बीच में भाई साहब चार मिनट का अंतर हो चार मिनट का अंतर हो सीधा सा मतलब ये है कि एक मिनट में छह डिग्री तो भैया चार मिनट में चौबीस डिग्री अब चार मिनट में चौबीस डिग्री और अगर पीछे है मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस नहीं किया है तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या करेंगे माइनस चौबीस डिग्री लेकर सोल्व करेंगे भाई सब खत्म हो गई पिक्चर ये लीजिए ठीक है थीटा बराबर आप लोग जानते ही हो क्या होता है ग्यारह बटा दो इंटू मिनट माइनस थर्टी इंटू आवर ये आप लोग जानते ही हो बहुत अच्छे से सही है ये लो अब यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है आपके पास वैल्यू आ गई थीटा वन की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई डायरेक्टली उसने चौबीस डिग्री नहीं बोला उसने बोला चार मिनट का अंतर तो चार मिनट का अंतर हम क्या बेवकूफ है क्या निकाल लेंगे ना भाई साहब डिग्री में उसको मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ से निकल के आ गई थीटा वन की वैल्यू चौबीस डिग्री सही है नहीं है अब तीन व चार के बीच में तो घंटे वाला समय तीन तो दे ही रखा है अब भाई साहब हमें क्या निकालना है मिनट वाला समय निकालना है कुल मिला के सही है लो सॉल्व कर लेंगे भाई रख दो इसके अंदर माइनस का चौबीस इक्वल टू ग्यारह बटा दो इंटू मिनट माइनस क्या है थर्टी इंटू आवर की वैल्यू कितनी है थ्री तीन तीनों माइनस का नब्बे इधर आएगा तो प्लस का नब्बे माइनस चौबीस डिग्री बराबर ग्यारह एम बटा दो लो भैया सॉल्व कर लो ये कितना आ जाएगा छाछठ छाछठ डिग्री बराबर ग्यारह एम बटा दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई साहब सही है चाहो तो यहाँ भी काट सकते हो आप ये लो डायरेक्टली काट लो ना ये ग्यारह और ये छाछ कितनी बार छः बार तो छः धुनी बारह आ गया यानी मिनट की वैल्यू आ गई बारह आंसर क्या आया तीन बजकर बारह मिनट क्या आया तीन बजकर बारह मिनट तीन बजकर बारह मिनट पर मिनट की दोनों सुइयों के बीच में भाई साहब चार मिनट का अंतर होगा चार मिनट पीछे और अगर क्रॉस कर जाती अगर आगे होती चार मिनट आगे निकल गई होती पीछे थी इसलिए भाई साहब हमने क्रॉस नहीं करवाया अगर आगे निकल जाती भाई साहब क्रॉस करके अगर आगे निकल जाती तब क्या होता यहाँ पे थीटा की वैल्यू प्लस में ले लेते प्लस चौबीस लेके सॉल्व कर लेते तब आ तब आंसर अलग आता यानी टाइम अलग आता सही है करेक्ट है अब भाई साहब अब एक क्वेश्चन आप लोग देखिए कितना मज़ेदार प्रश्न आया अब आपको मैं ऐसा प्रश्न बताता हूं दोस्तों कि आप कहोगे कि वाह सर वाह ऐसा भी प्रश्न आता है जी बिल्कुल आता है देखिएगा इधर। अब देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या किया उसने इतना समझदार है एग्जामिनर इतना समझदार है क्या चानपत्ती लगाता है भाई साहब ठीक <laughs> है एग्जामिनर ने देखिए अपना दिमाग लगाया एग्जामिनर ने क्या कहा मुझे तो साढ़े पांच से छ के बीच में नब्बे डिग्री का कोण बताओ नब्बे डिग्री का कोण किस समय बनेगा कंफ्यूज कर दिया आपको पांच व छ नहीं लिखा क्या लिखा साढ़े पांच से छ के बीच में थोड़ी सी अक्कल आपके अंदर है तो आपको पता है कि अगर भाई साहब तीस मिनट से पहले का समय दे रखा है ना क्योंकि पांच और छे जब पाँच साढ़े पाँच बजे के बाद तो क्रॉस ही हो गई एक तरीके से साढ़े पाँच व छः के बाद साढ़े पाँच व छः के बीच में क्या होगा मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस कर जाएगी भाई साहब सही है कि नहीं तो इतने तो हम भी समझदार हैं साढ़े पाँच से अगर छः बजे के बीच का टाइम दिया है अर्थात अर्थात कौन सा समय दिया है अर्थात मिनट वाली सुई ने मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई यानी कि आवर वाली सुई को क्रॉस कर गई है। आवर वाली सुई को क्या कर गई है को क्रॉस कर गई है। अगर आवर वाली सुई को क्रॉस कर गई है, इसका मतलब सीधा सा भाई साहब ये है कि भाई साहब थीटा आप पॉजिटिव लोगे ठीक है थीटा वन की वैल्यू आप क्या लोगे पॉजिटिव 90 डिग्री ले लिया आपने साढ़े पाँच व छः के बीच में अरे घंटे वाला समय तो आप ऐसे ही पढ़ोगे ना कि पाँच बजकर जैसे ये इसको क्या पढ़ोगे पाँच बजकर तीस मिनट व छः बजे के बीच में यानी पाँच तो बजेगी बजेगी साढ़े पाँच व छः के बीच में टाइम निकालना है तो ऐसे ही तो पढ़ोगे कि पाँच बजकर ये मिनट तो इसका मतलब घंटे वाला समय भाई साहब पाँच तो फिक्स है ही सर आपको सिंपल सा मिनट की वैल्यू निकालनी है बस लगा दो भैया फॉर्मूले में फॉर्मूला क्या होता है थीटा वन बराबर ग्यारह बटा दो इंटू मिनट माइनस थर्टी इंटू आवर ये भाई साहब फॉर्मूला आपको परमानेंटली याद हो गया होगा आप तो ठीक है थीटा की वैल्यू आपने रख दी प्लस का नब्बे बराबर ग्यारह बटा दो इंटू मिनट माइनस थर्टी इंटू आवर की वैल्यू कितनी है पाँच माइनस का डेढ़ सौ इधर आएगा तो प्लस का डेढ़ सौ प्लस का डेढ़ सौ प्लस नब्बे बराबर ग्यारह एम बटा दो डेढ़ सौ प्लस नब्बे कितना हो गया दोस्तों दो सौ चालीस सही है दो सौ चालीस इंटू दो कितना हो जाएगा चार सौ अस्सी सही है तो एम बराबर आएगा चार सौ अस्सी बटा ग्यारह सॉल्व कर लो कितना आया ग्यारह चौक चौवालीस चार जीरो चालीस ग्यारह तिया तैंतीस सात बटा ग्यारह यह आपका आ गया यह आपका आंसर आ गया पाँच बजकर तिहालिस सही ही सात बटा ग्यारह कितना आया पाँच बजकर तितालीस सही ही सात बटा ग्यारह क्लियर है सही है अब देखना इधर भाई अब एक चीज आपको मैं समझाता हूं दोस्तों ठीक है एक चीज आपको समझनी पड़ेगी देखिएगा इधर जैसे कि ये प्रश्न इस प्रश्न को समझिएगा कि क्या बोलना चाह रहा देखिएगा इस प्रश्न को समझिएगा अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों जब भी दो सुइयों के बीच का कोई कोण दे रखा हो है ना जब भी दो सुइयों के बीच में कोण दे रखा हो ना तो उनके आंसर में एक विशेषता होती है जैसे आपको बताता हूँ अभी ये सारे क्वेश्चन अभी हम करेंगे चलिए देखिएगा टाइप नंबर थ्री ही डाल देता हूँ चलो टाइप नंबर थ्री एग्ज़ाम के अंदर दोनों सुइयों के बीच में कुछ कुछ कॉमन चीज़ें ही पूछता है जैसे वो पूछता है कि जीरो डिग्री का कोण कब बने? दो सुइयों के बीच में जीरो डिग्री का कोण बोल देगा तो जीरो डिग्री का कोण का मतलब होता है कि दोनों सुइयाँ कब जीरो डिग्री का कोण बनाने का मतलब है घड़ी की दोनों सुइयाँ कब संपाती होंगी संपाती होंगी घड़ी की दोनों सुइयां कब एक ही दिशा में होंगी सही है नहीं? करेक्ट एक सीधी रेखा में एक सीधी रेखा चलो इसको अभी हटा दो फिलहाल बाद में इसको समझाऊंगा और भी डिटेल में अभी आप ये देख लो घड़ी की दोनों सुइयां कब जीरो डिग्री का कोण बनाएगी कब संपाती होंगी कब एक ही दिशा में होंगी कब एक दूसरे को अतिव्यापित करेंगी कब एक दूसरे को अतिव्यापित करेंगी कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी सही है नहीं करेक्ट है यानी कि कब सेम डायरेक्शन में होंगी सही नहीं सेम डायरेक्शन में होंगी क्वाइंसाइड हिंदी में बोलते हैं क्वाइंसाइड करेंगी ठीक है करेक्ट है सेम डायरेक्शन क्वाइनसाइड ओवरलैप संपाति को अपन बोलते हैं ओवरलैप करेंगी वैन बोथ द निडल्स मेक जीरो डिग्री एंगल कौन को बोलते हैं अपन एंगल तो इंग्लिश मीडियम वाले भी अगर कोई हैं तो परेशान ना हो एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है कि जीरो डिग्री जीरो डिग्री एंगल कब बनेगा उसके इतने सारे मीनिंग होते हैं ज़रूरी नहीं है हर बार जीरो डिग्री लिख कर दे आपको ऐसे बोलेगा कि कब दोनों सुइयों दोनों सुइयां संपाती होंगी एक ही दिशा में होंगी अतिव्यापित होंगी कब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी या इंग्लिश में बोल सकता है कब सेम डायरेक्शन में होंगी कोइंसाइड इनसाइड करेंगी या एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी ठीक है बात समझ में आ रही है इन सब का मतलब क्या होता है जीरो डिग्री होता है तो एग्जाम में जीरो डिग्री पूछता है एक तो कि दोनों सुइयों के बीच में कब ज़ीरो डिग्री का कोण बनेगा ठीक है दूसरा पूछता है आपसे मोस्ट प्रोबेबली आपसे पूछता है कब दोनों सुइयाँ 180 डिग्री का कोण बनाएंगे 180 डिग्री का कोण का मतलब तो होता है दोस्तों 180 डिग्री के कोण का मतलब हुआ कब एक दूसरे के अपोजिट होंगे 180 डिग्री का कोण कब होगा देखो ऐसे देखिए दोनों सुइयाँ सेम डायरेक्शन में तो इसको आप बोलोगे ज़ीरो डिग्री दोनों सुइयाँ अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो यहाँ पे बनेगा एक डिग्री सही है नहीं करेक्ट है कि नहीं तो अपन बोलेंगे हिंदी में बोलते हैं विपरीत दिशा वेन बोध दिन निडिल्स में एक वन एट्टी डिग्री एंगल इसको अपन बोलते हैं दोस्तों विपरीत दिशा ठीक है कब एक दूसरे के विपरीत होंगी यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में होंगी बात समझ में आ रही कि नहीं विपरीत दिशा में कब होंगी अपोजिट डायरेक्शन में कब होंगी तब बनता है 180 डिग्री का एंगल एक ये पूछता है और थर्ड बोलता है तीसरा पूछता है तीसरा आपसे पूछा जाता है नब्बे डिग्री का कौन नब्बे डिग्री का कौन दोनों सुइया कब नब्बे डिग्री का कौन बनाएंगी यानी कि नाइन्टी डिग्री एंगल बनाएगी ठीक है समकोण हिंदी में बोलते हैं कब दोनों सुइया समकोण पर होंगी ठीक है कब राइट एंगल बनाएंगी ठीक है करेक्ट है नब्बे डिग्री का कोण बनाना नहीं बंग बेंगोली लैंग्वेज में नहीं है भाई साहब राजदीप ठीक है कब भाई साहब समकोण बनाएंगे कब राइट एंगल बनाएंगे क्लियर है बात समझ में आ रही है इसको अपन बोलते हैं नब्बे डिग्री का कोण ये तीन चीज़ें आपसे पूछता है कि कब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में जीरो डिग्री कब एक डिग्री कब नब्बे डिग्री का कौन बनेगा ठीक है अब मेरी बात ध्यानपूर्वक सुन लेना एक कंसेप्ट जो मैं आपको बताने वाला हूँ जो एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछता है हमेशा याद रख लेना जो घड़ी होती है ना घड़ी अपनी ठीक है वो एक घंटे में जीरो डिग्री के लिए कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं जीरो डिग्री का जो कोण है वो कितनी 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 बार क्या एंगल से बनता है ज़ीरो डिग्री के कोण के लिए बताऊँगा फिर मैं आपको बताऊँगा एक डिग्री का कोण इसके लिए कंसेप्ट बताऊँगा आपको और फिर तीसरा कंसेप्ट मैं बताऊँगा नाइन्टी डिग्री के लिए नब्बे डिग्री के कोण के, के लिए ठीक है जो जीरो डिग्री का कोण होता है दोस्तों वो आपको परमानेंटली याद रखना है कि घड़ी की दोनों सुइयाँ एक घंटे में एक घंटे में एक बार जीरो डिग्री का कोण बनाती हैं। लेकिन भाई साहब बारह घंटे में बारह घंटे में ग्यारह बार जीरो डिग्री का कोण बनाती और चौबीस घंटे अर्थात एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां बाईस बार जीरो डिग्री का कोण बनाती ठीक है अगर एक सौ अस्सी डिग्री की बात करूं तो इसके लिए भी सेम है एक घंटे में एक बार एक सौ अस्सी डिग्री का कोण बनता है ठीक है बारह घंटे में ग्यारह बार एक सौ अस्सी डिग्री का कोण बनता है और भाई साहब चौबीस घंटे में चौबीस घंटे में ठीक है बाईस बार एक डिग्री का कोण बनता है। नब्बे डिग्री की अगर मैं बात करूं तो एक घंटे में नब्बे डिग्री के कोण की मैं बात करूं तो एक घंटे में दो बार नब्बे डिग्री का कोण बनता है। लेकिन बारह घंटे में चौबीस होना चाहिए पर चौबीस नहीं होता बाईस बार नब्बे डिग्री का कोण। बनता चौबीस घंटे में अड़तालीस होना चाहिए अगर एक घंटे में दो बार बन रहा है तो लेकिन नहीं चौबीस घंटे में चौवालीस बार नब्बे डिग्री का कोण बनता है ठीक है इसको अभी मैं प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा नोट कर लें आप चाहें तो देख लें आप अब ऐसा कौन सा समय है जहाँ पर देखिए क्या आप इस बात से सहमत हैं जो मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी समय बारह घंटे में एक बार बचता है बताइए क्या आप इस बात से सहमत हैं जो मैं एक लाइन बोल रहा हूं कोई भी समय बारह घंटे में एक बार बजता है जैसे मान लो दोपहर के दो बजे हैं सही है दोपहर के दो तो अगर दोपहर के दो बज चुके हैं तो दोबारा दो कब बजेगी बारह घंटे बाद ही तो बजेगी अगर मान लो कि शाम के छः बजे हैं तो दोबारा छः कब बनेगा दोबारा छः कब आएगा कि बारह घंटे बाद सुबह के छः तो कोई भी समय बारह घंटे में एक ही बार बचता है सही है ना कोई भी समय बारह घंटे में एक ही बार बचता है इतना आप समझ चुके हो अब यहां पर एक चीज समझना ठीक है मैं यहां पर क्या कह रहा हूं यह कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है एक घंटे में एक बार लेकिन बारह घंटे में ग्यारह बार देखिएगा इधर बारह छ तीन नौ दस ग्यारह एक दो चार पाँच सात आठ ठीक करेक्ट कहाँ पे कम हो रहा है ये मैं बताऊँगा आपको ऐसी कौन सी जगह आती है जहाँ पर दिक्कत होती है? देखते जाइएगा ठीक है प्रैक्टिकली समझिएगा दोस्तों मैंने बोला एक घंटे में एक बार घड़ी की दोनों सुइयां सेम डायरेक्शन में होती हैं परंतु 12 घंटे में 11 बार ही क्यों होती हैं क्योंकि दोस्तों जो फिक्स 12 बजे का जो समय होता है ना वो दोनों के लिए काउंट होता है अब देखिए इधर ये फिक्स 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां सेम डायरेक्शन में आ गई तो आप कहोगे कि ये 11 से 12 और 12 से 1 इन दो घंटों के बीच में जो फिक्स 12 बजे का समय होता है ना एक बार देखिए सब में एक बार एक से दो के बीच में एक बार फिर दो से एक दो से तीन के बीच में भी घड़ी की दोनों सुइयाँ एक बार सेम डायरेक्शन में होंगी तीन से चार के बीच में भी घड़ी की दोनों सुइयाँ एक बार ही होंगी चार से पाँच के बीच में एक बार पाँच से छः के बीच में एक बार सेम डायरेक्शन में छः से सात के बीच में एक बार सात से आठ के बीच में एक बार आठ से नौ के बीच में एक बार नौ से दस से बीच में एक बार दस से ग्यारह के बीच में घड़ी की दोनों सुइयाँ सेम डायरेक्शन में एक बार होंगी लेकिन इस ग्यारह से बारह और बारह से एक के बीच में जब बारह बज जाएगी ना क्योंकि देखिए मान लीजिए अभी ग्यारह बजिए बड़ी वाली सुई चलना प्रारंभ करेगी बड़ी वाली सुई चल के बारह तक पहुँचेगी तब तक छोटी वाली भी तो बारह तक पहुँच जाएगी तो दोनों के लिए सेम टाइम अब फिक्स 12 बजे के बाद से एक के बीच में अगर मैं देखूँ ये देखो बड़ी वाली सुई चलना प्रारंभ करी बड़ी वाली सुई चल के बारह पर पहुँची तो छोटी वाली सुई तो एक पर पहुँच गई क्रॉस ही नहीं किया इस जगह तो यानी इस 11 से 12 और 12 से एक के बीच में इन दो घंटे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां एक बार ही भाई साहब सेम डायरेक्शन में आती हैं ठीक है थीके? तो अगर कोई पूछे कि वो कौन सा टाइम है ठीक है वो कौन सा टाइम है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे को भाई साहब ठीक है एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी तो वो आपके सामने है ठीक ये देख लो आप 11 से लेके एक के बीच में फिक्स 12 बजे का टाइम ही एक ऐसा टाइम होगा जो दोनों के लिए काउंट होगा ठीक है 11 से एक के बीच में ये इन दो घंटों के लिए सिर्फ एक बार तो टोटल काउंट करोगे तो वैसे तो एक घंटे में एक बार हो रही है परंतु टोटल बारह घंटे में देखें तो बारह घंटे में ग्यारह बार तो अगले बारह घंटे में फिर से ग्यारह बार तो टोटल चौबीस घंटे में कितनी बार हुआ बाईस बार हो गया ना सही है नहीं कंसेप्ट तो यहाँ से निकल कर आया पर इम्पोर्टेंट क्या है ये अब ऐसे ही एक सौ अस्सी डिग्री की अगर मैं बात करूँ तो एक सौ अस्सी डिग्री सही है एक सौ अस्सी डिग्री देखना फिक्स छः बजे का जो टाइम होता है यहाँ पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में एक सौ अस्सी डिग्री का कौन है तो पाँच से छः और छः से सात इन दो घंटों के लिए एक बार ही घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाती फिक्स छः बजे बाकी हर समय में बाकी हर समय में यहाँ एक बार यहाँ एक बार यहाँ एक बार यहाँ एक बार एक दूसरे के अपोजिट होंगी यहाँ एक बार एक दूसरे के अपोजिट होंगी यहाँ पर एक एक बार एक दूसरे के अपोजिट आएगी आठ से नौ के बीच में भी एक बार एक दूसरे के अपोजिट आएगी ठीक है सब में एक बार एक दूसरे के अपोजिट आएगी लेकिन मेरे भाई पाँच से छः और छः से सात इन दो घंटों के बीच में केवल एक बार ही घड़ी की दोनों सुनिया क्या आएंगी भाई साहब अपोजिट आएंगी और यहाँ पर सेम डायरेक्शन में आएंगी ये आपको ध्यान रखना है ठीक है करेक्ट है सही है अब बात करते हैं इस वाले कंसेप्ट में भाई इनके लिए याद करना बहुत ही ईजी हो गया ये तो आपको याद करना वैसे भी बहुत ईजी हो गया जीरो डिग्री और एक सौ अस्सी डिग्री की जब भी बात होगी एक घंटे में एक बार लेकिन बारह घंटे में ग्यारह बार और इसमें भी बारह घंटे में ग्यारह बार सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन इसी प्रकार चौबीस घंटे में बाईस बार तो इसमें भी चौबीस घंटे में बाईस बार क्लियर हो गया लेकिन नब्बे डिग्री वाले के लिए देख लीजिए अब हर प्रत्येक एक घंटे में दो बार नब्बे डिग्री का कोण बनता है दोनों सुइयों के बीच में घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई इन दोनों सुइयों के बीच में प्रत्येक घंटे में दो बार नब्बे डिग्री का कोण बनता है नाइन्टी डिग्री एंगल बनता है सही है लेकिन भाई साहब ये दो से चार बजे के बीच का जो टाइम है जब घड़ी में फिक्स तीन बजे का टाइम बज रहा होता है तो ये जो फिक्स तीन बजे के टाइम पे जब 90 डिग्री का कोण बनता है ना तो वो दो से तीन और तीन से चार दोनों के बीच में काउंट होता है क्योंकि तीन बजिए तो जब दो से तीन के बीच में तीन देखें या तीन से चार की शुरुआत में तीन को देखें तो वो फिक्स तीन तो एक ही बार बजेगी ना क्योंकि कोई भी समय बारह घंटे में एक बार बजता है हमने पढ़ा कि नब्बे डिग्री का कोण एक घंटे में दो बार बनता है एक घंटे में दो बार तो बारह घंटे में तो चौबीस बार होना चाहिए ना लेकिन जब फिक्स तीन बजे का टाइम होता है तब वो दोनों घंटों के लिए काउंट होता है यानी आपके हिसाब से होना यह चाहिए था कि दो से तीन के बीच में भी दो बार नब्बे डिग्री का कोण बनना चाहिए था तीन से चार के बीच में भी दो बार नब्बे डिग्री का कोण बनना चाहिए था अर्थात दो से चार के बीच में चार बार नब्बे डिग्री का कोण बनना चाहिए था लेकिन जब फिक्स तीन बजे का टाइम होता है वो दोनों के लिए काउंट हो जाता है इसलिए इस जगह से एक माइनस हो जाता है दो से चार के बीच में जब फिक्स तीन बजे का टाइम होता है तब यहाँ से एक कोण माइनस हो जाता है और इसी प्रकार से जब रात के आठ बजती है आठ से दस इस समय जब फिक्स नौ बजे का टाइम होता है तब यहाँ पे फिर से नब्बे डिग्री का कोण बनता है भाई साहब तब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर फिक्स नौ बजे भी नब्बे डिग्री का कोण बनता है बनता है यहाँ पर नब्बे डिग्री का कोण अब यहाँ पर नब्बे डिग्री का कोण बनेगा तो यहाँ से फिर से एक बार माइनस हो जाता है क्योंकि नौ आठ से नौ और नौ से दस दोनों के बीच में काउंट होता है तो वैसे तो भाई साहब हर एक घंटे में दो बार नब्बे डिग्री का कोण बनता है लेकिन भाई साहब दो से चार के बीच में एक यहां से माइनस हो गया और आठ से दस के बीच में एक यहां से माइनस हो गया इन बारह घंटों में दो कोण माइनस हो गए तो चौबीस की बजाय बाईस बनते हैं अब बारह घंटे में बाईस तो अगले बारह घंटे में फिर से बाईस तो टोटल मिला के चौबीस घंटे में कितने हो गए चौवालीस सही है करेक्ट है? क्लियर है यहां तक समझ में आ गया सभी बच्चों को समझ में आ गया दिल से लाइक करके बता दो कि यस सर क्लियर है यहां तक कोई आपत्ति नहीं है अच्छे से समझ में आ रहा है हम बिल्कुल जड़ से पकड़ रहे हैं कंसेप्ट को ताकि जीवन में कोई भूला के भी बोले ना कि भूल जा तो भूलेंगे नहीं ठीक है हमें सब कुछ समझ में आ गया कि कहां कहां पर माइनस होता है भैया जीरो डिग्री का कोण एक घंटे में एक बार लेकिन बारह घंटे में ग्यारह बार ही क्यों बनता है क्योंकि जब फिक्स 12 बजती है ना तो वो 11 से 12 और 12 से 1 इन दोनों के लिए एक बार ही काउंट होती है ऐसे ही 180 डिग्री का कोण यानी एक दूसरे की विपरीत दिशा में दोनों सुइयां होनी चाहिए तो जब फिक्स 6 बजे का टाइम बनता है ना तो वो 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में एक ही बार काउंट होती है इसलिए एक बार ही बनता है ऐसे ही 90 डिग्री का कोण फिक्स 3 बजे और 9 बजे जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो वो दो से तीन तीन से चार के बीच में एक बार ही काउंट होगा और ऐसे ही आठ से नौ नौ से दस के बीच में एक बार ही काउंट होगा इसलिए भाई साहब दोनों जगह से एक एक माइनस हो गया ठीक है करेक्ट है कि नहीं अब अगर दोस्तों मानो मैं आपसे एक प्रश्न कहता हूं और मैं आपको बोलता हूं ठीक है देखिएगा कि मोहन मोहन ठीक है सुबह मोहन सुबह मोहन सुबह आठ बजे स्कूल गया था ठीक है मोहन सुबह आठ बजे स्कूल गया और दोपहर दो, दो बजे स्कूल से वापस आया दोपहर दो, दो बजे स्कूल से आ गया दोपहर दो, दो बजे स्कूल से आ गया आ गया तो तो कितनी बार कितनी बार सुइयों ने सुइयों ने जीरो डिग्री एक सौ अस्सी डिग्री और, और 90 डिग्री का कोण बनाया देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं सिंपल सा प्रश्न मोहन सुबह आठ बजे स्कूल गया था दोपहर के दो बजे स्कूल स्कूल से वापस आ गया तो कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयों ने जीरो डिग्री 180 डिग्री और 90 डिग्री एंगल बनाया मोहन वेंट टू स्कूल एट, एट एट एम एंड कम फ्रॉम स्कूल एट टू पी एम हाउ मैनी टाइम्स बोथ द निडिल मेक जीरो डिग्री वन एट्टी डिग्री एंड नाइन्टी डिग्री एंगल सिंपल इंग्लिश में भी हो गया भाई साहब के okay, कोई दिक्कत नहीं बताइए पीयूष भाई यहाँ पर मैं आपको तो सिर्फ बताने के लिए नहीं बैठा हूँ ना समझ रहे हैं आप? आपको टेलीकॉलिंग नंबर दे रखा है क्लास के बाद आप बात करिएगा समझाऊँगा आपको डिटेल में कैसे क्या करना है एक ही कमेंट बार बार करे जा रहे हैं यार प्रश्न आपको समझ में आ गया ना मैंने प्रश्न आपको समझा दिया है अच्छे से मुझे लगता है जी प्रश्न मैंने आपको समझा दिया है भाई साहब वेरी गुड बहुत बढ़िया शाबाश आंसर आने चालू होगा देखिएगा अभी सुबह आठ बजे स्कूल गया था दोपहर दो, दो बजे वापस आ गया ठीक बारह छ तीन नौ दस ग्यारह एक दो चार पाँच सात आठ ठीक ठीक है लो भाई ये आठ बजे से यानी ये टाइम और ये दो बजे तक ये पॉइंट अब भाई साहब अब आपको पता है कि जीरो डिग्री के लिए क्या था सबसे पहले जीरो डिग्री कंसेप्ट सबसे पहले जीरो डिग्री कंसेप्ट देख लो जीरो डिग्री एंगल के लिए निकाल देते हैं आठ से नौ के बीच में एक बार नौ से दस के बीच में एक बार दस से ग्यारह के बीच में एक बार परंतु फिर ग्यारह से लेकर एक के बीच में एक बार है ना ये आपने पढ़ लिया आठ से नौ के बीच में एक बार नौ से दस के बीच में एक बार दस से ग्यारह के बीच में एक बार टोटल फिर ग्यारह से एक के बीच में एक बार ही जीरो डिग्री का एंगल बनता है और एक से दो के बीच में एक बार तो टोटल कितनी बार हुआ एक दो तीन चार पाँच बार तो जीरो डिग्री का एंगल कितनी बार पाँच बार बनेगा अगला कंसेप्ट एक डिग्री एक सौ अस्सी डिग्री का एंगल एक सौ अस्सी डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा भाई साहब भाई हमें पाँच से सात के बीच का टाइम तो वैसे भी नहीं दिया आठ नौ दस ग्यारह बारह सबके लिए दे रखा है सही है नहीं है करेक्ट है तो यहाँ पर कोई लफड़ा ही नहीं है छः घंटे में छः बार हर घंटे में बनेगा यहाँ तो सही नहीं आठ से नौ के बीच में एक बार नौ से दस के बीच में एक बार विपरीत दिशा में दस से ग्यारह के बीच में एक बार विपरीत दिशा में बारह ग्यारह से बारह के बीच में विपरीत दिशा में बारह से एक और एक से दो तो टोटल आठ से लेके दो कितने घंटे हो गए एक दो तीन चार पांच छ कितनी बार छ बार हो गया अब भाई साहब नब्बे डिग्री का भी देख लेते हैं सही है नहीं नब्बे डिग्री का कौन नब्बे डिग्री का कोण जो होता है एक घंटे में दो बार बनता है 90 डिग्री एंगल जो होता है वो एक घंटे में दो बार बनता है और आप भली बात ही जानते हो एक घंटे में दो बार बनता है लेकिन भाई साहब आठ से दस के बीच में सुबह एक बार नौ बजे हालांकि होना क्या चाहिए था दो बार यहाँ बनना चाहिए दो बार यहाँ दो बार यहाँ इसके बीच में दो बार यहाँ इसके बीच में दो बार यहाँ इसके बीच में और दो बार यहाँ इसके बीच में बनना चाहिए परंतु जब नौ बजी है ना ये नौ तब भाई साहब एक माइनस करना पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि जब फिक्स नौ बजती है तो वो आठ से नौ और नौ से दस के बीच में एक बार ही तो नौ बजेगी तो वैसे तो दो दो दो, दो, दो ये होना चाहिए ठीक है लेकिन कितने बार होगा एक माइनस करेंगे तो छः दुनी बारह बार नहीं कितनी बार ग्यारह बार बनेंगे कितनी बार ग्यारह बार तो जीरो डिग्री का एंगल पाँच बार एक डिग्री का एंगल छः बार सही है नहीं लोगों ने यहाँ पर एक डिग्री का एंगल भी भाई साहब पाँच बार बना दिया मुरखी हैं बिल्कुल ये समझाया पीछे पूरा डिटेल में कि 11 से 1 के बीच में जीरो डिग्री वाला एक कम हो जाता है 180 डिग्री 5 से 6 के बीच में कम होता है एक बार यहाँ कम नहीं होता है ठीक है तो यहाँ तो 6 घंटे में 6 बार ही बनेगा लेकिन यहाँ पर ठीक है करेक्ट है बात समझ में आ गई जेपी सानवा इसलिए कह रहा हूँ अच्छे से करना सीख लो अभी ये मिल रही है आपको सीखने को अब एक आपको बेहतरीन लाजवाब बताता हूँ जब आप दो सुइयों के बीच में कोण निकालते हो ना कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो अब आप ठीक है जब दो सुइयों के बीच में आप कोण निकालोगे और वो कोण अगर आपका जीरो डिग्री नब्बे डिग्री और एक सौ अस्सी डिग्री के होगा तो उसके आंसर में हमेशा दस बनता है एक बहुत ही बढ़िया और यूनिक चीज़ याद रख लो। आप क्वेश्चन फास्ट कर पाओ ठीक है जैसे देखिएगा प्रॉपर मेथड भी मैं सिखा रहा हूँ और शॉर्ट ट्रिक भी सिखा रहा हूँ जब भी दो सुइयों के बीच में जीरो डिग्री नाइन्टी डिग्री या एक सौ अस्सी डिग्री का कोण दे रखा हो ठीक है तो उनका जो आंसर होता है उनका जो उत्तर होता है तर में क्या बनता है दस बनता है नोट कर लेना शॉर्ट ट्रिक याद रख लो ये शॉर्ट ट्रिक आप लोग याद रख लें तो बहुत हेल्पफुल रहेगा ठीक है ये याद रख लो परमानेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फास्ट करने का बढ़िया तरीका जब भी एंगल जीरो डिग्री बोले नाइन्टी डिग्री बोले या एक डिग्री बोले तो उनका आंसर जो उत्तर होता है उत्तर में हमेशा क्या बनता है दस बनता है अब आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कैसे बनता है दस ठीक है क्वेश्चनस को देखते हैं क्वेश्चन यहाँ है पे बहुत सारे हैं कोई दिक्कत नहीं ठीक है लंबावत होंगी ठीक है और सॉरी एक चीज़ और लिख देना लंबवत परपेंडिकुलर का मतलब भी तो 90 डिग्री होता है ठीक है मैं लिखना भूल गया वहाँ पे समकोण तो लिख दिया था मैंने समकोण की जगह आप एक और लिख लेना ठीक है लंबवत। कब दोनों सुइयाँ लंबवत होंगी अर्थात क्या होंगी लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होंगी ठीक है कब घड़ी की दोनों सुइया परपेंडिकुलर होंगी चलिए भाई हाँ तो भैया ये था प्रश्न हमारे पास आ, ये रहा, ठीक है ये रहा सात व आठ के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयां लंबवत होंगी अर्थात नब्बे डिग्री का कोण बनाएगी तो अब आप आंसर कैसे चेक करोगे ऐसे यह पूर्ण संख्या है पूर्ण संख्या का इकाई अंक और यह अंश बटा हर का अंश क्या इन दोनों का योग दस बन रहा है दस नहीं बन रहा तो ये हमारा आंसर नहीं यहां पर पूर्ण संख्या का इकाई अंक और अंश का मान न्यूमिनेटर की वैल्यू ठीक है हॉल नंबर का तो यूनिट प्लेस एंड न्यूमिनेटर की फर्स्ट वैल्यू न्यूमिनेटर मतलब इनके दोनों का सम देख लो एक प्लस नौ बराबर क्या बन रहा है दस तो भाई साहब यही हमारा आंसर ख़त्म ऑप्शन में अगर आपको ऐसे ऑप्शन मिल जाए ठीक है जहाँ पर सम टेन नहीं हो रहा तो वो हमारे आंसर नहीं है इकाई अंक और इसकी वैल्यू टू प्लस फाइव इक्वल टू क्या है सेवन आ रहा है तो टेन नहीं है कुल मिला के टेन नहीं है टेन नहीं है इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं तो आप बिना फॉर्मूला लगाए थीटा बराबर ग्यारह बटा दो टू मिनट ठीक है करेक्ट है आप बिना ठीक है बिना भाई साहब आप फॉर्मूला यूज़ किए हुए आप अगर ये या ऑप्शन याद रख लेते हो और ऐसा बचता है टाइम कितना बचेगा सोचिए आप आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं भाई साहब उन चार ऑप्शन में से बस आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें इकाई का अंक और अंश का जो मान है उसकी वैल्यू क्या हो जाए भाई साहब दस हो जाए करेक्ट है करेक्ट है बोल रहा है कल क्या चैप्टर पढ़ाओगे अब वो आराम से कभी कमेंट नहीं करेगा सिर्फ चुपचाप पढ़ेगा जो भी पढ़ाएंगे अरे अभी जो पढ़ रहा है उस पर फोकस कर नहीं रहा कह रहा है कल क्या पढ़ोगे अरे अभी जो चल रहा है वो तो पढ़ ले पहले इन बच्चों का होता ज़्यादा कुछ नहीं है मैं बताऊँ लिटरली ये सिर्फ घूमने फिरने और दुनियादारी करने आते हैं सिर्फ <laughs> तो इनको दुनियादारी करने के लिए फिर मेरा भी मन करता है कि यार इतना बड़ा संसार है कहाँ ही आवश्यकता है सही है नहीं करेक्ट चलिए देखिएगा अब आगे चलते हैं आगे दिखाता हूँ आपको ऐसा ही हुँ 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 है क्या ऐसा और कोई क्वेश्चन नब्बे डिग्री जीरो डिग्री या भाई साहब हो एक सौ अस्सी डिग्री वाला हैं है क्या भैया हाँ ये रहे। चलो इस प्रश्न को करके बता दो चार बजे से शाम के चार बजे से शाम के दस बजे तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के लंबवत होंगी चलो बताओ बताओ भाई साहब बताओ जल्दी से बताओ फटाफट पड़ शाम के चार बजे से भाई साहब शाम के चार बजे से इस बजे से रात के दस बजे तक यानी इस जगह तक घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे के लंबवत होंगी अर्थात नब्बे डिग्री का कोण बनाएंगे अब आप जानते हैं एक घंटे में दो बार तो यहाँ दो बार यहाँ दो बार यहाँ दो बार यहाँ दो बार सात से आठ के बीच में लेकिन भाई साहब आठ से ले के दस के बीच में आठ से ले के दस के बीच में है कि नहीं इस आठ से ले के दस के बीच में दो और दो चार बार नहीं टोटल तीन बार ही बनेंगे तीन बार यहाँ यहाँ दो बार यहाँ दो बार यहाँ दो बार यहाँ दो बार तो काउंट कर लो भाई साहब दो 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 यहाँ तक तो ठीक है दो चौक आठ आठ और तीन कितना ग्यारह बार तो शाम के चार बजे से लेके रात के दस बजे तक घड़ी की दोनों सुइयाँ ग्यारह बार हों दो दो, दो, दो दो फिर ये दो और ये दो होने चाहिए थे ठीक है तो टोटल कितना होना चाहिए था बारह लेकिन एक कम कर देंगे यानी टोटल तीन बार ही बने तीन बार ही बने तो इसका मतलब ग्यारह बार करेक्ट है कर लोगे आप आराम से देखो अब इसका भी आंसर देख लो अब ये हमने प्रश्न वो हमने प्रश्न किया था साढ़े पाँच से छः के बीच में साढ़े पाँच से छः के बीच में नब्बे डिग्री का कोण कब बनेगा आपने निकाल लिया था अब दिया है पाँच और साढ़े पाँच के बीच में अगर मेरे को प्रैक्टिकली करना होता तो पाँच और साढ़े पाँच के बीच में अगर निकालना है तो इसका मतलब मिनट वाली सुई क्रॉस करेगी नहीं यानी थीटा की वैल्यू माइनस नब्बे डिग्री लेकर सोल्व करोगे ठीक है घंटे का समय तुम्हें दे रखा है पाँच तुम्हें तो मिनट की वैल्यू निकालनी है फॉर्मूला तुम्हारे पास है कौन सा थीटा बराबर ग्यारह बटा दो इंटू मिनट माइनस थर्टी इंटू आवर अब बात बताओ अब आप इस फॉर्मूले को लगाओगे कि अभी अभी जो मैंने शॉर्ट ट्रिक सिखाई पहले वो सीखोगे आप देखोगे कि हाँ इकाई का इका अंक क्या है ज़ीरो अंश का मान कितना है दस तो ज़ीरो प्लस दस बराबर क्या बन रहा है दस बन रहा है भाई साहब ये आंसर है अगला क्या दे रखा है ज़ीरो और ये नौ तो जीरो प्लस नौ दस नहीं बन रहा ये एक और ये दस एक प्लस दस भाई साहब दस नहीं बन रहा है लेकिन अब इसने वो चालाकी कर दी उसने क्या दे दिया नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं दे दिया इनमें से कोई नहीं दे दिया भाई साहब तो फिर आप आपको चेक करना पड़ेगा आपको पता नहीं है ना क्योंकि ठीक है तो अब आप थीटा की वैल्यू रखोगे माइनस के नब्बे ग्यारह बटा दो इन मिनट की वैल्यू निकालनी है घंटे का समय पाँच से साढ़े पाँच के बीच में तो पाँच तो बजेगी बजेगी माइनस का डेढ़ सौ इधर आएगा तो प्लस का डेढ़ सौ माइनस का नब्बे बराबर ग्यारह एम बटा दो सोल्व कर लो कितना आया भाई साहब साठ साठ बराबर ग्यारह एम बटा दो प्रोस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से एम की वैल्यू आ जाएगी एक सौ बीस बटा ग्यारह तो ग्यारह धाएँ एक सौ दस बचेगा कितना दस बटा ग्यारह सही था इसका मतलब दस से ही दस बटा ग्यारह यही आंसर है आपका यही अपना आंसर आ गया भाई साहब सही है नहीं किस समय घड़ी की दोनों सुइयां नब्बे डिग्री का कोण बनाएगी तो पांच बजकर दस से ही दस बटा गया अब इतनी रामायण करें उससे बेटर है कि ये याद रख लें कि इकाई का अंक और अंश का जो मान होता है वो दस बनाता है सही है नहीं करेक्ट है मजा आया ये लो ये लो प्रश्न सात व आठ बजे के बीच में किस समय घड़ी की दोनों सुइयां नब्बे डिग्री का कोण बनाएगी नब्बे डिग्री का कोण बनाएगी इकाई का अंक और अंश का मान दस बना रहा है इकाई अंक और अंश का मान दस बना रहा है खत्म यह आंसर ये दस नहीं बना रहा यह भी छ और छ कितना बन रहा है बारह यह भी दस नहीं बना रहा नहीं तो भाई साहब सोल्व करना पड़ेगा पूरा क्या करना पड़ेगा पूरा सोल्व करना पड़ेगा अन्यथा ठीक है बनाइए दो तीन के बीच में घड़ी की दोनों सुइया एक सीधे में होंगी लेकिन एक साथ नहीं घड़ी की दोनों सुइया एक सीधे में तो होनी चाहिए अर्थात 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए क्योंकि उसने साफ साफ बोल दिया एक साथ नहीं होना चाहिए जीरो डिग्री नहीं बनेगा कौन सा बनेगा एक यानी वो, वो ये बोल रहा है कि दो व तीन बजे के बीच में कब एक डिग्री का कोण बनेगा तो डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे दोस्तों देखिए एकाएकांक और अंश का मान भाई साहब दस नहीं बना रहा है एका एकाएकांक और अंश का मान दस बना रहा है तीन प्लस सात दस बना रहा है सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं यही आंसर है ये नहीं बना रहा ये देखिए ये दस नहीं बना रहा है सही है और ना याद आए ये शॉर्ट ट्रिक तो फार्मूला तो याद ही है ना ग्यारह बटा दो इंटू मिनट माइनस थर्टी इंटू आवर ये सदा बाहर ही सही लगा ही लेंगे इसको कोई दिक्कत नहीं चलो इसको बताओ इसको बताइए दोस्तों बनाइए दोस्तों फटाफट से बहुत बढ़िया शाबाश ऐसे ही रोज एक एक चैप्टर कंप्लीट करते हुए चलो फटाफट फटाफट से रिवीजन करते हुए चलो है कि नहीं मस्त मजेदार फिर देखते हैं कैसे पूरे नंबर नहीं आते बनाइए क्या बात है आंसर आ रहा है भाई साहब इतने सारे लोगों का इतना सही आंसर है मज़ा आ गया यार आप लोगों को देख के दिल गार्डन गार्डन कर दिया आपने तो बाईस आंसर आ रहा है इतने बड़े मूर्ख है ना जीवन में सोचते ही नहीं है कि क्या आंसर दे रहे हैं सोचते ही नहीं हो आप आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि आप लोग बिना सोचे समझे आप बस जवाब देना जानते हो कि भाई साहब कैसे भी करके मैं इस प्रश्न का बस जवाब दे दूं चाहे मैं गलत ही दे दूं चाहे कैसे ही दे दूं मतलब है ना आप यही चाहते हो कि भैया बस मैं इसका जवाब दे दूं और बस जैसे तैसे करके गलत ही दे दूं चाहे बस जवाब दे दूं उसका <laughs> लो इधर देख लेना भैया प्रत्येक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां सीधी पंक्ति में होंगी है ना यही है ना अरे सीधी पंक्ति में बोला है ना अगर भाई साहब सीधी पंक्ति स्ट्रेट लाइन ठीक है एवरी डे बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर इन स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा घड़ी की दोनों सुइयां क्या होनी चाहिए स्ट्रेट लाइन अर्थात सीधी रेखा में होनी चाहिए तो थोड़ी अक्कल तो लगा लो यार कि जब जीरो डिग्री का एंगल बनेगा जब जीरो डिग्री का कोण बनेगा तब भी तो सीधी रेखा तो तब भी होगी ना और भाई साहब जब 180 डिग्री का उसने ये थोड़ी बोला है कि समान दिशा में होनी चाहिए या विपरीत दिशा में होनी चाहिए या एक ही दिशा में होनी चाहिए या विपरीत दिशा में होनी चाहिए ऐसा थोड़ी बोला है उसने तो बस बोला सीधी रेखा में सीधी पंक्ति में तो भैया सीधी पंक्ति में तो दोनों ही केस में होंगी जब भाई साहब 180 डिग्री का कोण बनेगा तब भी भाई साहब सीधी पंक्ति में है जब भाई साहब आप आप देखो माने एक दूसरे के विपरीत हैं तब भी सीधी पंक्ति में जब एक दूसरे की समान दिशा में सेम डायरेक्शन में तब भी भाई साहब सीधी पंक्ति में थोड़ी अक्कल तो लगाओ एक दिन अर्थात चौबीस घंटे एक दिन बराबर क्या चौबीस घंटे तो चौबीस घंटे में जीरो डिग्री का कोण कितनी बार बनता है बाईस बार ठीक है भैया एक दिन बराबर 24 घंटे तो 24 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है 22 बार तो भाई साहब 22 प्लस बाईस जोड़ दोगे तो कितना आएगा चौवालीस बार यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिला ना आपके साथ परेशानी ये हो गई है ना आपने खुद का दिमाग नहीं लगाया हाँ हाँ है ही नहीं चौवालीस तो है ही नहीं अरे भैया अभी तो आप क्लास में ही हो ना तो आप दीपक सर की क्लास में हो आपको ऐसे ही मजे आते रहेंगे बीच बीच में झटके वाले है बीच बीच में झटके वाले मज़े ऐसे ही आते रहेंगे आपको सीधी रेखा क्योंकि तो हम लोग यहाँ पे बुद्धि की बात करेंगे सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन तो जब जीरो डिग्री का कोण बनेगा तब भी तभी मैंने वहीं पे लिखाते लिखाते मैंने क्या बोला था चलो मैं इसको आगे डिटेल में बताऊंगा तो ये है डिटेल जब सीधी रेखा बोलेगा ना तो सीधी रेखा मतलब जीरो डिग्री भी इंक्लूड हुआ एक डिग्री भी इंक्लूड हुआ स्ट्रेट लाइन पर अगर वो बोलता है सेम डायरेक्शन अगर बोलता तो बाईस ही होता अगर वो सिर्फ विपरीत अपोजिट डायरेक्शन बोलता तब आंसर बाईस ही होता लेकिन जब वो स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा की बात करेगा तो 22 प्लस बाईस चौवालीस होगा सही है नहीं <laughs> चलिए बहुत बढ़िया ठीक अब आया आप लोग ट्रैक तो चलते हैं दोस्तों हम आगे अगले कंसेप्ट की तरफ हम लोग चलते हैं ठीक है अब मजेदार कंसेप्ट की तरफ चलते हैं अब आगे ये तो वो कंसेप्ट हैं जो आपके एग्जाम में आने लायक हैं ठीक है अब आपको मैं मस्त सी चीज बताता हूं देखिए हम घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब पढ़ लेते हैं नेक्स्ट टाइप कितने टाइप हो गए टोटल मिला के वैसे टाइप तीन हो गए टाइप चार की तरफ चलते हैं आगे टाइप नंबर चार दोस्तों टाइप नंबर चार बनता है मिरर इमेज एंड वाटर इमेज ऑफ क्लॉक ठीक है दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब मिरर इमेज ऑफ क्लॉक पहले पढ़ेंगे मिरर इमेज ऑफ क्लॉक घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब ठीक है घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब भैया राइटिंग वाइटिंग तो समझ में आ जाती है ना तुम्हारी सुबह अल्लाह राइटिंग है वैसे ठीक है मिरर इमेज ऑफ अ क्लॉक घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब अब आप खुद देखिएगा ठीक ये घड़ी है बारह छः तीन नौ दस ग्यारह एक दो चार, पाँच, सात आठ तो दर्पण रखेंगे तभी तो दर्पण प्रतिबिंब बना पाएंगे ये दर्पण है ये हमने रख दिया मिरर, जिसको हम कहते हैं दर्पण और ये है हमारी घड़ी अर्थात क्लॉक हमको बनाना है भाई साहब दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज जिसको अपन कहते हैं क्या कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब ठीक करेक्ट सही है अब भैया यहां पर ध्यानपूर्वक देखना मान लो दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि अभी घड़ी के अंदर जो है ठीक है घड़ी के अंदर तीन बजे का समय हो रहा तो दर्पण प्रतिबिंब में यही समय कैसा हो जाएगा बताओ दर्पण प्रतिबिंब में यही समय क्या हो जाएगा उल्टा दिखने लगेगा बारह छः उल्टा हो जाएगा भाई साहब ये है ना सही है कि नहीं टाइम उल्टा हो जाएगा ना भाई घड़ी जो है वो उल्टी हो जाएगी सही है कि नहीं करेक्ट है यानी इस प्रकार से अरे भाई साहब दस नौ ऐसा है ना तो नौ इस प्रकार से हो जाएगा नौ आठ सात पाँच चार जो है वो ऐसा हो जाएगा घड़ी ऐसी हो जाएगी और जो सुई इधर आ रही थी जो सुई तीन की तरफ जा रही थी वो तीन की तरफ जाने लगेगी प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ मैं आपको अब वास्तव में क्या होता है ना दोस्तों घड़ी तो ऐसी हुई पर वास्तव में यहाँ क्या होता है बारह यहाँ एक यहाँ दो यहाँ तीन होता है या चार होता है या पाँच होता है या छः होता है ये सात होता है ये आठ होता है ये नौ होता है ये दस होता है ये ग्यारह वास्तव में घड़ी में तो ये सब होता है परंतु जब आप वास्तव में अगर आप इस घड़ी को उल्टा करके देखो सही नहीं आप इस घड़ी को अगर आप उल्टा करके देखोगे तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि ये क्या हुआ सही है नहीं ये बारह चाहो तो छः को भी उल्टा कर दो पर मैंने नहीं किया था सिर्फ समझाने के लिए आपको कि हाँ ये लो भाई साहब इस प्रकार से करेक्ट है उल्टा हो गया यानी तीन का क्या हो गया नो हो गया तो आपको हमेशा एक चीज याद रखना है अगर कंप्लीट आवर्स अगर आपको दे रखें ठीक है पूर्ण घंटे अगर आपको दे रखें ना कंप्लीट आवर्स अगर आपको दे रखें ठीक तो आप सिंपल सा कंसेप्ट यूज करेंगे दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब की देखिए कंप्लीट आवर्स पूर्ण घंटे का ठीक है पूर्ण घंटे का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए पूर्ण घंटे का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए हम हम घड़ी के समय को बारह में से माइनस कर देते बारह में से घटा देते हैं घड़ी के समय को किससे में से घटा देते हो तो आप दोस्तों आप बारह में से घटा दोगे जैसे कि मान लीजिए घड़ी में तीन बजे का समय हो रहा है क्वेश्चन मैंने यह दे दिया तीन बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा यह मैंने पूछा तो आप सीधा क्या करोगे आंसर कैसे निकालोगे बारह माइनस तीन कितना दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा नौ बज रहा होगा ठीक है मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया क्वेश्चन दो कि सात बजे का सात बजे का दर्पण प्रतिबिंब निकाल लो तो आप आंसर में क्या निकालोगे क्या करोगे आप बारह में से सीधा घा सात घटा दो कितना पाँच ये हमारा आंसर होगा क्लियर है अब एक चीज याद रख लो चाहे घड़ी का समय दे रखा हो और उससे आपका दर्पण प्रतिबिंब का समय पूछे या दर्पण प्रतिबिंब का समय दे रखा हो और आपसे घड़ी का समय पूछा जाए आप कंसेप्ट यही याद रखोगे पूर्ण घंटों के लिए ठीक है अगर आपके पास पूर्ण घंटे दे रखे हैं कंप्लीट आवर्स दे रखे हैं तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि भाई साहब आपको हमेशा कितने में से माइनस कर देना है बारह में से माइनस कर देना घड़ी के समय को कितने में से माइनस कर दोगे दोस्तों आप बारह में से माइनस कर दोगे क्या क्लियर है क्या क्या क्लियर है जी बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा लेकिन अब आपको एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना होगा पॉइंट क्या है देखिएगा इधर ये घड़ी है हमारी घड़ी बनाते बनाते बनाना तो सीख गया मैं दोस्तों बस ये पॉइंट नहीं मिलता लास्ट में आके <laughs> देखना इधर बारह छ तीन नौ दस ग्यारह एक दो चार पाँच सात आठ ठीक ये घड़ी है हमारी दो टाइम को डिवाइड करते हैं हम ठीक है जरूरी थोड़ी हर बार पूर्ण घंटे देगा सही है नहीं तो क्या होता है ये बारह बजे का जो टाइम होता है ना मान लीजिए पूर्ण घंटे देता है तो सीधा बारह में से घटाएँगे पर मान लीजिए अगर उसने प्रश्न इस प्रकार से दे दिया प्रश्न इस प्रकार से दे दिया सात बजकर बीस मिनट का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए अगर घड़ी में सात बजकर बीस मिनट हो रहे हैं और दर्पण प्रतिबिंब निकालना है अब आपको आपने तो सीखा है बारह में से माइनस होगा कितने में से माइनस होगा बारह में से पर थोड़ी अक्कल लगाओ अब ये घंटे वाला समय है और ये मिनट वाले समय में दे दिया आपको टाइम आपको टाइम कितने में से दे दिया भाई साहब घंटे वाले समय और मिनट वाले समय में तो आप इस एक घंटे को इधर ले जाओगे एक घंटे को इधर ले जाएंगे अर्थात एक घंटा इधर ले गए यानी साठ मिनट ले गए यानी कुल मिला के कंसेप्ट क्या बना ग्यारह बजकर साठ मिनट ग्यारह बजकर साठ मिनट में से आप माइनस करोगे सात बीस को तो आपके पास आंसर क्या आया क्या आंसर आया भाई साहब चार चालीस क्या आंसर आया चार चालीस सही है नहीं क्या आंसर आया चार चालीस आपने बारह में से ही माइनस किया है वो ये जो कंसेप्ट आप रटते हो ना ग्यारह साठ ग्यारह साठ ग्यारह साठ भैया ये ग्यारह साठ आता इसी से है क्योंकि आप करते आप बारह में से ही माइनस हो ठीक है ये ऐसे अब लेकिन अब आपको ध्यान में क्या रखना है दोस्तों यहाँ पे सीखना इधर चीज़ ना समझना आप, आप।, आप जो टाइम है ना उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर लोगे भाई साहब टाइम को दो पार्ट में आपको डिवाइड करना पड़ेगा एक तो आपको टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा यही ले लेता हूँ चलो एक तो आपको टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा भाई साहब इसमें ठीक है ये घड़ी है ना आपकी ये जो घड़ी दे रखी है क्लॉक दे रखी है अगर भाई साहब आपको इसका दर्पण प्रतिबिंब का समय निकालना मिरर इमेज निकालना तो आपको दो कंसेप्ट याद रखने पड़ेंगे कंसेप्ट वन पहला अगर आपका टाइम टाइम एक से एक से किसके एक से ग्यारह के बीच में अगर आपका टाइम एक से ग्यारह के बीच में है, तो, तो घड़ी के समय को घड़ी के समय को कितने में से माइनस करेंगे घड़ी के समय को ग्यारह बजकर साठ मिनट में से घटाएंगे याद रखना सही है कितने में से घटाएंगे ग्यारह बजकर साठ मिनट में से यानी कि अगर ये वाला टाइम दे रखा है तो आप माइनस करोगे कितने में से ग्यारह साठ में से ठीक है ठीके? और अगर आपको ये वाला टाइम दे रखा है ये वाला टाइम दे रखा है ठीक है अगर आपका टाइम टाइम कौन सा दे रखा है ग्यारह से एक यानी इन दो घंटों के बीच का टाइम दे रखा है ग्यारह से बारह बारह से एक तब आप कितने में से माइनस करोगे बारह बजकर जल्दी बताओ ये तो ग्यारह साठ में से माइनस करते हो और यहाँ आप माइनस करोगे बारह साठ में से सॉरी यार गलत हो गलत हो गया बारह नहीं तेईस साठ सॉरी यानी चौबीस घंटे का लेते हैं ना तो चौबीस का क्या लिखेंगे अपन तेईस साठ लिखेंगे क्योंकि अगर ग्यारह के बाद का टाइम दे रखा है तो, तो घड़ी के समय को घड़ी के समय को कितने में से माइनस करोगे तेईस साठ तेईस साठ में से माइनस करोगे तेईस साठ में से घटाएंगे भैया याद रख लेना परमानेंटली ठीक है समझ में आ रही है कितने में से माइनस करोगे तेईस साठ में से माइनस करोगे आप यह प्रश्न आपने अभी अभी किया है सही नहीं अब मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूँ फटाफट फटाफट से जवाब देते जाना मुझे प्रश्न संख्या एक आठ बजकर चालीस मिनट का मिरर इमेज बताओ क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर दो तीन बजकर तीन बजकर चौवन मिनट का मिरर इमेज बताओ क्वेश्चन नंबर तीन ग्यारह बजकर चौवालीस मिनट का ग्यारह बजकर चौवालीस मिनट का मिरर इमेज बताओ या फिर बारह बजकर बारह बजकर बीस मिनट का, मिरर इमेज बताओ जल्दी से बता दो फटाफट से, कौन बताएगा चारों प्रश्नों के जवाब दे दो फटाफट फटाफट सर मैंने डिप्लोमा किया हुआ है मेरा सब डॉक्यूमेंट में नेम सौरभ मीणा है और डिप्लोमा में सौरभ कुमार मीणा हैं तो रिजेक्ट हो जाएगा भैया है ना ये बात ध्यान रख लेना आप आपकी भलाई इसी में है कि आप डॉक्यूमेंट सही करवा लें Well. हाँ भाई साहब जल्दी से बता देंगे दोस्तों आप फटाफट से क्या आंसर आएगा सूर्य राजपूत आई कैन टीच इन इंग्लिश ऑल्सो ठीक है इजीली अंडरस्टैंड चलिए ध्यान से देखो आठ बजकर चालीस मिनटें तो वही टाइम आपको पता है ही सही अब इफ़ टाइम इज़ गिवन बिटवीन वन टू इलेवन एक से ग्यारह के बीच में दे रखा है देन मिरर इमेज के लिए आप क्या करोगे भाई ग्यारह साठ में से माइनस कर दो और अगर इस टाइम इज गिवन बिटवीन इलेवन टू वन लाइक इलेवन टू ट्वेल्व और ट्वेल्व टू वन तब आपको क्या करना है और मिरर इमेज यू कैन सब्टेक्ट फ्रॉम ट्वेंटी थ्री सिक्सटी चलो भाई सिंपल करो भाई फटाफट से ये ग्यारह साठ आठ चालीस को माइनस किया कितना आया तीन बीस ये भी एक से ग्यारह के बीच का टाइम है तो इसको भी कितने से माइनस करेंगे ग्यारह साठ में से साथ में साथ। थ्री फिफ्टी फोर में से माइनस कर देंगे ये सिक्स और ये आठ आठ बजकर छः मिनट सही अब ये देखो टाइम किसके बीच में गिवन है भाई साहब ग्यारह से एक के बीच में तो कितने में से माइनस होगा तेईस साठ में से ठीक है तेईस साठ में से माइनस करेंगे इसको ट्वेंटी थ्री सिक्सटी एलेवन फोटी फोर यह माइनस किया हमने ये कितना आ जाएगा दोस्तों आपके पास में सिक्सटीन और ये बारह तो आंसर क्या आया बारह सिक्सटीन चलिए इसको करते हैं आप वही बारह से एक के बीच का टाइम भी दे रखा है तो कितने में से माइनस करेंगे तेईस साठ में से माइनस करेंगे और यह रहा आपके पास बारह बीस करेक्ट ये आपका हो गया दोस्तों चालीस और ये कितना आ जाएगा ग्यारह ग्यारह चालीस करेक्ट मजा आया करेक्ट है कि नहीं है जल्दी से बता दो तो फटाफट से क्लियर है मेरा इमेज कभी भूलोगे इवन आप कोई कंसेप्ट ही नहीं भूलोगे जीवन में अभी तक जितना भी पढ़ा है ना आप कभी भूलोगे ही नहीं मैं विश्वास के साथ गारंटेड बोल रहा हूँ आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे ठीक है इतना तो मुझे भी पता है चलिए बहुत बढ़िया शाबाश लाजवाब चलते हैं नेक्स्ट अब अगले कंसेप्ट की तरफ आप सीख चुके हो भाई साहब मिरर इमेज ऑफ क्लॉक अब आप सीखने वाले हो नेक्स्ट अगला चलने वाले हैं हम लोग वाटर इमेज ऑफ क्लॉक चलिए भैया वाटर इमेज ऑफ क्लॉक पढ़ते हैं अब वाटर इमेज ऑफ क्लॉक कुत्ते टाइप हो गए अपने कर चुके हैं चार टाइप और ये पांचवा टाइप ठीक है टाइप नंबर फाइव ठीक है घड़ी का जल प्रतिबिंब घड़ी का जल प्रतिबिंब भाई साहब आपने ये कर लिया सही है करेक्ट है चलो भाई अब जल प्रतिबिंब के लिए सिंपल सा कंसेप्ट है आपको पता है घड़ी कहाँ होगी ये घड़ी ठीक है, है? बारह छ तीन नौ दस ग्यारह एक दो चार पाँच सही है सात आठ अब मिरर कहाँ लगेगा मिरर लगेगा भाई सब इस जगह क्योंकि जल प्रतिबिंब निकालना है ना तो जो चीज़ बाई तरफ थी वो दाई तरफ हो जाती है किसके अंदर किसके अंदर जो बाई तरफ थी वो दाई तरफ हो जाती है दर्पण प्रतिबिंब ठीक है लेकिन भाई साहब जल प्रतिबिंब में क्या होता है जो चीज़ ऊपर होती है वो नीचे हो जाती है सही है कि नहीं इस प्रकार का कंसेप्ट बनता है इस प्रकार का कंसेप्ट जैसे छह यहाँ पर है छ यहाँ ऐसे हो जाए बारह यहां पर है बारह यहां हो जाए करेक्ट है? सही है वन यहाँ हो जाएगा टू यहाँ हो जाएगा थ्री थ्री की जगह ही रहेगा फोर यहाँ फाइव यहाँ पे सेवन को अगर आप देखेंगे एट यहाँ नाइन ऐसे टेन ऐसे एलेवन ऐसे इस प्रकार से जो चीज़ ऊपर थी वो कहाँ आ जाएगी नीचे आ जाएगी सही है कि नहीं क्लियर है कि नहीं करेक्ट मान लीजिए घड़ी के अंदर घड़ी के अंदर ये मान लेते हैं कि अभी पाँच बजकर मान लो दस मिनट हो रहे हैं तो मिरर इमेज कैसे होगा ये अपना बेस लाइन होती है ये बेस लाइन होती है वहाँ पर बेस लाइन क्या होती है वहाँ पर लेस बेस लाइन ये होती है बारह और छः तो जो बाईं तरफ होता है वो दाई तरफ बनता है तो इसी प्रकार से इसके अंदर क्या होता है ये बेस लाइन होती है तो जो जितना ऊपर है मिनट की सुई जितना ऊपर है उतनी नीचे आ जाएगी घंटे वाली सुई जितना नीचे है वो उतनी ऊपर चली जाएगी अब पाँच बजाऊँ आप अब आप एक तरीके से पाँच बनाओ घंटे वाली सुई पाँच पे जा रही है ना तो ये लीजिए घंटे वाली सुई पाँच पे बड़ी वाली सुई कहाँ पे जा रही है दो पे तो ये लो भाई साहब बड़ी वाली सुई दो पे तो एक तरीके से यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर क्या होता है आप ख़ुद बताओ इस जगह पर पाँच बजकर दस मिनट बनाया आपने ठीक है ये थोड़ी सी पाँच और छः के बीच में होगी सही है कि नहीं यहाँ पर आ गए ये पाँच और छः के बीच में होगी भाई साहब थोड़ी तो ये भी चलेगी ना ऐसा थोड़ी कि खड़ी रहेगी वहाँ पर सही नहीं तो ये भी चलेगी ये चलेगी तो भाई साहब एग्जैक्ट टाइम कितना आना चाहिए देखो आप खुद ही देख लो फटाफट पड़ से बता दो हैं पाँच और छः के बीच में तो कहाँ पर आनी चाहिए पाँच ये रहा और छः ये रहा यानी इस जगह ये एक ये दो तीन चार पाँच छ सात या आठ नौ ये दस ये ग्यारह और ये बारह तो वास्तव में अगर देखा जाए कि अगर घड़ी में पाँच बजकर दस मिनट का टाइम हो रहा है तो जल प्रतिबिंब वाटर इमेज वाटर इमेज के अंदर क्या बनना चाहिए ये बारह और एक के बीच में भाई सब ध्यान से देख लो यानी कि बारह बजकर आपके बनने चाहिए थे बीस मिनट चार यानी कि बीस और ये सुई पाँच और छः के बीच में है यानी बारह और एक के बीच में है तो बारह बजकर बीस मिनट यह आंसर आना चाहिए लेकिन अब देखना होता क्या है होता क्या है अब ये मज़ेदार चीज़ होगी अब आप लोग बचपन से एक चीज़ रट रहे हो रट रहे हो ना आप बचपन से एक चीज़ रट रहे हो कि जब भी जल प्रतिबिंब का समय निकालना हो ठीक है आप ये पढ़ रहे हो कि जल प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब का समय ज्ञात करने के लिए, जल प्रतिबिंब का समय ज्ञात करने के लिए अठारह बजकर तीस या या ये एक घंटा अगर इधर ले जाएं तो 18 की जगह सत्रह घंटे रह जाएंगे साठ मिनट इधर चल जाएंगे यानी कि सत्रह बजकर नब्बे मिनट एक ही है अठारह तीस या सत्रह नब्बे में से घड़ी के समय को घड़ी के समय को घटा दिया जाता है घड़ी के समय को घटा दिया जाता है है ना ये पढ़े हो आपने लेकिन अभी आप देखो मैंने आपको क्वेश्चन ये दिया था कि पांच बजकर दस मिनट का जल प्रतिबिंब ज्ञात करो पांच बजकर पांच बजकर दस मिनट का जल प्रतिबिंब ज्ञात करो ठीक है तो आप अपना दिमाग लगाओगे कि अच्छा सर ने सिखा दिया अठारह तीस या सत्रह नब्बे आपने पढ़ लिया ये लो भैया अठारह तीस इसमें से आपने माइनस किया पाँच बज के दस मिनट सही है नहीं है तीस में से दस गया तो बीस और भाई साहब अट्ठारह में से पाँच जाएगा तो तेरह आना चाहिए था तेरह यानी कि फिर तो इसका मतलब आपका वो हो गया एक बजकर तेरह बजकर बीस मिनट का मतलब क्या हुआ एक बजकर बीस मिनट तो ये तो गलत आया है <laughs> अरे भैया ये तो गलत आया है आपका ये तो गलत आया है यार ये तो कंसेप्ट ही फेल हो गया आपने आपने तो सबने ये रट रखा है आपने तो सबने यही पढ़ रखा है भाई जल प्रतिबिंब का समय अट्ठारह तीस या सत्रह नब्बे ईमानदारी से बताना आपने यही पढ़ा है ना ये पढ़ा है ना लेकिन भाई साहब यही तो बात है यही तो बात है कि एक बजकर बीस मिनट ये जो आया है गलत है ठीक है ये गलत है सही आंसर क्या है एग्जैक्ट आंसर ये है कि ये जो घंटे वाला समय है ना इसमें से आपको एक माइनस करना पड़ेगा तब जाके सही समय आएगा माइनस करोगे ना तो ये जीरो हो जाएगा जीरो बचकर जीरो बचकर बीस मिनट अर्थात बारह बजकर बीस मिनट एक कम करके आंसर देते हैं आप हर बार नहीं होगा लेकिन कुछ केसेस में आपको भाई साहब दे ही नहीं रखा होगा एक बजकर बीस मिनट आप ढूंढने लगोगे ना या तेरह बीस ढूंढने लगोगे ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं उसकी जगह एक घंटा कम करके आपको दे रखा होगा बारह बजकर बीस मिनट ठीक <laughs> है करेक्ट है करेक्ट है देखो आप खुद दिमाग आके खोल के दिमाग लगाओ आप खुद समझदार हो ना समझदार व्यक्ति बनो और खुद कंसेप्ट को सीखो रटो मत किसी भी चीज़ को पाँच बजकर दस मिनट का मतलब क्या होगा कि बड़ी वाली सुई तो दो पर होगी और ये वाली सुई पाँच और छः के थोड़ा भाई पाँच से थोड़ा आगे आ जाएगी यानी पाँच और छः वाले ब्लॉक के बीच में आएगी इधर थोड़ा सा भी आगे चल गई तो इसका मतलब वो पाँच और छः के बीच वाले ब्लॉक में होगी अब ये रहा पाँच और ये रहा छः और पाँच ये रहा चार और पाँच के बीच में होती तब वो एक और दो के बीच में होती पर अक्का लगाओ पाँच और छः के ब्लॉक में अर्थात वो बारह और एक के ब्लॉक में है ना तो बारह और एक के ब्लॉक में तो बारह पढ़ोगे ना बारह बजकर बीस मिनट अगर एक बजकर बीस मिनट पढ़ने लग गए तो इसका मतलब वो तो एक और दो के ब्लॉक में आएगी पर भैया ये सुई पांच और छ के ब्लॉक में है तो पांच और छ का ब्लॉक तो ये रहा छह को रिप्रेजेंट कर रहा है पांच एक को तो इस वाले ब्लॉक में है वो बात समझ में आ रही है क्लियर है कि नहीं है भैया आंखें खोल के ढंग से देख लो पहले ज़रूरी नहीं है हर बार भाई साहब पहुंच जाओ तुम दुकानें लेकर अपनी बोरिया बिस्तर बांध के इसलिए तो सिलेक्शन नहीं हो पाते अरे यार आपकी ग़लती है ही नहीं इसमें आपकी कोई गलती नहीं है अरे जो पढ़ाने वाले महानुभव हैं ना उनको भी नहीं पता बस चल रहे हैं घास काट रहे हैं जैसा चल रहा है मेहनत कर लो यार हैं पढ़ के तो पढ़ा ही सकते हैं कम से कम एटलीस्ट बहुत सारे कॉपी कर रहे हैं वैसे भी आपको ही पता है सभी कर रहे हैं कॉपी है हाँ ना लेकिन ओरिजिनल तो ओरिजिनल है ना भाई साहब वो सिंस का ब्रांड लगाते हैं ना सिंस 1990 नाइन्टी ए और <laughs> तो यूँ समझ लो ये वो ब्रांड है ठीक है ना एक एक चीज़ भाई साहब ढंग से बढ़िया तरीके से एकदम खोल खोल के अच्छे से सीखो तो ये रू ठीक है याद रखने में कोई बुराई नहीं याद रख लिया हमने पर जब एग्ज़ाम के अंदर आपको तेरह बीस और एक बीस ये जो है ना ये नहीं मिलेगा ना तब आपका दिमाग चक्कर खा जाएगा कि यार ये क्या हुआ तब आपको वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अगर ये ऑप्शन में ना मिले वैसे नहीं मिलेगा क्योंकि ऑब्वियस बात है वो बेवकूफ़ नहीं है अगर ना मिले आपको ये डायरेक्टली माइनस करने पर तो सीधा याद रखना कि एक घंटा और माइनस कर देंगे घंटे वाले समय में से एक माइनस कर दिया हमने जीरो हो गया जीरो मतलब बारह बारह बजकर बीस मिनट यह आंसर राहुल बोल रहे हैं राहुल चौधरी सर मेरा तो हो गया रेलवे में आपकी वजह से बहुत बहुत बधाई हो भाई राहुल हैं राहुल अभी थोड़ी देर पहले एक और आया था ए एल वाला कि सर मेरा हो गया सलेक्शन फिर मैंने उसको एक बात बोली फिर उसने कमेंट नहीं किया वो चला ही गया वो रो नौकरी पर चला गया सीधा उसको लगा भाई हो गया अब तो क्या ही है हैं राहुल आपको बोलूँगा कहीं आप तो नहीं भग जाओगे ना अभी मिठाई आई नहीं सिलेक्शन तो हो गया है, है? प्रॉमिस तो आप बहुत करते हो हैं प्रॉमिस में तो कोई वो नहीं है अभी कल ही बहुत सारे बच्चों ने प्रॉमिस किया है जैसे आपने भी प्रॉमिस किया होगा कि हाँ सर मिठाई खिलाने आएंगे क्लास में तो आ गए आप अगली वाली तैयारी के लिए एन टी पी के लिए ए वगैरह के लिए है ना ग्रुप डी ग्रुप डी में हो गया होगा आपका सलेक्शन मिठाई आई नहीं है याद रख लेना छोरों मैं बता देता हूँ आपको क्लियरली है ना समझ में आ रही ठीक है जैसे अभी आप लोगों के लिए वो आपको बोल रहा हूँ ना सबको कि आपका सिलेक्शन होगा मिठाई आनी चाहिए बस तो सिलेक्शन होने के बाद क्या आप लोग भूल जाओगे लेकिन कोई बात नहीं बेटा धरती गोल है घूम फिर के जब डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने होंगे ना तब फिर से याद आएगी दीपक सर की अरे हाँ यार दीपक सर को बोला था प्रॉमिस किया था यार मिठाई तो खिलाएंगे या फिर भाई साहब और अगले बड़े एग्जाम देने होंगे ना फिर याद आएगी हाँ यार रीजनिंग तो दीपक सर से पढ़ेंगे यार सर ने बोला था पर मिठाई नहीं खिलाई तब सर शर्म आएगी फिर तब आप हंसोगे हम भी हंसेंगे आप भी मज़े ले रहे हो हम भी मज़े लेंगे सही है नहीं क्लियर है कि नहीं <laughs> दुनिया गोल है भैया जरूरत तो पड़ेगी वापस। चलो आते हैं आगे में दान में क्वेश्चन देता हूँ आपको बढ़िया से मैंने आपको क्वेश्चन दिया जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया रुकिए। दस बजकर दे दूँ। दस बजकर दस बजकर मैंने आपको दे दिया बीस मिनट दस बजकर बीस मिनट पर क्या वाटर इमेज बनेगा क्या जल प्रतिबिंब बनेगा दस बजकर बीस मिनट पर कौन, कौन सा जल प्रतिबिंब बनेगा भैया दस बजकर बीस मिनट पर क्या जल प्रतिबिंब बनेगा सर बुक ऑर्डर किया है कब आएगा मेरे भाई बुक तो मेरे सामने ही रखी हुई है चाहूँ तो आज मैं डिस्पेच कर दूँ पर तू चाहता है क्या तेरे पास एरर फ्री बुक जाए हैं एरर फ्री बुक जाए या फिर एरर के साथ बुक जाए ये बता दें ये तो एक बुक तो बन के आ गई है लेकिन मैं नहीं चाहता ना कि भाई साहब एरर के साथ बुक जाए आपके पास में इतनी मेहनत करिए इतने सारे पेपरों के सोल्यूशंस बनाए हैं शॉर्ट ट्रिक्स बनाई हैं तो कुछ आपको और अच्छा लाभ मिले उसके लिए सात दिन का समय आप लोगों से लिया है कि एरर फ्री बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो एरर वाली बुक आप तक हाथों में पहुंचेगी ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि एक गलती पीछे हो चुकी है यार उसमें काफ़ी एरर रह गई थी पिछले वाली बुक में तो इस बार एक बार प्रूफ रीड फिर दो बार फिर तीन बार फिर चार बार और ये पाँचवीं बार प्रूफ रीड करने के बाद भी माइनर से भी कुछ रह जाए ना अगर ये टूटी फूटी भी तो भाई साहब वो भी ना रहे और प्री बुकिंग तो चालू है ही ना कहाँ दिक्कत है दो सौ में आपको बुक मिल रही है मस्त चैप्टर वाइज ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्यूशंस के साथ में और क्या ही चाहिए ठीक है तो आप क्या करोगे भैया सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन मिला आपने क्या किया जल प्रतिबिंब के लिए सर ने सिखाया है कि अठारह बजकर तीस मिनट में से माइनस करो अठारह बजकर तीस मिनट सही ये आपने दस बजकर बीस मिनट लिया आपने ये माइनस कर दिया यहाँ पर आ गया आपके पास दस और यहाँ पे आ गया आपके पास आठ आठ बजकर दस मिनट कितना आ गया आठ बजकर दस मिनट अब भाई साहब प्रैक्टिकली आप लोग एक बार समझ लो क्या ये सही आया है तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ होगा आठ बजकर दस मिनट कोई दिक्कत नहीं है ठीक है नहीं तो अन्यथा आप लोगों को एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिकली यहाँ पर सोचना पड़ेगा आपको क्या टाइम दिया है दस बजकर बीस मिनट तो भाई साहब ये बड़ी वाली सुई चार पे दस बजकर बीस मिनट यानि छोटी वाली सुई दस और ग्यारह के बीच में यहाँ पर आएगी क्योंकि बिल्कुल फिक्स दस पे थोड़ी होगी अरे यार ये बीस मिनट चली है बड़ी वाली सुई तो छोटी वाली सुई भी तो थोड़ी सी तो चल जाएगी ना तो ये दस बजकर बीस मिनट ये है अब बेस लाइन क्या कहती है बेस लाइन कौन सी हमारी ये बेस लाइन है जो चीज़ ऊपर बन रही है वो नीचे बननी चाहिए सही है ना तो अब आप आँखें खोल के देखोगे कैसे देखोगे कि नौ और दस के बीच में सुई नहीं आ रही दस और ग्यारह के बीच में सुई आ रही तो जितना हम ऊपर हैं यहाँ पर हैं उतना ही हमें नीचे आना पड़ेगा नौ और दस के बीच में कोई सुई नहीं है तो इसके नीचे आठ और नौ के बीच में कोई सुई नहीं आएगी सुई दस और ग्यारह अगले एक ब्लॉक दो ब्लॉक तीन ब्लॉक है ना नौ और बारह के बीच में तीन ब्लॉक हैं तो पहले वाले ब्लॉक में कुछ नहीं है तो नीचे भी पहले वाले ब्लॉक में कुछ नहीं आएगा फिर दस और ग्यारह वाले ब्लॉक में है तो इसका मतलब सात और आठ वाले ब्लॉक में आएगी यानी कि ये सुई छोटी वाली जितनी ऊपर यहाँ थी ना उतनी यहाँ आएगी अब अब इधर देखो चा तीन से नीचे ये फिक्स चार पर है तो ये तीन से ऊपर फिक्स कहाँ पर आएगी दो पर आएगी तो वो इस वाले ब्लॉक में आइए भाई साहब सुई यहाँ आइए इस वाले सात और आठ के बीच में तो ये जो आंसर हमें दे रखा है आठ बजकर दस मिनट ये रॉन्ग आंसर है रॉन्ग आंसर है इसका मतलब सही आंसर क्या बनेगा एक माइनस करके जो बनेगा वो हमारा आंसर होगा यानी हमारा आंसर क्या होगा सात बजकर दस मिनट तो आप लोग अगर ढूंढने लगोगे ना सीधा अट्ठारह तीस में से माइनस कर दिया आपने अगर इसको टिक कर दिया आठ बजकर दस मिनट को टिक कर दिया तो हो गया सत्यनारायण हैं भगवान का नाम लेंगे आ जाएंगे तैयारी में लग जाएंगे क्योंकि यह है ये एक नंबर की कीमत दो नंबर की कीमत उन बच्चों से पूछो जो पॉइंट सेकंड्स में सेकंड उस मतलब यूँ समझ लो पॉइंट्स में रह गए भाई साहब पॉइंट वन जीरो पॉइंट वन थ्री सलेक्शन रह गया जो दौड़ से बाहर हो गया भाई साहब हैं पॉइंट टू थ्री सेकेंड से भाई साहब दौड़ से बाहर हो गए ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो बेचारे वापस मेहनत में लग गए हैं तो आप कदर करो समझो चीज़ों की कि एक्चुअल कंसेप्चुअल चीज़ें क्या होती हैं क्यों भाई साहब वास्तव में मेहनत क्या मेहनत हमेशा रंग लाती है कभी भी आपका नुकसान नहीं करेगी चीज़ें सीखो सही सीखो ठीक है करेक्ट है करेक्ट क्लियर है पर हर बार माइनस वन करके दिया हो दोस्तों ज़रूरी नहीं है ना मैं फिर बोल रहा हूँ हर बार ऐसा दिया हो ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है जैसे अब मैं आपको देता हूँ ठीक है सात बजकर एक क्वेश्चन देता हूँ सात बजकर पचास मिनट का वाटर इमेज जब मिनट का समय तीस से ज़्यादा हो देख रहे हो ना जब मिनट का समय तीस से कम हो तो अठारह तीस का प्रयोग करना जब मिनट का समय तीस से ज़्यादा हो जाए तो सत्रह नब्बे का प्रयोग करना ठीक है करेक्ट है वाटर इमेज निकालने के लिए तो भैया यहाँ पे ये वो कंसेप्ट वही है रे यार अठारह तीस है मान लो अठारह तीस में से माइनस कर रहे हो अब तीस में से पचास मिनट तो माइनस कर नहीं सकते ना इसलिए तुम एक घंटा इधर लेकर जाते हो एक घंटा इधर लेकर जाते हो यानी तुम साठ मिनट इधर ले गए साठ मिनट इधर ले गए यानी कि तुम सत्रह नब्बे में से माइनस कर ये एक घंटा कम हो गया पर एक घंटे में साठ मिनट होते हैं तो मिनट में तीस में अगर साठ जोड़ेंगे तो नब्बे हो जाएगा ना अब आप माइनस करोगे सात पचास सही है नब्बे में से पचास गए चालीस रटना नहीं है समझना है हर चीज़ को सत्रह में से सात गए तो दस आंसर क्या आया दस चालीस अब तुम कहोगे कि भाई साहब देखना इधर एक बच्चे ने आंसर यहाँ ग्यारह चालीस दे रखा गजब का प्राणी है यार हैं दोस्तों ले जाएं इसको विदेश ले जाएं इसको इस व्यक्ति को देश में तो मुझे नहीं लग रहा ये किसी काम का है अरे विदेश से याद आया आज मेरे पास एक मैसेज आया ठीक है और उस मैसेज में उस बच्चे ने ये बोला कि सर मैं सऊदी अरेबिया में रहता हूँ वहाँ से आपकी क्लास देखता हूँ मेरा दिल खुश हो गया मैंने कहा वाह यार ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ हो गई सही है नहीं विदेश से याद आया तो आपको भी दिखाऊँगा ठीक है चलो अभी दिखाता हूँ आपको अभी यहाँ पे खोल के दिखाऊंगा आराम से ठीक है अभी फिलहाल यहाँ देखो अभी आप चलो भाई प्रैक्टिकली समझते हैं हमें क्या दिया था पहले क्वेश्चन को करते हैं चलो भैया है। सात पचास सात पचास दिया हुआ पचास का मतलब ये है कि बड़ी वाली सुई तो भाई साहब दस पे चलेगी पचास मतलब दस पे सात पचास तो सात पे थोड़ी रहेगी मिनट वाली मिनट वाली सुई अगर घूम के यहाँ आएगी पचास मिनट चलेगी तो छोटी वाली सुई भी भैया या आठ के करीब ही आ जाएगी सात और मतलब इस वाले ब्लॉक में कुल मिला के सात और आठ के बीच में सही है अब भाई साहब देखना इधर ये हमारी बेस लाइन है ये बेस लाइन है हमारी तो जो चीज़ ऊपर पहले घंटे वाली सुई पहले मिनट वाली सुई के लिए चलो देख लेते हैं पचास पे है यानी कि पाँच मिनट ऊपर है तो इसको पाँच मिनट नीचे ले जाएंगे तो चालीस तो रहेगा ही सही है नहीं करेक्ट है कि नहीं मैं ग्रीन वाला कलर ले लूँ तो ये ले लो भाई साहब ये ऐसे ठीक है तो ये बड़ी वाली सुई जितनी ऊपर थी उतनी नीचे आ गई भाई साहब ये चालीस पे तो आएगी तो चालीस तो हमारा भी आ रहा है अब भाई साहब आगे चेक करते हैं अगला क्या था अगला ये था कि कितना था सात बजकर सात बजकर पचास मिनट यानी सुई सात और आठ के बीच में है सात बजकर पचास मिनट यानी कि छोटी वाली जो सुई है ना वो भाई साहब सात और आठ के बीच में है तो वो कहाँ जाएगी सात और आठ के बीच में यानी कि आठ और नौ वाला ब्लॉक खाली है और उसके बाद अगले वाले ब्लॉक में आठ और नौ वाला ब्लॉक खाली है सात और आठ वाले ब्लॉक में तो नीचे से ऊपर देखिए नौ से दस वाला ब्लॉक खाली है उससे अगले वाले ब्लॉक में तो आंसर कहाँ आना चाहिए भाई साहब आंसर कहाँ आना चाहिए ये देखिए जो सुई सात और आठ के बीच में वो कहाँ आ जाएगी आठ से नौ वाला ब्लॉक खाली तो इसका मतलब नौ और दस वाला ब्लॉक खाली नीचे जितना खाली उतना ऊपर खाली फिर आगे बढ़ा का आना पड़ रहा है तो ऊपर भी आगे बढ़ के जाना पड़ेगा यानी कि इस ब्लॉक में आएगी दस और ग्यारह के बीच में सही नहीं तो आंसर हमारा बिल्कुल सही था यहाँ पे माइनस करने की कतई ज़रूरत नहीं है भाई साहब यहाँ माइनस करने की कतई जरूरत नहीं हमारा आंसर बिल्कुल सही है ना दस बजकर चालीस मिनट कहाँ गड़बड़ कर दी मैंने सही तो यार अट्ठारह तीस यानी कि सत्रह नब्बे में से माइनस किया दस चालीस हमारा आंसर आ गया सही तो मज़ा आया कि नहीं यही तो है हर जगह माइनस थोड़ी होगा कि तुम लट लेके बैठ गए दीपक सर ने बोला था भाई हर जगह हर जगह भाई साहब घंटे वाले में से एक माइनस कर देना तो ऐसा नहीं होगा है कि नहीं यहाँ पे आंसर क्या है दस चालीस ही यहाँ माइनस करने की ज़रूरत नहीं दस चालीस देर का पर ये चीज़ ये चीज़ सीखनी पड़ेगी ये भाई साहब सही आंसर देना है तो सीखना पड़ेगा ना तुम ये सिर्फ ये रट के आ जाओगे पूरी दुनिया की किताबों में और दुनिया में पढ़ाने वालों ने बस ये बता अठारह तीस में से माइनस कर देना ये ना हो तो सतराह नब्बे में से माइनस कर देना हैं फिर वहाँ से नंबर भी भाई साहब माइनस में ही लिया ना <laughs> तो भैया ये सीखना पड़ेगा ये जो अभी आपको सिखाया ना ये है भाई साहब असली जान ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी आपको कितना ऊपर जाना है कितना नीचे जाना सही है करेक्ट है चलो भैया तो जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब आप सीख चुके हो बहुत बढ़िया से सीख चुके हो एकदम शांतिपूर्वक तरीके से सीखते जा रहे हो पानी पी लो यार आ गया हो तो चलो भैया अब चलते हैं दोस्तों अगले कंसेप्ट की तरफ ठीक है ये तो आपने दर्पण पढ़ा एक प्रश्न आता है बड़ा ही कॉमन प्रश्न होता है इसको मैं सिखाई देता हूं आपको दर्पण को उल्टा करके जल प्रतिबिंब में देखने पर क्या समय दिखाई देता है इसकी लैंग्वेज की सबसे खास बात यह है कि ये इस क्वेश्चन की लैंग्वेज इस प्रकार से ही चालू होती है लाइन सब में कॉमन होती है जिसका कोई अर्थ नहीं होता इस लाइन का कोई अर्थ नहीं है पर यह चालू इसी प्रकार से होती है ठीक है ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बता रहा हूं जो एग्जाम में आती है ठीक है एक घड़ी है उसमें केवल तीन छ नौ बारह के स्थान पर बिंदु लगे हुए हैं एक घड़ी में केवल तीन छे नौ बारह के स्थान पर बिंदु लगे हुए हैं उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है एक व्यक्ति को घड़ी के प्रतिबिंब में अगर छह बजकर दस मिनट का समय दिखाई देता है तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा तो पहले तो कंसेप्ट समझ लो आप ठीक है भाई कंसेप्ट ही तो समझना इंपॉर्टेंट है ना घड़ी को उल्टा करने का मतलब क्या होता है दोस्तों कौन बताएगा टाइप नंबर सिक्स टाइप नंबर सिक्स आज आप पढ़ने वाले हो चलिए जल्दी से बता दो घड़ी को उल्टा करने का मतलब क्या होता है घड़ी को उल्टा करने का मतलब क्या होता है घड़ी को उल्टा करना रिवर्स दी क्लॉक ये घड़ी है बारह छ तीन नौ दस ग्यारह एक दो चार पाँच, सात आठ घड़ी को उल्टा करने का मतलब क्या होता है मित्रों बस इतना सा बता दो मुझे आप घड़ी को उल्टा करने का मतलब होता है उल्टा करना रिवर्स करना अर्थात अर्थात 180 डिग्री से घुमाना क्या होता है भाई साहब 180 डिग्री से घुमाना सही है नहीं उल्टा करने का मतलब ये होता है घड़ी को उल्टा करना अर्थात 180 डिग्री से घुमाना होता है कहीं कुछ लोग हैं कुछ खुरापाती लोग हैं जीवन में वो कुछ कलाकृतियाँ कर सकते हैं मैं बता देता हूँ आप क्या क्या सोच सकते हो पहले ही बता दूँ मान लो ये घड़ी है किसी व्यक्ति को बोला कि भैया घड़ी को उल्टा कर दे तो मूर्ख प्राणी वो घड़ी को उठाएगा उठा के यूँ उल्टा कर देगा अरे उल्टा कर देगा ना तो पीछे फिर ये ऐसे सेल दिखेंगे <laughs> और यहाँ पे चकरी दिखेगी ऐसे घुमाने वाली इसमें सेल डालो है ना यही करेगा ना उल्टा है ये करेगा क्या उल्टा तेरे को बोल दिया कि भाई घड़ी को उल्टा करके बता तो उल्टा करने का मतलब ये नहीं होता कि घड़ी को पकड़ा और यूँ उल्टा कर दिया तुम्हें तो अगर मान लो बोल दिया कि कार है कार तुम चला रहे हो कि भैया कार का स्टेयरिंग देखा है तुमने हैं कभी तो पकड़ा ही होगा बस में ही देखा होगा <laughs> ठीक है कार का जो स्टेयरिंग होता है तो उल्टा करने का मतलब ये थोड़ी होता है कि स्टेयरिंग को पकड़ के एक बाहर निकाल के यूँ उल्टा कर दिया उल्टा करने का मतलब क्या होता है घुमाते हो ना तुम उसको ऐसे कार के स्टेयरिंग को घुमाते हैं ना भाई साहब एक डिग्री तो स्टेयरिंग जैसे अपन घुमाते हैं ना उल्टा करना मतलब एक डिग्री से घुमा देंगे समझ रहे हो क्लियर है यूं नहीं होता भैया स्टेयरिंग ये लो है अब चलने दो तो भैया गाड़ी बिना मुड़े हुए ऐसे नहीं होता तो 180 डिग्री का मतलब ये होता है 180 डिग्री से घुमाना होता है ठीक है रिवर्स क्लॉक का मतलब होता है 180 डिग्री से घुमाना अर्थात कि जो आपकी घड़ी दे रखी है उसमें जो समय है वो इस प्रकार से चेंज हो जाएगा देखिएगा कैसे चेंज होगा वो चेंज इस प्रकार से होगा कि भाई साहब जहाँ पर दो बजे जो जो टाइम दो पे हो रहा होगा वो आठ पे आ जाएगा अपोजिट 180 डिग्री एक दूसरे के अपोजिट जो बारह पे हो रहा होगा वो छः पे आ जाएगा जो ग्यारह पे हो रहा होगा वो पांच पे आ जाएगा पांच वाला ग्यारह पे चल जाएगा छः वाला बारह पे बारह वाला छः पे नौ वाला तीन पे तीन वाला नौ पे दस वाला चार पे चार वाला दस पे इसको अपन बोलते हैं उल्टा करना ठीक है इसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों उल्टा करना क्लियर है कि नहीं है उल्टा करने का मतलब ये होता है तीन वाला नौ पे नौ वाला तीन पे बारह वाला छः पे छः वाला बारह पे दस वाला चार पे चार वाला दस पे ग्यारह वाला पांच पे पांच वाला ग्यारह पे दो वाला आठ पे आठ वाला दो पे करेक्ट है सही है सही अब यहां पर देखना भैया चलो भैया चीजों को देखते हैं दे। क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन पे चले सीधा तो भैया प्रश्न क्या है देख लो प्रश्न है कि एक घड़ी में तीन छो बारह के स्थान पर बिंदु लगे होते हैं अरे भाई अंक की जगह बिंदु दे दोगे तो घड़ी थोड़ी बदल जाएगी घड़ी तो को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है ठीक है दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है और घड़ी के प्रतिबिंब में छह बजकर दस मिनट का समय दिखाई दे रहा है तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा तो देखना इधर कंसेप्ट दो तरीके से चलता है घड़ी को उल्टा करके दर्पण प्रतिबिंब निकालें या फिर मतलब घड़ी का समय दे रखा हो उसको उल्टा करके दर्पण प्रतिबिंब निकालें या दर्पण प्रतिबिंब में जो समय दे रखा है उसको उल्टा करके घड़ी का समय निकालें दोनों एक ही चीज़ होती है याद रख लेना परमानेंटली लोगों को नहीं पता है कभी भी आपको उल्लू बनाया जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा इसलिए आप लोग याद रख लीजिएगा लैंग्वेज चाहे कैसी भी आ जाए बस आप परमानेंटली याद रख लो घड़ी को उल्टा करके दर्पण प्रतिबिंब में देखें या दर्पण प्रतिबिंब को उल्टा करके भाई साहब घड़ी का समय निकालें कंसेप्ट एक ही होता है आपको करना हर बार वही है आपकी चीज़ वही आएगी आंसर आपका वही आएगा क्लियर है तो जैसे आपको बोल रहा है कि यूं समझ लो कि घड़ी में अभी छः बजकर दस मिनट का समय हो रहा है घड़ी में अभी मान लो छः बजकर दस मिनट का समय हो रहा है तो छः बजकर दस मिनट के समय को पहले तो आप ये घड़ी का समय है तो आपको पहले ये निकालना है कि उल्टा करने पर क्या समय दिखाई देगा उल्टा करने पर क्या समय दिखाई देगा फिर उसके बाद आपको लगाना है मिरर और फिर मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा ये हमारा प्रश्न है घड़ी को उल्टा करके दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर क्या समय दिखाई देगा ये पूछ रहा है तो भाई साहब ये घड़ी ये बारह ये छः ये तीन ये नौ ये दस ये ग्यारह एक दो चार पाँच सात आठ सिर्फ उल्टा करना पूछता तो वो तो और भी आसान था फिलहाल हम लोग ये देख लेते हैं उल्टा करके दर्पण प्रतिबिंब में निकलवा रहा है क्या दिक्कत है भाई वो भी कर लेंगे हम चलो भैया छः बजकर दस मिनट बनाओ पहले तो दस मिनट का मतलब ये रहा कि बड़ी वाली सुई दो पे छः बजकर तो मतलब थोड़ी सी तो आगे निकल चुकी होगी सही है कि नहीं करेक्ट है अब आप सभी लोग जानते हो कि छः का अपोजिट क्या होता है जल्दी से बता दो। छ का अपोजिट क्या होता है भाई साहब हम सभी लोग जानते हैं कि सर बारह का अपोजिट होता है छः तो छः का अपोजिट होगा बारह सात का अपोजिट होता है एक तो एक का अपोजिट होगा सात सही है ना छोटी वाली जो सुई है वो छः और सात के बीच में अगर छोटी वाली सुई छः और सात के बीच में तो वो बारह और एक के बीच में आ जाएगी जो छोटी वाली सुई छः और सात के बीच में है देखो आप इधर छः बजकर दस मिनट का टाइम दिया है ना तो भैया दो का अपोजिट तो सीधा सीधा आठ होता है तो वहाँ तो दिक्कत है ही नहीं है सीधी बड़ी वाली सुई तो आठ पे आ जाएगी दो का अपोजिट आठ अब ये वाला ब्लॉक छः और सात के बीच में छः के अपोजिट बारह होता है सात के अपोजिट एक होता है तो जो सुई छः और सात के बीच में आ रही है वो बारह और एक के बीच में आएगी यानी घड़ी को उल्टा करने पर आपको समय दिखाई दिया कितना बारह बजकर भाई साहब कितना दो की जगह आठ यानी चालीस मिनट ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई पहले तो ये बताओ पहले तो मुझे ये बताओ कि ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई घड़ी का समय जहाँ पर छः बजकर दस मिनट दे रखा था उसको तुमने उल्टा कर दिया अर्थात समय बना कितना बारह चालीस कैसे बना छः बजकर दस मिनट का मतलब होता है बड़ी वाली सुई दो पे तभी आएगा दस मिनट तो दो का अपोजिट कितना आठ यानी कि चालीस और जो सुई छः और सात के बीच में है, क्योंकि थोड़ी सी तो आगे होगी ना छः बजकर दस मिनट पर छः और सात के बीच में आएगी छोटी वाली सुई छः का अपोजिट बारह होता है सात का अपोजिट एक होता है तो बारह और एक के बीच में सुई बनानी है हमको छोटी वाली सुई बारह और एक के बीच में बनाई हमने यानी बारह बजकर चालीस मिनट ये उल्टा कर दिया अब उल्टा करने के बाद लगा दो भाई साहब दर्पण प्रति में अब आपको पता है यदि समय ग्यारह से एक के बीच का दे रखा है तो हम भाई साहब तेईस साठ में से माइनस करते हैं कितने में से माइनस करते हैं तेईस साठ में से दोस्तों तेईस साठ में से अगर बारह चालीस को हमने माइनस कर दिया तेईस साठ में से अगर बारह चालीस को हमने माइनस कर दिया तो दोस्तों जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा ग्यारह बीस आएगा हमारा आंसर जल्दी से बता दो कितना आएगा ग्यारह बीस आएगा तो ये आंसर है हमारा हमारा आंसर क्या है ये आंसर है ग्यारह बीस सही है नहीं करेक्ट है कि नहीं ये हमारा आंसर आ गया ग्यारह बीस कितना सिंपल सा क्वेश्चन था कुछ भी नहीं था प्रश्न में जबरदस्ती का हवा है जबरदस्ती का हलवा है भाई साहब और कुछ ही नहीं लो करो इसको करो घड़ी में टाइम दे रखा है अब तुम्हें घड़ी में टाइम कितना दे रखा है आठ बजकर बीस मिनट तो तुम्हें पहले निकालना है उल्टा करने पर क्या समय दिखाई देगा फिर तुम्हें लगाना है दर्पण और फिर निकालना है तुम्हें दर्पण प्रतिबिंब ठीक ये घड़ी है चलो भैया बनाते हैं। करते हैं भाई सब सोल मज़ा आएगा ठीक है आठ बजकर बीस मिनट थोड़ी अक्कल ऐसे अब प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं यार ठीक है डायरेक्ट भी कर सकते हैं यार जरूरी थोड़ी हर बार वहाँ घड़ी बनाने बैठेंगे यार डायरेक्टली करेंगे अब ठीक है करेक्ट है पहले लास्ट बार समझा रहा हूँ फिर डायरेक्ट करेंगे आठ बजकर बीस मिनट तो बीस मिनट का मतलब तो आपको समझ में आ गया कि बड़ी वाली सुई यार ये तो कुछ ज़्यादा ही आगे आ रहा है यार चार कुछ ज़्यादा ही आगे आ रहा था अरे भैया यहाँ करेंगे इसको पीछे अब बनाएंगे तो बड़ी वाली सुई चार पे आठ बजकर बीस मिनट तो छोटी वाली सुई आठ और नौ के बीच में होगी क्योंकि अगर बड़ी वाली सुई बीस मिनट चली है तो छोटी वाली सुई भी थोड़ा सरक के नौ की तरफ जाना चालू करेगी ना ये और चलेगी तो ये और उधर जाएगी तो आठ बजकर बीस मिनट का ये समय हो रहा है अब इसको उल्टा कर दो उल्टा करो भैया उल्टा करने पर क्या समय दिखाई देगा तो इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है चार के अपोजिट तो दस होता है तो मिनट का समय भाई साहब दस तो आएगा बड़ी बड़ी वाली सुई चार पर है तो इसके विपरीत कौन है इसके विपरीत दस है मजा तो इसका है सही है नहीं ये नौ है नौ के विपरीत होता है तीन और आठ के विपरीत होता है दो तो जो छोटी वाली सुई आठ और नौ के बीच में है जो छोटी वाली सुई आठ और नौ के बीच में है वो सुई आएगी कहाँ पर दो और तीन के बीच में ठीक है ये इसके अपोज़िट ये यहाँ पे, और ये इसके अपोज़िट ये यहाँ पे। चार के विपरीत तो दस पे और छोटी वाली सुई जो आठ और नौ के बीच में वो दो और तीन के बीच में यानी आंसर बनेगा दो बजकर पचास मिनट सॉरी दस पे तो सॉरी ये दस क्यों लिख दिया मैंने पचास लिखूँगा ना दस दस पे है का मतलब क्या है पचास है ना वो सॉरी तो जो सुई भाई साहब चार पे है वो अपोजिट में दस पे चली जाएगी तो मिनट में देखें मिनट में देखें तो कितना होगा पचास होगा ना करेक्ट है कि नहीं मिनट तो कितने हुए पचास जो सुई आठ और नौ के बीच में वो दो और तीन के बीच में आ जाएगी तो दो बजकर पचास उल्टा करने पर समय दिखेगा दो बजकर पचास मिनट अब भाई साहब मिरर लगा दो जब समय एक से ग्यारह के बीच में होता है तब तो ग्यारह साठ में से माइनस करते हैं जब समय ग्यारह से एक के बीच में होता है तब तेईस साठ में से करते हैं अभी दो बजकर पचास मिनट दे रखा था तो ये माइनस कर दिया ग्यारह साठ में से तो ये आ गया दस और ये आ गया आपका नौ तो आंसर आ गया आपका नौ बजकर दस मिनट आपका आंसर कितना आ गया नौ बजकर दस मिनट यह आपका आंसर आ गया क्लियर है सही है देखूँ एक दो और क्वेश्चन हो तो आप कर हां लो चलो जल्दी से करके बता दो अब इस प्रश्न इस प्रश्न को आप लोग जल्दी से करके बता दे मित्रों बनाइए क्या आंसर आएगा क्या आएगा भाई आंसर बताओ कंसेप्ट बहुत सारे हैं यार टॉपिक में कंसेप्ट ही बहुत सारे हैं अब देखो तीन घंटे की क्लास तो अपनी हो भी गई ऑलमोस्ट ज़्यादा ही हो गई तीन घंटे दस मिनट के आसपास कोई बात नहीं यार सीखेंगे ना क्या दिक्कत है वेरी गुड यार बहुत बढ़िया घड़ी में टाइम दे दिया आपको घड़ी में टाइम कितना दे दिया पाँच चालीस अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ भाई साहब उल्टा करने पर चालीस यानी कि आठ आठ का अपोजिट दो दो यानी कि दस अब पाँच बजकर तो पाँच और छः के बीच में सुई होगी छः का अपोजिट बारह होता है पाँच का अपोजिट ग्यारह होता है यानी उल्टा करने पर समय बनेगा ग्यारह बजकर दस मिनट भाई साहब अब आपको करना पड़ेगा ये सीधी सी बातें देखो इधर चालीस चालीस यानी कितना आठ पे सुई चालीस पाँच बजकर चालीस मिनट का मतलब क्या हो गया कि आठ पे सुई अगर आठ पे सुई है तो आठ का अपोजिट एक सौ अस्सी डिग्री के एंगल से घुमाएंगे तो दो पे दो यानी कि दस अब पाँच बजकर पाँच बजकर यानी कि सुई होगी पाँच और छः के बीच में तो पाँच का विपरीत तो क्या होता है दोस्तों जल्दी बताओ पाँच का विपरीत कौन होता है छः का विपरीत बारह पाँच का विपरीत ग्यारह सही है अब ग्यारह बजकर दस मिनट ये उल्टा कर दिया आपने अब भाई साहब आपने मिरर लगा दिया मिरर इमेज निकालने के लिए जब समय ग्यारह से एक के बीच का दिया होता है तो तेईस साठ में से माइनस कर देते हैं ये ग्यारह दस को माइनस कर दिया ये पचास और ये आपके पास में आ जाएगा तेईस में से ग्यारह जाएगा तो दोस्तों बारह पचास ये आंसर आ गया क्या आंसर आ गया, गया आपका बारह पचास करेक्ट सही है ये आपका आंसर आ गया बारह पचास ये लीजिए ये आपका आंसर यहाँ पर अब मेरे भाइयों मैं आपको एक खुशखबरी दे देता हूँ पहले तो ठीक है इस सेशन को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे लेकिन आप लोगों के लिए जो खुशखबरी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए क्योंकि ये मैंने सुबह ही डिसीजन ले लिया था हालांकि मैंने एप्लीकेबल नहीं किया आज रात में एप्लीकेबल अपन कर लेंगे इसको ठीक है मैं तुम्हें बता देता हूँ एक दिन के लिए जितने भी कोर्सेज़ हैं ना अपने ठीक है जितने भी कोर्सेज हैं अपनी ऐप पर अवेलेबल जितने भी कोर्सेज हैं उन पर सीधा सीधा पचास प्रतिशत का ऑफ मेरी तरफ़ से आप लोगों को दिया जाता है आप कोड का प्रयोग करेंगे D50, D50 कोड लगाकर आप चाहे टेस्ट सीरीज़ लें चाहे आप फुल लेंथ बैच लें कोई सा भी बैच लें आपको पचास प्रतिशत का ऑफ़ आज से ही चालू हो गया है वहाँ पे भले दिखा नहीं रहा हो पर मैं आपको बता रहा हूँ डी फिफ्टी कोड का प्रयोग करिए फिफ्टी परसेंट का फ्लैट ऑफ आपको मिल जाएगा ईमानदारी से बताना दोस्तों सेशन में मज़ा आया कि नहीं आया आपने चीज़ें सीखी कि नहीं सीखी ठीक है देखिए मैं आधी अधूरी चीज़ें सिखाने में कभी विश्वास नहीं रखता क्योंकि हमें नहीं पता ना कि कंसेप्ट और क्वेश्चन कहाँ से निकल कर और कैसे बनकर आ जाएगा बात समझने की कोशिश करो इतने कंपटीशन का दौर है उसमें आप किसी को तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी ना इस सब्जेक्ट की रेस्पॉसिबिलिटी मेरी है ये मैं आपको ओपनली बोलता हूँ कि आपको कहीं कुछ भी अगर आप अपना समय बर्बाद करना चाहते हो तो आप भटकते रहो वरना आप बिल्कुल मस्त तरीके से शांति से सबसे पहले और मस्त तरीके से चाहे पेपर सेट की बात हो सुबह दस बजे चालू है शाम को अपनी थ्योरी क्लासेस चल रही हैं मस्त बैच पर अपने 50 परसेंट का ऑफ है डी फिफ्टी कोड का प्रयोग करो 50 परसेंट का फ्लैट ऑफ मिलेगा जो भी बैच चाहिए ठीक है जो भी बैच है जैसे मान लीजिए अगर आ, ये में अगर मैं इस बैच की बात करूँ कि जीरो टू हीरो ये फाउंडेशन बैच जो 2024 के लिए लेटेस्ट पैटर्न पर चल रहा है ये 1200 का है ना अब इसका आधा कर दो सीधा सीधा आधा कर दो कोड क्या यूज़ करोगे डी फिफ्टी कोड लगाओगे और भाई साहब 50 प्रतिशत आपको ऑफ मिल जाएगा फिर बाद में मेरे से कतई मत कहना आप सभी लोगों को पता है कि हर साल फरवरी की 10 तारीख से ऑलमोस्ट 10 तारीख अपनी चालू होने वाली है 10 तारीख से लेके 14 तारीख तक हम पुलवामा में शहीद हुए जितने भी जितने भी अपने शहीद जवान हैं ना उनकी याद में जितना भी हम लोग कलेक्शन करते हैं वो हम गऊ दान करते हैं मतलब गऊ दान जो गौशाला वगैरह होती हैं ठीक है जो बीमार गायें होती हैं जिनके इलाज चल रहे होते हैं जो यूँ समझ सकते हो आप एन वगैरह के थ्रू चलती हैं तो उनमें हम लोग डोनेट करते हैं अब वो हम अपना काम अपना करते हुए करते हैं साल में एक बार करते हैं अच्छा लगता है इसलिए करते हैं ठीक है क्लियर है और इससे आपको भी बेनिफिट हो जाता है कि एक साल का बैच जो है वो आपको बहुत ही कम कीमत में बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है आप भी सुकून से एक साल तक मस्त तरीके से पढ़ते हो हज़ारों बच्चे पढ़ पढ़ चुके हैं पिछली बार चौंतीस सब्सक्रिप्शन जो है ना दोस्तों इनरोल हुए थे अपन सब ने बहुत अच्छा बहुत ही रीजनेबल प्राइस में किया था इस बार भी दोस्तों फिफ्टी परसेंट का अपन फ्लैट ऑफ दे रहे हैं क्लियर है बात समझ में आ रही है करेक्ट है तो बढ़िया मौका आपके पास में है डी टेन की जगह डी फिफ्टी कोड का प्रयोग कर लेना ठीक है और आप सब भी दोस्तों सपोर्ट करो आपको भी अच्छा लगेगा आपको पढ़ना है आपको रीजनेबल प्राइस में सारी चीज़ें मिल रही हैं और क्या ही दिक्कत है ठीक है अब आप देखो आपका बेनिफिट देखना कितना सारा है कोई सा भी बैच ले लें वो आपको सीधा 50 परसेंट हो जाएगा जैसे ही अपना ए टू जेड कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है तीसरे नंबर वाला बैच ए टू जेड कंप्लीट रिकॉर्डेड इसकी प्राइस ऑलरेडी नौ सौ निन्यानवे रुपये अब इस पर सीधा अगर 50 परसेंट का मैं ऑफ कर दूं दोस्तों सीधा सीधा अगर फिफ्टी परसेंट का ऑफ कर दूँ तो ये क्या हो गया डी कोड लगाया भाई साहब फिफ्टी ऑफ हो गया सही है करेक्ट है कितने में आ गया पांच सौ रुपए में कोर्स मिल गया एक साल के लिए विद टेस्ट सीरीज मिल गया डिटेल सॉल्यूशन ऑल इंडिया रैंक पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंटर निकालने का ऑप्शन क्विजेज होमवर्क के क्वेश्चन पूरे बैच को आप लोग लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल जिस पे चलाना है उस पर चला सकते हो क्या कर सकता हूं मैं और बताओ आप लोगों के लिए ठीक है करेक्ट है समझ में आ रहा है अब ये रेलवे का अपना बैच है ये रेलवे का बैच सात सौ निन्यानवे रुपए का है सात सौ निन्यानवे रुपए की जगह दोस्तों कितने का हो गया मात्र चार सौ में आपको एक साल के लिए बैच मिल गया यानी देखा जाए तो एक रुपये पर डे के हिसाब से तीन सौ पैंसठ दिन तो वैसे ही होते हैं एक रुपया एक दिन का टेस्ट सीरीज भी तो है डेढ़ सौ मॉक टेस्ट भी है इसके तो कोई चार्जेस ही नहीं है वैसे ठीक है कोड आपको क्या लगाना है डी टेन सॉरी डी फिफ्टी डी फिफ्टी कोड का प्रयोग करना है फिफ्टी परसेंट का ऑफ मिल जाएगा आपको कितने का फिफ्टी परसेंट का अब तैयारी करो चाहे आप आर पी एफ की करो ए एल पी की करो टेक्नीशियन की करो एन टी पी सी की करो टी टी की करो आर आर बी जेई आर आई है ना ग्रुप डी की करो जिसकी तैयारी करनी है तैयारी करो जम के करो ना यार कहाँ दिक्कत आ रही है किस चीज़ कौन कहता है कि भाई साहब हैं कि सिर्फ पैसे वाले ही पढ़ेंगे या वही आगे बढ़ेंगे पैसा आपके जीवन में या आपकी उन्नति में कभी भी बैरियर नहीं बनेगा इतना मैं आपको बोल रहा हूँ YouTube पे आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं अगर आप थोड़ा सा और एफर्ट डाल के पेड का एक सब्सक्रिप्शन लेकर अच्छे से आप लोग मेहनत कर लो आपके 10 नंबर भी आपने अगर कहीं से ना कहीं बचा लिए अगर आपने तो आप वैसे ही सेलेक्ट हो जाओगे लोग तो पॉइंटों से रह जाते हैं YouTube के भरोसे बैठ बैठ के यार लेकिन हम तो यूट्यूब पर भी जम के मेहनत कर रहे हैं आप देख रहे हो यार कंटिन्यू छः सौ निन्यानवे सात सौ रुपये का बैच है रिकॉर्डेड बैच मात्र साढ़े तीन सौ रुपये में आपको बैच मिल रहा है वन रुपीज़ पर डे से भी कम हो गया भाई साहब डी फिफ्टी कोड लगाइए आप टेन परसेंट वाला नहीं फिफ्टी परसेंट का डिस्काउंट लीजिए डी फिफ्टी कोड लगाइए करेक्ट है आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हो चाहे आपको मैथ्स का बैच चाहिए हो रिकॉर्डेड चाहिए हो या फिर बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का बैच चाहिए हो सारे बैचेस अपनी ऐप पर अवेलेबल हैं सारे बैचेस जैसे ये बैच है एक्सप्रेस बैच अब इसकी उन्नीस सौ निन्यानवे रुपये प्राइज़ है जिसमें सारे ही सब्जेक्ट हैं मैथ रीजनिंग जी के जी एस हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करंट अफेयर सब मिल जाएगा ए एल पी टेक्नीशियन आर पी एफ सी बी टी वन सी बी टी टू सब के लिए ठीक है हंड्रेड फुल एंड टेस्ट वगैरह सब डाल रखें अब क्या प्राइस रह गया दोस्तों इसका मात्र नौ सौ निन्यानवे रुपये आपको ये बैच मिल रहा है चौदह तारीख के बाद कतई नहीं मिलेगा फिर आप बिल्कुल मत सोचना और ये मत कहना कि भाई साहब सर ये बैच मुझे दे दो मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ आज से ले कर चौदह तारीख तक आप आराम से और जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना जल्दी चार दिन में आप चीज़ों को समझ लोगे ऐप को एक्सेस करना सीख लोगे है ना कैसे ऑपरेट करना है कैसे कोर्सेस को विजिट करना है ठीक है चार दिन में तो पूरा खेल बदल जाता है दोस्तों करेक्ट है कि नहीं सही है आप डी फिफ्टी कोड का प्रयोग करिएगा किसका प्रयोग करेंगे डी फिफ्टी डी पचास का प्रयोग करिएगा फिफ्टी परसेंट का फ्लैट ऑफ मिल जाएगा मात्र नौ सौ निन्यानवे रुपये में, में सारे ही सब्जेक्ट कंप्लीट रीजनिंग कंप्लीट मैथ्स कंप्लीट साइंस स्टेटिक्स जी के ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी सब मिल जाएगा आपको ठीक है बैच का नाम है एक्सप्रेस बैच ठीक है क्या नाम है एक्सप्रेस बैच दो हज़ार चौबीस अब ये ए एल पी की टेस्ट सीरीज़ है सौ टेस्ट की टेस्ट सीरीज़ है फुल एंड टेस्ट सीरीज है सी बी टी वन के लिए फिर सी बी टी टू के लिए भी आएगी सी बी टी वन में कितने आते हैं सेवेंटी फाइव क्वेश्चन मैथ रीजनिंग जी के जी एस के आते हैं मैं कह रहा हूँ अगर इन पिचहत्तर क्वेश्चन में से आप पचपन से साठ क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हो ना यहाँ पर इन टेस्टों में तो यूँ समझ लेना आप 75 में से सत्तर क्वेश्चन करके आओगे कम से कम सत्तर से 75 क्वेश्चन करके आओगे अगर आप ये 100 टेस्ट लगा लेते हो तो कितने में मिल रहे हैं डी फिफ्टी कोड का प्रयोग करने के बाद मात्र सौ रुपये में हंड्रेड रुपीज़ ठीक है ये दो सौ मॉक टेस्ट हैं एक सौ के रखे थे कितने में हो बासठ साढ़े बासठ रुपये में 200 सौ टेस्ट रीजनिंग के डेढ़ सौ टेस्ट मात्र और मात्र कितने पचास रुपये में 100 मॉक टेस्ट कितने में दोस्तों और कम सैंतीस पॉइंट पाँच रुपये में सही है नहीं है इसके अलावा भाई साहब बुक पर भी दोस्तों आप सभी को पता है क्योंकि पंद्रह तारीख को पंद्रह तारीख को मैं बुक लॉन्च करने वाला हूँ आप सभी को पता ठीक है पंद्रह तारीख को पंद्रह फरवरी को मैं चाहता हूँ कि पंद्रह फरवरी से पहले जितनी भी प्री बुकिंग आएगी ना उसमें भी मैं आपको बेनिफिट दूंगा क्योंकि पंद्रह फरवरी के बाद तो इस बुक की प्राइस तीन सौ निन्यानवे रखनी है या तीन सौ उनचास रुपये रखनी है पर इससे कम नहीं रखेंगे लेकिन प्री बुकिंग में ये बुक आपको ऑलरेडी सौ डेढ़ सौ रुपये कम में मात्र दो सौ उनचास रुपये में आपके घर तक पहुंच रही है आपके घर तक पहुंच रही है आपको कोई अलग से डिलीवरी चार्जेस वगैरह कुछ नहीं देने सारे टॉपिक्स चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करके उसका सॉल्यूशन बना के सब कुछ आपको मिल रही है इतनी मेहनत की हुई है ना इस बुक पे इतनी मेहनत की है दोस्तों आप सोच नहीं सकते इतनी मेहनत की है चाहे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हो है ना चाहे वर्बल रीजनिंग के हो नॉन वर्बल रीजनिंग हो थियोरटिकल पोर्शन देख रहे हो आप थ्योरटिकल पोर्शन डायग्राम देख रहे हो आप एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का उठा के एक एक डायग्राम को भाई साहब बना के खुद से ठीक है फिर उसकी प्रिंट करवाइए और उसके सॉल्यूशंस बनाएं। देख रहे हो आप डिटेल सॉल्यूशंस के साथ कैसे बना क्यों बना सारे टॉपिक्स वन बाय वन मस्त ये देखो आप ये देखो फिगर सीरीज नंबर सीरीज सब कुछ आपको मिल जाएगा इस बुक में करो ना यार मेहनत करने वाले में दम होना चाहिए सिलेक्शन तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती अगर इंसान ठान ले कि भाई साहब उसको ये करना है तो सब कुछ भाई साहब फीका होता है उसकी चाह के आगे सब कुछ फीका हो जाता है सिर्फ फिर बाद में इंसान कोसता रहता है कि यार उस समय उस समय पिछले वाले समय को याद कर करके आज़ाद जीवन तो वैसे बर्बाद कर रहा है जो हो चुका है उसको जितना जल्दी आप भूल सको बेटर है आज और आने वाला समय आपका कैसा होगा यह आज आप लोग डिसाइड करो ठीक है जो आपका पीता वाला वक्त है वो नहीं करेक्ट हाँ बाय लैंग्वेल कंटेंट के साथ है भाई एक और चीज़ मैं बता दूँ ये बुक जो है ना अपनी बाय लैंग्वेल कंटेंट के साथ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है कंटेंट ठीक है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है ये कंटेंट ठीक है चैप्टर वाइज विद दिस सोल्यूशन चैप्टर वाइज प्लस डिटेल सॉल्यूशन ठीक करेक्ट है बात समझ में आ रही है ये अपना कॉलिंग नंबर है नाइन सिक्स जीरो टू फाइव वन फोर डबल थ्री टू इस पर आप लोग कॉल कर लीजिएगा क्लियर है ठीक है ऐप पर विजिट करो सीधा ऐप डाउनलोड करो आप ऐप डाउनलोड कर लो रजिस्टर कर लो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है ठीक है दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार ये यही अपनी ऐप आप। आपको मैं वेबसाइट भी दिखा देता हूँ बहुत ही प्यारी वेबसाइट बनाई है आप उस पर भी बैठ के टेस्ट लगा सकते हो अभी आप देखिएगा पूरा समझा देता हूँ ये अपनी ऐप है भाई साहब ऐप डाउनलोड कर लो सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाओ ऐप डाउनलोड कर लो ऐप डाउनलोड कर लो कि जब रजिस्टर कर लोगे ना न्यू स्टूडेंट जब रजिस्टर कर लेगा तो इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा आपको ठीक है बहुत ही प्यारा इंटरफेस दिखेगा पेड कोर्सेज फ्री क्लासेस वीकली टेस्ट पेड टेस्ट सीरीज पेड ई पी वगैरह सब दिखेगी क्विजेस सिलेबस सब कुछ आपको यहाँ पे दे रखा है बुक्स वाले सेक्शन से जाके आप बुक्स बाय कर सकते हो पेड कोर्स से जाकर आप पेड कोर्स बाय कर सकते हो जैसे ही आप पेड कोर्स पे क्लिक करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन पेड कोर्स पेड कोर्स पे क्लिक करोगे ठीक है सारे कोर्सेज की लिस्ट आ जाएगी जो भी कोर्स चाहिए कंप्लीट एक्सप्रेस बैच या ओनली रीजनिंग जो भी आपको चाहिए उसको आप विजिट करो बाय नाव पर आप क्लिक करोगे बाय नाओ पे क्लिक करने के बाद जहाँ पर दोस्तों आपको प्राइस जो भी दिखा रहा है अप्लाई कूपन पे क्लिक करना है बाय नाव पे क्लिक करने के बाद अप्लाई कूपन पे क्लिक करना है अप्लाई कूपन में अभी आपको पता ही है क्या कोड डालना है आपको D50 कोड का प्रयोग करना है यहाँ पर ठीक है किसका प्रयोग करोगे आप D50 आप D50 कोड का प्रयोग करेंगे इस जगह पर ठीक ये हटा देता हूँ मैं पुराना है ना बिल्कुल डी कोड का प्रयोग करिए और उसके बाद आप अप्लाई कर दीजिए सीधा 50 परसेंट ऑफ मिल जाएगा आपको करेक्ट बात समझ में आ गई कोड लगाओगे आप D50 एक साथ लिखिएगा D50 को और भाई साहब अप्लाई कर दीजिए सिंपल सा अप्लाई करने के बाद आप पेमेंट किसी भी मोड से कर दो जिससे आपको चाहिए फ़ोन पे गूगल पे पेटीएम नेट बैंकिंग वॉलेट ईएमआई कार्ड्स वगैरह सब दे रखा है करेक्ट सिंपल ओके गाइस चलिए थैंक यू सो मच इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि दोस्तों आप लोगों को इसकी ज़रूरत ना हो पर हज़ारों बच्चे हैं जिनको वास्तव में दोस्तों नीड है ठीक है और 100-200 रुपए के मैं तो कह रहा हूँ सीधे सीधे हज़ार के कोर्स पे आपके 500 बच रहे हैं दो हज़ार के पे हज़ार रुपये बच रहे तो इससे बेटर यार मैं कर भी नहीं सकता कुछ ठीक है थैंक यू सो मच बाय टेक केयर लव यू ऑल हैव अ नाइस डे सारे दोस्तों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा ऑफर अपना चालू हो गया है अपडेट कर देंगे ठीक है अपडेट कर दिया है वैसे आप लगा सकते हो बस वो तमलील वगैरह चेंज करना है बाकी आप डी फिफ्टी कोड यूज़ कर सकते सर कल न्यू चैप्टर होगा ये चैप्टर पूरा थोड़ी हुआ है बेटा अभी अरे यार हदे यार मतलब थक गए इतने में हैं आपको लग रहा है कि क्लॉक चैप्टर सिर्फ इतना सा ही होगा अरे क्लॉक चैप्टर में बहुत कुछ है अभी अभी तो आप छः सातवें टाइप पर आए हो अब बारह चौदह टाइप पर जाना है आपको पूरा ही सीखेंगे एक और सेशन ले, ले लेंगे क्या है यार सीख तो पूरा जाएंगे कम से कम ठीक है चलिए और ऐसे ही सारे टॉपिक प्रिपेयर करो जैसे ये चल रहा है ना वैसे ही आप सारे टॉपिक प्रिपेयर करो चाहे लॉजिकल रीजनिंग हो चाहे वर्बल रीजनिंग हो नॉन वर्बल रीजनिंग हो मैं कह रहा हूँ क्यों हम किसी का सहारा वो बने यार किसी के सहारे बैठे रहें इससे ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो क्यों ही करना अपने को हैं कोई कराएगा नहीं कराएगा हम करेंगे नहीं करेंगे अरे आपके पास एक चीज़ एक साल तक रहेगी आपके पास जब मर्जी पड़े जो चीज़ ना आए तुरंत उठा के देख लो ये पूरे पचास टॉपिक आपको थियोट थ्योरी में मिल जाएंगे जब भी भूल जाएंगे तुरंत अपने पास सारी चीजें एकदम स्टैटिक तरीके से अरेंज रहेंगी आराम से देखा और अच्छे से देखी ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा दिल से लाइक कर दीजिएगा और एक बार सभी से रिक्वेस्ट है सभी लोग एक बार लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें यार इसको है ना एक मिनट भी नहीं लगेगा आपको मुश्किल से दस बीस सेकेंड लगेंगे शेयर करने में आप शेयर कर दीजिएगा थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे चलिए कल मिलेंगे सुबह प्रैक्टिस सेट टू में है हाँ ना कल सुबह होगा आपका प्रैक्टिस सेट टू ये आप सभी को पता ही है सुबह दस बजे चालू हो गया मज़ा आया होगा आपको तो कल तैयार रहिएगा एकदम बढ़िया से थैंक्स अ लॉट